दुनिया में एक काम ये भी मुश्किल है कि हम जिसे पसंद करते हैं उसको बताना कि हम उसे पसंद करते हैं कई बार ये होता है कि हम इस राह में वेट करते हैं कि वो सामने से सा आकर हमें बताएंगे या फिर हम वेट इस बात का करते हैं कि जो है वो हम कभी ना कभी बताएंगे लेकिन वो दिन आता ही नहीं है उसकी शादी हो जाती है और दिन चले जाते हैं और हमारा सपना सपना रह जाता है खैर ऐसा मूवी के अंदर भी होता है लेकिन रियल लाइफ में भी होता ही होगा और आप में से बहुत लोगों के साथ ऐसा हुआ ही होगा मैं भी आपको यहाँ पर आज एक ऐसी मूवी के बारे में बताने जा रहा हूँ जहाँ पर आपको कुछ ऐसा ही जो है वो दिखाया गया है और जो मूवी के डायरेक्टर है इन्होंने बहुत ही बड़ी सीख भी दे हुई है ख़ासकर जो मॉडर्न लव है इनके बारे में काफ़ी कुछ यहाँ पर बताया हुआ है तो ये मूवी दोस्तों काफ़ी बेहतरीन है इसे आप एक बार हिंदी के अंदर ज़रूर देखिए हालांकि आगे मैं आपको ये भी बताने वाला हूँ ये फिल्म कहाँ पर आपको हिंदी के अंदर देखने को मिलेंगी तो इस वीडियो को आप थोड़ा बहुत देख लीजिएगा ताकि दोस्तों फिल्म के बारे में आपको सभी जानकारी तो मिल ही जाए लेकिन आप लोग इसे हिंदी के अंदर भी देख सकें और एक बहुत ही बड़ी ब्लॉकबस्टर फिल्म भी रही है क्योंकि मूवी का जितना बजट था उससे लगभग दस गुना ज़्यादा इसका कलेक्शन भी रहा है तो अच्छी बात यह है कि ये मूवी दोस्तों जो है वो आप हिंदी के अंदर देख सकते हैं तो चलिए जानते हैं फिल्म के बारे में तो फिल्म का नाम दोस्तों प्रेमलो है जो कि दो की मलयालम भाषा की एक कॉमेडी और रोमांस बेस्ड फिल्म है जिसका रन टाइम लगभग दो घंटे और छत्तीस मिनट का है और इसकी रेटिंग भी काफ़ी अच्छी निकल के आई है लगभग दोस्तों अस्सी से नब्बे प्रतिशत लोगों ने इसे लाइक किया हुआ है तो यहाँ पर आप समझ हो गए होंगे कि फ़िल्म के अंदर दम ज़रूर है इसके अलावा मूवी के अंदर जो स्टोरी आपको दिखाई गई है वो वैसे तो सिंपल है लेकिन जिस तरह से इसे प्रेजेंट किया गया है वाकई बहुत ही बढ़िया है इसे प्रोड्यूस किया था फहद फासिल और श्याम पुस्करन और दिलेश पोटलान ने तो फिल्म का जो कलेक्शन था वो काफ़ी बढ़िया रहा था और हिंदी के अंदर आप देखना चाहते हैं तो वैसे तो ये मूवी काफ़ी जगह पर आपको मिलेंगी लेकिन ऑफिशियल प्लेटफॉर्म डिजनी प्लस हॉटस्टार है आप लोग डिजनी प्लस हॉटस्टार पर इस मूवी को हिंदी में स्ट्रीम कर सकते हैं इसके अलावा आट एलेक्स स्ट्रीम वहाँ पर भी आपको फिल्म देखने को मिल जाएंगी आप वहाँ से भी चेकआउट कर सकते हैं इस मूवी को फिल्म के कास्ट में आपको नस्लन के कपूर ममिता बैजू संगीत प्रताप अखिल भार्गवन श्याम मोहन माथ्यू थॉमस समीर खान गोपू केशव अल्ताफ सलीम मीनाक्षी रविंद्र राहुल पीपी ऐसे बहुत सारे किरदार जो है वो देखने को मिल जाते हैं और आपको सबका काम बहुत ही बेहतरीन है आपको कहीं पर भी निराश नहीं करता है लेकिन खासकर इस फिल्म का जो हीरो है और जो हीरोइन है इन दोनों का काम बहुत ही अच्छा लगा फिल्म के अंदर मतलब यहाँ पर आपको काफ़ी कुछ तो सिखाया ही गया है लेकिन इसका क्लाइमेक्स भी काफ़ी इंटरेस्टिंग है और आप जो इस मूवी को प्रेडिक्ट तो कर ही सकते हैं क्योंकि आपको पता ही होगा कि हर मूवी की एक तरह की हैप्पी एंडिंग हो जाती है यहाँ पर भी शायद आपको कुछ ऐसा ही मूवी के मेकर्स ने दिखाने की कोशिश की हुई है और ये जो मूवी है इसका रन टाइम वैसे काफ़ी थोड़ा ज़्यादा है लेकिन अगर थोड़ा कम भी होता तो भी कोई दिक्कत की बात नहीं होती हर लोगों को दोस्तों अलग अलग तरह की फिल्में देखना पसंद होता है जो लोग दोस्तों रोमांटिक मूवीज़ देखते हैं वही इसे देखे वरना अगर आप एक्शन या फिर मार धड़ वाली मूवीज़ देखते हैं तो हो सकता है कि आपको ये उतनी अच्छी ना लगे फिल्म के अंदर जो हीरो होता है इसका नाम सचिन है जो कि केरल के अंदर रहता है और वो एक लड़की से प्यार भी करता है और वन साइड लव होता है लेकिन वह उससे प्रेम का खुलासा नहीं कर सकता है और फिर बाद में वो जो पढ़ाई के अंतिम दिनों के अंदर उसे बताता है लेकिन वो लड़की उसे मना कर देती है इस बात का उसे काफ़ी दुख होता है क्योंकि उसने ये सोच रखा था कि वो लड़के उसे हाँ बोल देंगे लेकिन ऐसा हुआ नहीं इसका उल्टा विपरीत हो गया फिर कहानी आगे थोड़ी चलती है और फिर जो हीरो होता है वो उच्च शिक्षा के लिए जो है ब्रिटेन जाने की कोशिश करता है लेकिन इसका वीज़ा जो नहीं मिल पाता है और वीज़ा खारिज कर दिया जाता है छः महीने बाद वे जो है उसे एक मौका मिलता है और वे अपने दोस्त अमूल जो है यानी कि संगीत प्रताप है इनके साथ वे जो कुछ महीने उसके साथ बिताता है लेकिन फिर होता यू है कि जब कोचिंग सेंटर में जो है अपनी शादी के लिए एक जगह पे जाता है तो वहाँ पर एक लड़की से मिलता है जिसका नाम रीना यानी कि ममिता बेजो होता है और पहली बार में जब उसे देखता है तो उसे भी प्यार हो ही जाता है उससे और फिर जो है वो उसके प्यार में गिरता है रैनु जी कि हैदराबाद में आई में जॉब कर रही होती है और आदि जो श्याम मोहन है जो कि एक वरिष्ठ है उसे प्यार करता है और हैदराबाद लौटने के बाद सचिन और अमूल ने रेनू को उसके दोस्त को ले जाने में उसकी मदद की होती है दोस्त ने यहाँ पर उसके चेहरे पर कहा है कि जो रेनू है कल के बारे में लक्ष्य है नहीं होगी और वह यूके जाने की योजना बना रही है और वह उस गेट उस गेट को छोड़कर फूड कोर्ट में काम कर रही है और वह ऐसी लड़की नहीं है और उसने बस अगले तीस सालों की योजना बनाए रखी होती है और वे जो है वो आदि से प्यार करती है जो कि उसके लिए उपयुक्त है तुम्हारे जैसे जो अपरिपक्व व्यक्ति है उनसे नहीं उसके चेहरे पर जो है अब सचिन ने दूसरी बार क्या फैसला लिया होता है ये कहानी का बाकी हिस्सा होता है हालांकि ये कहानी दोस्तों जो है पुराने ज़माने की जैसी ही है लेकिन यहाँ पर जिस तरह से इसे किया गया है वो बिल्कुल नया है मूवी के अंदर आपको थोड़े बहुत उतार चढ़ाव देखने को मिलेंगे काफ़ी अच्छे गाने भी देखने को मिलेंगे जो कि हिंदी के अंदर डब कराए गए हैं ये मूवी दोस्तों वैसे तो मुझे पर्सनली अच्छी लगी है और उम्मीद है कि आपको भी शायद अच्छी लगेंगी इसका बजट भी दोस्तों कम था और कलेक्शन भी काफ़ी इंटरेस्टिंग हुआ है तो कुल मिलाकर एक अच्छी फिल्म आप इसे मान सकते हैं और रेटिंग भी काफ़ी सही है इस फिल्म की दुनिया में एक काम ये भी मुश्किल है कि हम जिसे पसंद करते हैं उसको बताना कि हम उसे पसंद करते हैं कई बार ये होता है कि हम इस राह में वेट करते हैं कि वो सामने से आकर हमें बताएंगे या फिर हम वेट इस बात का करते हैं कि जो है वो हम कभी ना कभी बताएंगे लेकिन वो दिन आता ही नहीं है उसकी शादी हो जाती है और दिन चले जाते हैं और हमारा सपना सपना रह जाता है खैर ऐसा मूवी के अंदर भी होता है लेकिन रियल लाइफ में भी होता ही होगा और आप में से बहुत लोगों के साथ ऐसा हुआ ही होगा मैं भी आपको यहाँ पर आज एक ऐसी मूवी के बारे में बताने जा रहा हूँ जहाँ पर आपको कुछ ऐसा ही जो है वो दिखाया गया है और जो मूवी के डायरेक्टर है इन्होंने एक बहुत ही बड़ी सीख भी दे हुई है ख़ासकर जो मॉडर्न लव है इनके बारे में काफ़ी कुछ यहाँ पर बताया हुआ है तो ये मूवी दोस्तों काफ़ी बेहतरीन है इसे आप एक बार हिंदी के अंदर ज़रूर देखिए हालांकि आगे मैं आपको ये भी बताने वाला हूँ ये फिल्म कहाँ पर आपको हिंदी के अंदर देखने को मिलेंगी तो इस वीडियो को आप थोड़ा बहुत देख लीजिएगा ताकि दोस्तों फिल्म के बारे में आपको सभी जानकारी तो मिल ही जाए लेकिन आप लोग इसे हिंदी के अंदर भी देख सकें और एक बहुत ही बड़ी ब्लॉकबस्टर फिल्म भी रही है क्योंकि मूवी का जितना बजट था उससे लगभग दस गुना ज़्यादा इसका कलेक्शन भी रहा है तो अच्छी बात यह है कि ये मूवी दोस्तों जो है वो आप हिंदी के अंदर देख सकते हैं तो चलिए जानते हैं फिल्म के बारे में तो फिल्म का नाम दोस्तों प्रेमलू है जो कि दो की मलयालम भाषा की एक कॉमेडी और रोमांस बेस्ड फिल्म है जिसका रन टाइम लगभग दो घंटे और छत्तीस मिनट का है और इसकी रेटिंग भी काफ़ी अच्छी निकल के आई है लगभग दोस्तों अस्सी से नब्बे प्रतिशत लोगों ने इसे लाइक किया हुआ है तो यहाँ पर आप समझ हो गए हो कि फ़िल्म के अंदर दम जरूर है इसके अलावा मूवी के अंदर जो स्टोरी आपको दिखाई गई है वो वैसे तो सिंपल है लेकिन जिस तरह से इसे प्रेजेंट किया गया है वाकई बहुत ही बढ़िया है इसे प्रोड्यूस किया था फहद फासिल और श्याम पुस्करन और दिलेश पोटलान ने तो फिल्म का जो कलेक्शन था वो काफ़ी बढ़िया रहा था और हिंदी के अंदर आप देखना चाहते हैं तो वैसे तो ये मूवी काफ़ी जगह पर आपको मिलेंगी लेकिन ऑफिशियल प्लेटफॉर्म डिजनी प्लस हॉटस्टार है आप लोग डिजनी प्लस हॉटस्टार पर इस मूवी को हिंदी में स्ट्रीम कर सकते हैं इसके अलावा आ एट एल एक्स स्ट्रीम वहाँ पर भी आपको फिल्म देखने को मिल जाएंगी आप वहाँ से भी चेकआउट कर सकते हैं इस मूवी को फिल्म के कास्ट में आपको नस्लन के कपूर ममिता बैजू संगीत प्रताप अखिल भार्गनन श्याम मोहन माथ्यू थॉमस समीर खान गोपू केशव अल्ताफ सलीम मीनाक्षी रविंद्र राहुल टिपी ऐसे बहुत सारे किरदार जो है वो देखने को मिल जाते हैं और आपको सबका काम बहुत ही बेहतरीन है आपको कहीं पर भी निराश नहीं करता है लेकिन खासकर इस फिल्म का जो हीरो है और जो हीरोइन है इन दोनों का काम बहुत ही अच्छा लगा फिल्म के अंदर मतलब यहाँ पर आपको काफ़ी कुछ तो सिखाया ही गया है लेकिन इसका क्लाइमेक्स भी काफ़ी इंटरेस्टिंग है और आप जो इस मूवी को प्रेडिक्ट तो कर ही सकते हैं क्योंकि आपको पता ही होगा कि हर मूवी की एक तरह की हैपी एडिंग हो जाती है यहाँ पर भी शायद आपको कुछ ऐसा ही मूवी के मेकर्स ने दिखाने की कोशिश की हुई है और ये जो मूवी है इस कारण वैसे काफ़ी थोड़ा ज़्यादा है लेकिन अगर थोड़ा कम भी होता तो भी कोई दिक्कत की बात नहीं होती हर लोगों को दोस्तों अलग अलग तरह की फिल्में देखना पसंद होता है जो लोग दोस्तों रोमांटिक मूवीज़ देखते हैं वही इसे देखे वरना अगर आप एक्शन या फिर मार धड़ वाली मूवीज़ देखते हैं तो हो सकता है कि आपको ये उतनी अच्छी ना लगे फिल्म के अंदर जो हीरो होता है इसका नाम सचिन है जो कि केरल के अंदर रहता है और वो एक लड़की से प्यार भी करता है और वन साइड लव होता है लेकिन वह उससे प्रेम का खुलासा नहीं कर सकता है और फिर बाद में वो जो पढ़ाई के अंतिम दिनों के अंदर उसे बताता है लेकिन वो लड़की उसे मना कर देती है इस बात का उसे काफ़ी दुख होता है क्योंकि उसने ये सोच रखा था कि वो लड़के उसे हाँ बोल देंगे लेकिन ऐसा हुआ नहीं इसका उल्टा विपरीत हो गया फिर कहानी आगे थोड़ी चलती है और फिर जो हीरो होता है वो उच्च शिक्षा के लिए जो है ब्रिटेन जाने की कोशिश करता है लेकिन इसका वीज़ा जो नहीं मिल पाता है और वीज़ा खारिज कर दिया जाता है छः महीने बाद वे जो है उसे एक मौका मिलता है और वे अपने दोस्त अमूल जो है यानी कि संगीत प्रताप है इनके साथ वे जो कुछ महीने उसके साथ बिताता है लेकिन फिर होता यू है कि जब कोचिंग सेंटर में जो है अपनी शादी के लिए एक जगह पे जाता है तो वहाँ पर एक लड़की से मिलता है जिसका नाम रीना यानी कि ममिता बेजो होता है और पहली बार में ही जब उसे देखता है तो उसे भी प्यार हो ही जाता है उससे और फिर जो है वो उसके प्यार में गिरता है रैनु जो कि हैदराबाद में आई में जॉब कर रही होती है और आदि जो श्याम मोहन है जो कि एक वरिष्ठ है उसे प्यार करता है और हैदराबाद लौटने के बाद सचिन और अमूल ने रेनू को उसके दोस्त को ले जाने में उसकी मदद की होती है दोस्त ने यहाँ पर उसके चेहरे पर कहा है कि जो रेनू है कल के बारे में लक्ष्य इन्हें नहीं होगी और वह यूके के जाने की योजना बना रही है और वह उस गेट उस गेट को छोड़कर फूड कोर्ट में काम कर रही है और वह ऐसी लड़की नहीं है और उसने बस अगले तीस सालों की योजना बनाए रखी होती है और वे जो है वो आदि से प्यार करती है जो कि उसके लिए उपयुक्त है तुम्हारे जैसे जो अपरिपक्व व्यक्ति है उनसे नहीं तो उसके चेहरे पर जो है अब सचिन ने दूसरी बार क्या फैसला लिया होता है ये कहानी का बाकी हिस्सा होता है हालांकि ये कहानी दोस्तों जो है पुराने जमाने के जैसी ही है लेकिन यहाँ पर जिस तरह से इसे प्रजेंट किया गया है वो बिल्कुल नया है मूवी के अंदर आपको थोड़े बहुत उतारा चढ़ाव देखने को मिलेंगे काफ़ी अच्छे गाने भी देखने को मिलेंगे जो कि हिंदी के अंदर डब कराए गए हैं ये मूवी दोस्तों वैसे तो मुझे पर्सनली अच्छी लगी है और उम्मीद है कि आपको भी शायद अच्छी लगेंगी इसका बजट भी दोस्तों कम था और कलेक्शन भी काफ़ी इंटरेस्टिंग हुआ है तो कुल मिलाकर एक अच्छी फिल्म आप इसे मान सकते हैं और रेटिंग भी काफ़ी सही है इस फिल्म की दुनिया में एक काम ये भी मुश्किल है कि हम जिसे पसंद करते हैं उसको बताना कि हम उसे पसंद करते हैं कई बार ये होता है कि हम इस राह में वेट करते हैं कि वो सामने से आकर हमें बताएंगे या फिर हम वेट इस बात का करते हैं कि जो है वो हम कभी ना कभी बताएंगे लेकिन वो दिन आता ही नहीं है उसकी शादी हो जाती है और दिन चले जाते हैं और हमारा सपना सपना रह जाता है खैर ऐसा मूवी के अंदर भी होता है लेकिन रियल लाइफ में भी होता ही होगा और आप में से बहुत लोगों के साथ ऐसा हुआ ही होगा मैं भी आपको यहाँ पर आज एक ऐसी मूवी के बारे में बताने जा रहा हूँ जहाँ पर आपको कुछ ऐसा ही जो है वो दिखाया गया है और जो मूवी के डायरेक्टर है इन्होंने एक बहुत ही बड़ी सीख भी दे हुई है ख़ासकर जो मॉडर्न लव है इनके बारे में काफ़ी कुछ यहाँ पर बताया हुआ है तो ये मूवी दोस्तों काफ़ी बेहतरीन है इसे आप एक बार हिंदी के अंदर ज़रूर देखिए हालांकि आगे मैं आपको ये भी बताने वाला हूँ ये फ़िल्म कहाँ पर आपको हिंदी के अंदर देखने को मिलेंगी तो इस वीडियो को आप थोड़ा बहुत देख लीजिएगा ताकि दोस्तों फिल्म के बारे में आपको सभी जानकारी तो मिल ही जाए लेकिन आप लोग इसे हिंदी के अंदर भी देख सकें और एक बहुत ही बड़ी ब्लॉकबस्टर फिल्म भी रही है क्योंकि मूवी का जितना बजट था उससे लगभग दस गुना ज़्यादा इसका कलेक्शन भी रहा है तो अच्छी बात यह है कि ये मूवी दोस्तों जो है वह आप हिंदी के अंदर देख सकते हैं तो चलिए जानते हैं फिल्म के बारे में तो फिल्म का नाम दोस्तों प्रेमअलू है जो कि दो की मलयालम भाषा की एक कॉमेडी और रोमांस बेस्ड फिल्म है जिसका रन टाइम लगभग दो घंटे और छत्तीस मिनट का है और इसकी रेटिंग भी काफ़ी अच्छी निकल के आई है लगभग दोस्तों अस्सी से नब्बे प्रतिशत लोगों ने इसे लाइक किया हुआ है तो यहाँ पर आप समझ हो गए होंगे कि फिल्म के अंदर दम जरूर है इसके अलावा मूवी के अंदर जो स्टोरी आपको दिखाई गई है वो वैसे तो सिंपल है लेकिन जिस तरह से इसे प्रेजेंट किया गया है वाकई बहुत ही बढ़िया है इसे प्रोड्यूस किया था फहद फासिल और श्याम पुस्करन और दिलेश पोटलान ने तो फिल्म का जो कलेक्शन था वो काफ़ी बढ़िया रहा था और हिंदी के अंदर आप देखना चाहते हैं तो वैसे तो ये मूवी काफ़ी जगह पर आपको मिलेंगी लेकिन ऑफिशियल प्लेटफॉर्म डिजनी प्लस हॉटस्टार है आप लोग डिजनी प्लस हॉटस्टार पर इस मूवी को हिंदी में स्ट्रीम कर सकते हैं इसके अलावा अहा एट एलैक्स स्ट्रीम वहाँ पर भी आपको फिल्म देखने को मिल जाएंगी आप वहाँ से भी चेकआउट कर सकते हैं इस मूवी को फिल्म के लीड कास्ट में आपको नस्लन के कपूर ममिता बैजू संगीत प्रताप अखिल भार्गवन श्याम मोहन माथ्यू थॉमस समीर खान गोपू केशव अल्ताफ सलीम मीनाक्षी रविंद्र राहुल पीपी ऐसे बहुत सारे किरदार जो है वो देखने को मिल जाते हैं और आपको सबका काम बहुत ही बेहतरीन है आपको कहीं पर भी निराश नहीं करता है लेकिन खास कर इस फिल्म का जो हीरो है और जो हीरोइन है इन दोनों का काम बहुत ही अच्छा लगा फिल्म के अंदर मतलब यहाँ पर आपको काफ़ी कुछ तो सिखाया ही गया है लेकिन इसका क्लाइमेक्स भी काफ़ी इंटरेस्टिंग है और आप जो इस मूवी को प्रेडिक्ट तो कर ही सकते हैं क्योंकि आपको पता ही होगा कि हर मूवी की एक तरह की हैप्पी एंडिंग हो जाती है यहाँ पर भी शायद आपको कुछ ऐसा ही मूवी के मेकर्स ने दिखाने की कोशिश की हुई है और ये जो मूवी है रन टाइम वैसे काफ़ी थोड़ा ज़्यादा है लेकिन अगर थोड़ा कम भी होता तो भी कोई दिक्कत की बात नहीं होती हर लोगों को दोस्तों अलग अलग तरह की फिल्में देखना पसंद होता है जो लोग दोस्तों रोमांटिक मूवीज़ देखते हैं वही इसे देखे वरना अगर आप एक्शन या फिर मार धड़ वाली मूवीज़ देखते हैं तो हो सकता है कि आपको ये उतनी अच्छी ना लगे फिल्म के अंदर जो हीरो होता है इसका नाम सचिन है जो कि केरल के अंदर रहता है और वो एक लड़की से प्यार भी करता है और वन साइड लव होता है लेकिन वह उससे प्रेम का खुलासा नहीं कर सकता है और फिर बाद में वो जो पढ़ाई के अंतिम दिनों के अंदर उसे बताता है लेकिन वो लड़की उसे मना कर देती है इस बात का उसे काफ़ी दुख होता है क्योंकि उसने ये सोच रखा था कि वो लड़के उसे हाँ बोल देंगे लेकिन ऐसा हुआ नहीं इसका उल्टा विपरीत हो गया फिर कहानी आगे थोड़ी चलती है और फिर जो हीरो होता है वो उच्च शिक्षा के लिए जो है ब्रिटेन जाने की कोशिश करता है लेकिन इसका वीज़ा जो नहीं मिल पाता है और वीज़ा खारिज कर दिया जाता है छः महीने बाद वे जो है उसे एक मौका मिलता है और वे अपने दोस्त अमूल जो है यानी कि संगीत प्रताप है इनके साथ वे जो कुछ महीने उसके साथ बिताता है लेकिन फिर होता यू है कि जब कोचिंग सेंटर में जो है वो अपनी शादी के लिए एक जगह पे जाता है तो वहाँ पर एक लड़की से मिलता है जिसका नाम रीना यानी कि ममिता बेजो होता है और पहली बार में ही जब उसे देखता है तो उसे भी प्यार हो ही जाता है उससे और फिर जो है वो उसके प्यार में गिरता है रहन जी हैदराबाद में आई में जॉब कर रही होती है और आदि जो श्याम मोहन है जो कि एक वरिष्ठ है उसे प्यार करता है और हैदराबाद लौटने के बाद सचिन और अमूल ने रेनू को उसके दोस्त को ले जाने में उसकी मदद की होती है दोस्त ने यहाँ पर उसके चेहरे पर कहा है कि जो रेनू है कल के बारे में लक्ष्य इन्हें नहीं होगी और वह यूके जाने की योजना बना रही है और वह उस गेट उस गेट को छोड़कर फूड कोर्ट में काम कर रही है और वह ऐसी लड़की नहीं है और उसने बस अगले तीस सालों की योजना बनाए रखी होती है और वे जो है वो आदि से प्यार करती है जो कि उसके लिए उपयुक्त है तुम्हारे जैसे जो अपरिपक्व व्यक्ति है उनसे नहीं तो उसके चेहरे पर जो है अब सचिन ने दूसरी बार क्या फैसला लिया होता है ये कहानी का बाकी हिस्सा होता है हालांकि ये कहानी दोस्तों जो है पुराने ज़माने के जैसी ही है लेकिन यहाँ पर जिस तरह से इसे किया गया है वो बिल्कुल नया है मूवी के अंदर आपको थोड़े बहुत उतारा चढ़ाव देखने को मिलेंगे काफ़ी अच्छे गाने भी देखने को मिलेंगे जो कि हिंदी के अंदर डब कराए गए हैं ये मूवी दोस्तों वैसे तो मुझे पर्सनली अच्छी लगी है और उम्मीद है कि आपको भी शायद अच्छी लगेंगी इसका बजट भी दोस्तों कम था और कलेक्शन भी काफ़ी इंटरेस्टिंग हुआ है तो कुल मिलाकर एक अच्छी फिल्म आप इसे मान सकते हैं और रेटिंग भी काफ़ी सही है इस फिल्म की दुनिया में एक काम ये भी मुश्किल है कि हम जिसे पसंद करते हैं उसको बताना कि हम उसे पसंद करते हैं कई बार ये होता है कि हम इस राह में वेट करते हैं कि वो सामने से सा आकर हमें बताएंगे या फिर हम वेट इस बात का करते हैं कि जो है वो हम कभी ना कभी बताएंगे लेकिन वो दिन आता ही नहीं है उसकी शादी हो जाती है और दिन चले जाते हैं और हमारा सपना सपना रह जाता है खैर ऐसा मूवी के अंदर भी होता है लेकिन रियल लाइफ में भी होता ही होगा और आप में से बहुत लोगों के साथ ऐसा हुआ ही होगा मैं भी आपको यहाँ पर आज एक ऐसी मूवी के बारे में बताने जा रहा हूँ जहाँ पर आपको कुछ ऐसा ही जो है वो दिखाया गया है और जो मूवी के डायरेक्टर है इन्होंने एक बहुत ही बड़ी सीख भी दे हुई है खासकर जो मॉडर्न लव है इनके बारे में काफ़ी कुछ यहाँ पर बताया हुआ है तो ये मूवी दोस्तों काफ़ी बेहतरीन है इसे आप एक बार हिंदी के अंदर ज़रूर देखिए हालांकि आगे मैं आपको ये भी बताने वाला हूँ ये फिल्म कहाँ पर आपको हिंदी के अंदर देखने को मिलेंगी तो इस वीडियो को आप थोड़ा बहुत देख लीजिएगा ताकि दोस्तों फिल्म के बारे में आपको सभी जानकारी तो मिल ही जाए लेकिन आप लोग इसे हिंदी के अंदर भी देख सकें और एक बहुत ही बड़ी ब्लॉकबस्टर फिल्म भी रही है क्योंकि मूवी का जितना बजट था उससे लगभग दस गुना ज़्यादा इसका कलेक्शन भी रहा है तो अच्छी बात यह है कि ये मूवी दोस्तों जो है वह आप हिंदी के अंदर देख सकते हैं तो चलिए जानते हैं फिल्म के बारे में तो फिल्म का नाम दोस्तों प्रेमलो है जो कि 2024 की मलयालम भाषा की एक कॉमेडी और रोमांस बेस्ड फिल्म है जिसका रन टाइम लगभग दो घंटे और छत्तीस मिनट का है और इसकी रेटिंग भी काफ़ी अच्छी निकल के आई है लगभग दोस्तों अस्सी से नब्बे प्रतिशत लोगों ने इसे लाइक किया हुआ है तो यहाँ पर आप समझ हो गए होंगे कि फिल्म के अंदर दम ज़रूर है इसके अलावा मूवी के अंदर जो स्टोरी आपको दिखाई गई है वो वैसे तो सिंपल है लेकिन जिस तरह से इसे प्रेजेंट किया गया है वाकई बहुत ही बढ़िया है इसे प्रोड्यूस किया था फहद फासिल और श्याम पुष्करन और दिलेश पोटलान ने तो फिल्म का जो कलेक्शन था वो काफ़ी बढ़िया रहा था और हिंदी के अंदर आप देखना चाहते हैं तो वैसे तो ये मूवी काफ़ी जगह पर आपको मिलेंगी लेकिन ऑफिशियल प्लेटफॉर्म डिजनी प्लस हॉटस्टार है आप लोग डिजनी प्लस हॉटस्टार पर इस मूवी को हिंदी में स्ट्रीम कर सकते हैं इसके अलावा आट एलेक्स स्ट्रीम वहाँ पर भी आपको फिल्म देखने को मिल जाएंगी आप वहाँ से भी चेकआउट कर सकते हैं इस मूवी को फिल्म के लीड कास्ट में आपको नस्लन के कपूर ममिता बैजू संगीत प्रताप अखिल भार्गवन श्याम मोहन माथ्यू थॉमस समीर खान गोपू केशव अल्ताफ सलीम मीनाक्षी रविंद्र राहुल टिपी ऐसे बहुत सारे किरदार जो है वो देखने को मिल जाते हैं और आपको सबका काम बहुत ही बेहतरीन है आपको कहीं पर भी निराश नहीं करता है लेकिन ख़ास कर इस फिल्म का जो हीरो है और जो हीरोइन है इन दोनों का काम बहुत ही अच्छा लगा फिल्म के अंदर मतलब यहाँ पर आपको काफ़ी कुछ तो सिखाया ही गया है लेकिन इसका क्लाइमेक्स भी काफ़ी इंटरेस्टिंग है और आप जो इस मूवी को प्रेडिक्ट तो कर ही सकते हैं क्योंकि आपको पता ही होगा कि हर मूवी की एक तरह की एडिंग हो जाती है यहाँ पर भी शायद आपको कुछ ऐसा ही मूवी के मेकर्स ने दिखाने की कोशिश की हुई है और ये जो मूवी है रन टाइम वैसे काफ़ी थोड़ा ज़्यादा है लेकिन अगर थोड़ा कम भी होता तो भी कोई दिक्कत की बात नहीं होती हर लोगों को दोस्तों अलग अलग तरह की फिल्में देखना पसंद होता है जो लोग दोस्तों रोमांटिक मूवीज़ देखते हैं वही इसे देखे वरना अगर आप एक्शन या फिर मार धड़ वाली मूवीज़ देखते हैं तो हो सकता है कि आपको ये उतनी अच्छी ना लगे फिल्म के अंदर जो हीरो होता है इसका नाम सचिन है जो कि केरल के अंदर रहता है और वो एक लड़की से प्यार भी करता है और वन साइड लव होता है लेकिन वह उससे प्रेम का खुलासा नहीं कर सकता है और फिर बाद में वो जो पढ़ाई के अंतिम दिनों के अंदर उसे बताता है लेकिन वो लड़की उसे मना कर देती है इस बात का उसे काफ़ी दुख होता है क्योंकि उसने ये सोच रखा था कि वो लड़के उसे हाँ बोल देंगे लेकिन ऐसा हुआ नहीं इसका उल्टा विपरीत हो गया फिर कहानी आगे थोड़ी चलती है और फिर जो हीरो होता है वो उच्च शिक्षा के लिए जो है ब्रिटेन जाने की कोशिश करता है लेकिन इसका वीज़ा जो नहीं मिल पाता है और वीज़ा खारिज कर दिया जाता है छः महीने बाद वे जो है उसे एक मौका मिलता है और वे अपने दोस्त अमूल जो है यानी कि संगीत प्रताप है इनके साथ वे जो कुछ महीने उसके साथ बिताता है लेकिन फिर होता यू है कि जब कोचिंग सेंटर में जो है वो अपनी शादी के लिए एक जगह पर जाता है तो वहाँ पर एक लड़की से मिलता है जिसका नाम रीना यानी कि ममिता बेजो होता है और पहली बार में ही जब उसे देखता है तो उसे भी प्यार हो ही जाता है उससे और फिर जो है वो उसके प्यार में गिरता है रहन जो कि हैदराबाद में आईटी में जॉब कर रही होती है और आदि जो श्याम मोहन है जो कि एक वरिष्ठ है उसे प्यार करता है और हैदराबाद लौटने के बाद सचिन और अमूल ने रेनू को उसके दोस्त को ले जाने में उसकी मदद की होती है दोस्त ने यहाँ पर उसके चेहरे पर कहा है कि जो रेनू है कल के बारे में लक्ष्य इन्हें नहीं होगी और वह यूके जाने की योजना बना रही है और वह उस गेट उस गेट को छोड़कर फूड कोर्ट में काम कर रही है और वह ऐसी लड़की नहीं है और उसने बस अगले तीस सालों की योजना बनाए रखी होती है और वे जो है वो आदि से प्यार करती है जो कि उसके लिए उपयुक्त है तुम्हारे जैसे जो अपरिपक्व व्यक्ति है उनसे नहीं उसके चेहरे पर जो है अब सचिन ने दूसरी बार क्या फैसला लिया होता है ये कहानी का बाकी हिस्सा होता है हालांकि ये कहानी दोस्तों जो है पुराने ज़माने के जैसी ही है लेकिन यहाँ पर जिस तरह से इसे प्रेजेंट किया गया है वो बिल्कुल नया है मूवी के अंदर आपको थोड़े बहुत उतारा चढ़ाव देखने को मिलेंगे काफ़ी अच्छे गाने भी देखने को मिलेंगे जो कि हिंदी के अंदर डब कराए गए हैं ये मूवी दोस्तों वैसे तो मुझे पर्सनली अच्छी लगी है और उम्मीद है कि आपको भी शायद अच्छी लगेंगी इसका बजट भी दोस्तों कम था और कलेक्शन भी काफ़ी इंटरेस्टिंग हुआ है तो कुल मिलाकर एक अच्छी फिल्म आप इसे मान सकते हैं और रेटिंग भी काफ़ी सही है इस फिल्म की दुनिया में एक काम ये भी मुश्किल है कि हम जिसे पसंद करते हैं उसको बताना कि हम उसे पसंद करते हैं कई बार ये होता है कि हम इस राह में वेट करते हैं कि वो सामने से आकर हमें बताएंगे या फिर हम वेट इस बात का करते हैं कि जो है वो हम कभी न कभी बताएंगे लेकिन वो दिन आता ही नहीं है उसकी शादी हो जाती है और दिन चले जाते हैं और हमारा सपना सपना रह जाता है खैर ऐसा मूवी के अंदर भी होता है लेकिन रियल लाइफ में भी होता ही होगा और आप में से बहुत लोगों के साथ ऐसा हुआ ही होगा मैं भी आपको यहाँ पर आज एक ऐसी मूवी के बारे में बताने जा रहा हूँ जहाँ पर आपको कुछ ऐसा ही जो है वो दिखाया गया है और जो मूवी के डायरेक्टर है इन्होंने एक बहुत ही बड़ी सीख भी दे हुई है खासकर जो मॉडर्न लव है इनके बारे में काफ़ी कुछ यहाँ पर बताया हुआ है तो ये मूवी दोस्तों काफ़ी बेहतरीन है इसे आप एक बार हिंदी के अंदर ज़रूर देखिए हालांकि आगे मैं आपको ये भी बताने वाला हूँ ये फिल्म कहाँ पर आपको हिंदी के अंदर देखने को मिलेंगी तो इस वीडियो को आप थोड़ा बहुत देख लीजिएगा ताकि दोस्तों फिल्म के बारे में आपको सभी जानकारी तो मिल ही जाए लेकिन आप लोग इसे हिंदी के अंदर भी देख सकें और एक बहुत ही बड़ी ब्लॉकबस्टर फिल्म भी रही है क्योंकि मूवी का जितना बजट था उससे लगभग दस गुना ज़्यादा इसका कलेक्शन भी रहा है तो अच्छी बात यह है कि ये मूवी दोस्तों जो है वो आप हिंदी के अंदर देख सकते हैं तो चलिए जानते हैं फिल्म के बारे में तो फिल्म का नाम दोस्तों प्रेमलू है जो कि 2024 की, की मलयालम भाषा की एक कॉमेडी और रोमांस बेस्ड फिल्म है जिसका रन टाइम लगभग दो घंटे और छत्तीस मिनट का है और इसकी रेटिंग भी काफ़ी अच्छी निकल के आई है लगभग दोस्तों अस्सी से नब्बे प्रतिशत लोगों ने इसे लाइक किया हुआ है तो यहाँ पर आप समझ हो गए होंगे कि फिल्म के अंदर दम जरूर है इसके अलावा मूवी के अंदर जो स्टोरी आपको दिखाई गई है वो वैसे तो सिंपल है लेकिन जिस तरह से इसे प्रेजेंट किया गया है वाकई बहुत ही बढ़िया है इसे प्रोड्यूस किया था फहद फासिल और श्याम पुष्करन और दिलेश पोटलान ने तो फिल्म का जो कलेक्शन था वो काफ़ी बढ़िया रहा था और हिंदी के अंदर आप देखना चाहते हैं तो वैसे तो ये मूवी काफ़ी जगह पर आपको मिलेंगी लेकिन ऑफिशियल प्लेटफॉर्म डिजनी प्लस हॉटस्टार है आप लोग डिजनी प्लस हॉटस्टार पर इस मूवी को हिंदी में स्ट्रीम कर सकते हैं इसके अलावा आट एल एक्स स्ट्रीम वहाँ पर भी आपको फिल्म देखने को मिल जाएंगी आप वहाँ से भी चेकआउट कर सकते हैं इस मूवी को फिल्म के लीड कास्ट में आपको नस्लन के कपूर ममिता बैजू संगीत प्रताप अखिल भार्गवन श्याम मोहन माथेव थॉमस समीर खान गोपू केशव अल्ताफ सलीम मीनाक्षी रविंद्र राहुल पीपी ऐसे बहुत सारे किरदार जो है वो देखने को मिल जाते हैं और आपको सबका काम बहुत ही बेहतरीन है आपको कहीं पर भी निराश नहीं करता है लेकिन खासकर इस फिल्म का जो हीरो है और जो हीरोइन है इन दोनों का काम बहुत ही अच्छा लगा फिल्म के अंदर मतलब यहाँ पर आपको काफ़ी कुछ तो सिखाया ही गया है लेकिन इसका क्लाइमेक्स भी काफ़ी इंटरेस्टिंग है और आप जो इस मूवी को प्रेडिक्ट तो कर ही सकते हैं क्योंकि आपको पता ही होगा कि हर मूवी की एक तरह की हैप्पी एंडिंग एडिंग हो जाती है यहाँ पर भी शायद आपको कुछ ऐसा ही मूवी के मेकर्स ने दिखाने की कोशिश की हुई है और ये जो मूवी है इस कारण वैसे काफ़ी थोड़ा ज़्यादा है लेकिन अगर थोड़ा कम भी होता तो भी कोई दिक्कत की बात नहीं होती हर लोगों को दोस्तों अलग अलग तरह की फिल्में देखना पसंद होता है जो लोग दोस्तों रोमांटिक मूवीज़ देखते हैं वही इसे देखे वरना अगर आप एक्शन या फिर मार धड़ वाली मूवीज़ देखते हैं तो हो सकता है कि आपको ये उतनी अच्छी ना लगे फिल्म के अंदर जो हीरो होता है इसका नाम सचिन है जो कि केरल के अंदर रहता है और वो एक लड़की से प्यार भी करता है और वन साइड लव होता है लेकिन वह उससे प्रेम का खुलासा नहीं कर सकता है और फिर बाद में वो जो पढ़ाई के अंतिम दिनों के अंदर उसे बताता है लेकिन वो लड़की उसे मना कर देती है इस बात का उसे काफ़ी दुख होता है क्योंकि उसने ये सोच रखा था कि वो लड़के उसे हाँ बोल देंगे लेकिन ऐसा हुआ नहीं इसका उल्टा विपरीत हो गया फिर कहानी आगे थोड़ी चलती है और फिर जो हीरो होता है वो उच्च शिक्षा के लिए जो है ब्रिटेन जाने की कोशिश करता है लेकिन इसका वीज़ा जो नहीं मिल पाता है और वीज़ा खारिज कर दिया जाता है छः महीने बाद वे जो है उसे एक मौका मिलता है और वे अपने दोस्त अमूल जो है यानी कि संगीत प्रताप है इनके साथ वे जो कुछ महीने उसके साथ बिताता है लेकिन फिर होता यू है कि जब कोचिंग सेंटर में जो है अपनी शादी के लिए एक जगह पे जाता है तो वहाँ पर एक लड़की से मिलता है जिसका नाम रीना यानी कि ममिता बेजो होता है और पहली बार में जब उसे देखता है तो उसे भी प्यार हो ही जाता है उससे और फिर जो है वो उसके प्यार में गिरता है रैनु जो कि हैदराबाद में आई में जॉब कर रही होती है और आदि जो श्याम मोहन है जो कि एक वरिष्ठ है उसे प्यार करता है और हैदराबाद लौटने के बाद सचिन और अमूल ने रेनू को उसके दोस्त को ले जाने में उसकी मदद की होती है दोस्त ने यहाँ पर उसके चेहरे पर कहा है कि जो रेनू है कल के बारे में लक्ष्य है नहीं होगी और वह यूके के जाने की योजना बना रही है और वह उस गेट उस गेट को छोड़कर फूड कोर्ट में काम कर रही है और वह ऐसी लड़की नहीं है और उसने बस अगले तीस सालों की योजना बनाए रखी होती है और वे जो है वो आदि से प्यार करती है जो कि उसके लिए उपयुक्त है तुम्हारे जैसे जो अपरिपक्व व्यक्ति है उनसे नहीं तो उसके चेहरे पर जो है अब सचिन ने दूसरी बार क्या फैसला लिया होता है ये कहानी का बाकी हिस्सा होता है हालांकि ये कहानी दोस्तों जो है पुराने जमाने के जैसी ही है लेकिन यहाँ पर जिस तरह से इसे प्रजेंट किया गया है वो बिल्कुल नया है मूवी के अंदर आपको थोड़े बहुत उतारा चढ़ाव देखने को मिलेंगे काफ़ी अच्छे गाने भी देखने को मिलेंगे जो कि हिंदी के अंदर डब कराए गए हैं ये मूवी दोस्तों वैसे तो मुझे पर्सनली अच्छी लगी है और उम्मीद है कि आपको भी शायद अच्छी लगेंगी इसका बजट भी दोस्तों कम था और कलेक्शन भी काफ़ी इंटरेस्टिंग हुआ है तो कुल मिलाकर एक अच्छी फिल्म आप इसे मान सकते हैं और रेटिंग भी काफ़ी सही है इस फिल्म की दुनिया में एक काम ये भी मुश्किल है कि हम जिसे पसंद करते हैं उसको बताना कि हम उसे पसंद करते हैं कई बार ये होता है कि हम इस राह में वेट करते हैं कि वो सामने से आकर हमें बताएंगे या फिर हम वेट इस बात का करते हैं कि जो है वो हम कभी ना कभी बताएंगे लेकिन वो दिन आता ही नहीं है उसकी शादी हो जाती है और दिन चले जाते हैं और हमारा सपना सपना रह जाता है खैर ऐसा मूवी के अंदर भी होता है लेकिन रियल लाइफ में भी होता ही होगा और आप में से बहुत लोगों के साथ ऐसा हुआ ही होगा मैं भी आपको यहाँ पर आज एक ऐसी मूवी के बारे में बताने जा रहा हूँ जहाँ पर आपको कुछ ऐसा ही जो है वो दिखाया गया है और जो मूवी के डायरेक्टर है इन्होंने एक बहुत ही बड़ी सीख भी दे हुई है ख़ासकर जो मॉडर्न लव है इनके बारे में काफ़ी कुछ यहाँ पर बताया हुआ है तो ये मूवी दोस्तों काफ़ी बेहतरीन है इसे आप एक बार हिंदी के अंदर ज़रूर देखिए हालांकि आगे मैं आपको ये भी बताने वाला हूँ ये फ़िल्म कहाँ पर आपको हिंदी के अंदर देखने को मिलेंगी तो इस वीडियो को आप थोड़ा बहुत देख लीजिएगा ताकि दोस्तों फिल्म के बारे में आपको सभी जानकारी तो मिल ही जाए लेकिन आप लोग इसे हिंदी के अंदर भी देख सकें और एक बहुत ही बड़ी ब्लॉकबस्टर फिल्म भी रही है क्योंकि मूवी का जितना बजट था उससे लगभग दस गुना ज़्यादा इसका कलेक्शन भी रहा है तो अच्छी बात यह है कि ये मूवी दोस्तों जो है वो आप हिंदी के अंदर देख सकते हैं तो चलिए जानते हैं फिल्म के बारे में तो फिल्म का नाम दोस्तों प्रेमलू है जो कि दो की मलयालम भाषा की एक कॉमेडी और रोमांस बेस्ड फिल्म है जिसका रन टाइम लगभग दो घंटे और छत्तीस मिनट का है और इसकी रेटिंग भी काफ़ी अच्छी निकल के आई है लगभग दोस्तों अस्सी से नब्बे प्रतिशत लोगों ने इसे लाइक किया हुआ है तो यहाँ पर आप समझ हो गए हो कि फिल्म के अंदर दम जरूर है इसके अलावा मूवी के अंदर जो स्टोरी आपको दिखाई गई है वो वैसे तो सिंपल है लेकिन जिस तरह से इसे प्रेजेंट किया गया है वाकई बहुत ही बढ़िया है इसे प्रोड्यूस किया था फहद फासिल और श्याम पुस्करन और दिलेश पोटलान ने तो फिल्म का जो कलेक्शन था वो काफ़ी बढ़िया रहा था और हिंदी के अंदर आप देखना चाहते हैं तो वैसे तो ये मूवी काफ़ी जगह पर आपको मिलेंगी लेकिन ऑफिशियल प्लेटफॉर्म डिजनी प्लस हॉटस्टार है आप लोग डिजनी प्लस हॉटस्टार पर इस मूवी को हिंदी में स्ट्रीम कर सकते हैं इसके अलावा अहा एट एलेक्स स्ट्रीम वहाँ पर भी आपको फिल्म देखने को मिल जाएंगी आप वहाँ से भी चेकआउट कर सकते हैं इस मूवी को फिल्म के कास्ट में आपको नस्लन के कपूर ममिता बैजू संगीत प्रताप अखिल भार्गनन श्याम मोहन माथ्यू थॉमस समीर खान गोपू केशव अल्ताफ सलीम मीनाक्षी रविंद्र राहुल टिपी ऐसे बहुत सारे किरदार जो है वो देखने को मिल जाते हैं और आपको सबका काम बहुत ही बेहतरीन है आपको कहीं पर भी निराश नहीं करता है लेकिन खासकर इस फिल्म का जो हीरो है और जो हीरोइन है इन दोनों का काम बहुत ही अच्छा लगा फिल्म के अंदर मतलब यहाँ पर आपको काफ़ी कुछ तो सिखाया ही गया है लेकिन इसका क्लाइमेक्स भी काफ़ी इंटरेस्टिंग है और आप जो इस मूवी को प्रेडिक्ट तो कर ही सकते हैं क्योंकि आपको पता ही होगा कि हर मूवी की एक तरह की हैप्पी एडिंग हो जाती है यहाँ पर भी शायद आपको कुछ ऐसा ही मूवी के मेकर्स ने दिखाने की कोशिश की हुई है और ये जो मूवी है इस कारण वैसे काफ़ी थोड़ा ज़्यादा है लेकिन अगर थोड़ा कम भी होता तो भी कोई दिक्कत की बात नहीं होती हर लोगों को दोस्तों अलग अलग तरह की फिल्में देखना पसंद होता है जो लोग दोस्तों रोमांटिक मूवीज़ देखते हैं वही इसे देखे वरना अगर आप एक्शन या फिर मार धड़ वाली मूवीज़ देखते हैं तो हो सकता है कि आपको ये उतनी अच्छी ना लगे फिल्म के अंदर जो हीरो होता है इसका नाम सचिन है जो कि केरल के अंदर रहता है और वो एक लड़की से प्यार भी करता है और वन साइड लव होता है लेकिन वह उससे प्रेम का खुलासा नहीं कर सकता है और फिर बाद में वो जो पढ़ाई के अंतिम दिनों के अंदर उसे बताता है लेकिन वो लड़की उसे मना कर देती है इस बात का उसे काफी दुख होता है क्योंकि उसने ये सोच रखा था कि वो लड़के उसे हाँ बोल देंगे लेकिन ऐसा हुआ नहीं इसका उल्टा विपरीत हो गया फिर कहानी आगे थोड़ी चलती है और फिर जो हीरो होता है वो उच्च शिक्षा के लिए जो है ब्रिटेन जाने की कोशिश करता है लेकिन इसका वीजा जो नहीं मिल पाता है और वीजा खारिज कर दिया जाता है छह महीने बाद वे जो है उसे एक मौका मिलता है और वे अपने दोस्त अमूल जो है यानी कि संगीत प्रताप है इनके साथ वे जो कुछ महीने उसके साथ बिताता है लेकिन फिर होता यू है कि जब कोचिंग सेंटर में जो है वो अपनी शादी के लिए एक जगह पे जाता है तो वहाँ पर एक लड़की से मिलता है जिसका नाम रीना यानी कि ममिता बेजो होता है और पहली बार में जब उसे देखता है तो उसे भी प्यार हो ही जाता है उससे और फिर जो है वो उसके प्यार में गिरता है रहन जी हैदराबाद में आई में जॉब कर रही होती है और आदि जो श्याम मोहन है जो कि एक वरिष्ठ है उसे प्यार करता है और हैदराबाद लौटने के बाद सचिन और अमूल ने रेनो को उसके दोस्त को ले जाने में उसकी मदद की होती है दोस्त ने यहाँ पर उसके चेहरे पर कहा है कि जो रेनू है कल के बारे में लक्ष्य इन्हें नहीं होगी और वह यूके जाने की योजना बना रही है और वह उस गेट उस गेट को छोड़कर फूड कोर्ट में काम कर रही है और वह ऐसी लड़की नहीं है और उसने बस अगले तीस सालों की योजना बनाए रखी होती है और वे जो है वो आदि से प्यार करती है जो कि उसके लिए उपयुक्त है तुम्हारे जैसे जो अपरिपक्व व्यक्ति है उनसे नहीं तो उसके चेहरे पर जो है अब सचिन ने दूसरी बार क्या फैसला लिया होता है ये कहानी का बाकी हिस्सा होता है हालांकि ये कहानी दोस्तों जो है पुराने जमाने के जैसी ही है लेकिन यहाँ पर जिस तरह से इसे किया गया है वो बिल्कुल नया है मूवी के अंदर आपको थोड़े बहुत उतारा चढ़ाव देखने को मिलेंगे काफ़ी अच्छे गाने भी देखने को मिलेंगे जो कि हिंदी के अंदर डब कराए गए हैं ये मूवी दोस्तों वैसे तो मुझे पर्सनली अच्छी लगी है और उम्मीद है कि आपको भी शायद अच्छी लगेंगी इसका बजट भी दोस्तों कम था और कलेक्शन भी काफ़ी इंटरेस्टिंग हुआ है तो कुल मिलाकर एक अच्छी फिल्म आप इसे मान सकते हैं और रेटिंग भी काफ़ी सही है इस फिल्म की दुनिया में एक काम ये भी मुश्किल है कि हम जिसे पसंद करते हैं उसको बताना कि हम उसे पसंद करते हैं कई बार ये होता है कि हम इस राह में वेट करते हैं कि वो सामने से सा आकर हमें बताएंगे या फिर हम वेट इस बात का करते हैं कि जो है वो हम कभी ना कभी बताएंगे लेकिन वो दिन आता ही नहीं है उसकी शादी हो जाती है और दिन चले जाते हैं और हमारा सपना सपना रह जाता है खैर ऐसा मूवी के अंदर भी होता है लेकिन रियल लाइफ में भी होता ही होगा और आप में से बहुत लोगों के साथ ऐसा हुआ ही होगा मैं भी आपको यहाँ पर आज एक ऐसी मूवी के बारे में बताने जा रहा हूँ जहाँ पर आपको कुछ ऐसा ही जो है वो दिखाया गया है और जो मूवी के डायरेक्टर है इन्होंने बहुत ही बड़ी सीख भी दे हुई है ख़ासकर जो मॉडर्न लव है इनके बारे में काफ़ी कुछ यहाँ पर बताया हुआ है तो ये मूवी दोस्तों काफ़ी बेहतरीन है इसे आप एक बार हिंदी के अंदर ज़रूर देखिए हालांकि आगे मैं आपको ये भी बताने वाला हूँ ये फ़िल्म कहाँ पर आपको हिंदी के अंदर देखने को मिलेंगी तो इस वीडियो को आप थोड़ा बहुत देख लीजिएगा ताकि दोस्तों फिल्म के बारे में आपको सभी जानकारी तो मिल ही जाए लेकिन आप लोग इसे हिंदी के अंदर भी देख सकें और एक बहुत ही बड़ी ब्लॉकबस्टर फिल्म भी रही है क्योंकि मूवी का जितना बजट था उससे लगभग दस गुना ज़्यादा इसका कलेक्शन भी रहा है तो अच्छी बात यह है कि ये मूवी दोस्तों जो है वो आप हिंदी के अंदर देख सकते हैं तो चलिए जानते हैं फिल्म के बारे में तो फिल्म का नाम दोस्तों प्रेमलो है जो कि 2024 की मलयालम भाषा की एक कॉमेडी और रोमांस बेस्ड फिल्म है जिसका रन टाइम लगभग दो घंटे और छत्तीस मिनट का है और इसकी रेटिंग भी काफ़ी अच्छी निकल के आई है लगभग दोस्तों अस्सी से नब्बे प्रतिशत लोगों ने इसे लाइक किया हुआ है तो यहाँ पर आप समझ हो गए होंगे कि फिल्म के अंदर दम जरूर है इसके अलावा मूवी के अंदर जो स्टोरी आपको दिखाई गई है वो वैसे तो सिंपल है लेकिन जिस तरह से इसे प्रेजेंट किया गया है वाकई बहुत ही बढ़िया है इसे प्रोड्यूस किया था फहद फासिल और श्याम पुस्करन और दिलेश पोटलान ने तो फिल्म का जो कलेक्शन था वो काफ़ी बढ़िया रहा था और हिंदी के अंदर आप देखना चाहते हैं तो वैसे तो ये मूवी काफ़ी जगह पर आपको मिलेंगी लेकिन ऑफिशियल प्लेटफॉर्म डिजनी प्लस हॉटस्टार है आप लोग डिजनी प्लस हॉटस्टार पर इस मूवी को हिंदी में स्ट्रीम कर सकते हैं इसके अलावा आ एट एलक्स स्ट्रीम वहाँ पर भी आपको फिल्म देखने को मिल जाएंगी आप वहाँ से भी चेकआउट कर सकते हैं इस मूवी को फिल्म के लीड कास्ट में आपको नस्लन के कपूर ममिता बैजू संगीत प्रताप अखिल भार्गवन श्याम मोहन माथ्यू थॉमस समीर खान गोपू केशव अल्ताफ सलीम मीनाक्षी रविंद्रन राहुल पीपी ऐसे बहुत सारे किरदार जो है वो देखने को मिल जाते हैं और आपको सबका काम बहुत ही बेहतरीन है आपको कहीं पर भी निराश नहीं करता है लेकिन खासकर इस फिल्म का जो हीरो है और जो हीरोइन है इन दोनों का काम बहुत ही अच्छा लगा फिल्म के अंदर मतलब यहाँ पर आपको काफ़ी कुछ तो सिखाया ही गया है लेकिन इसका क्लाइमेक्स भी काफ़ी इंटरेस्टिंग है और आप जो इस मूवी को प्रेडिक्ट तो कर ही सकते हैं क्योंकि आपको पता ही होगा कि हर मूवी की एक तरह की हैप्पी एंडिंग हो जाती है यहाँ पर भी शायद आपको कुछ ऐसा ही मूवी के मेकर्स ने दिखाने की कोशिश की हुई है और ये जो मूवी है इस टाइम वैसे काफ़ी थोड़ा ज़्यादा है लेकिन अगर थोड़ा कम भी होता तो भी कोई दिक्कत की बात नहीं होती हर लोगों को दोस्तों अलग अलग तरह की फिल्में देखना पसंद होता है जो लोग दोस्तों रोमांटिक मूवीज़ देखते हैं वही इसे देखे वरना अगर आप एक्शन या फिर मार धड़ वाली मूवीज़ देखते हैं तो हो सकता है कि आपको ये उतनी अच्छी ना लगे फिल्म के अंदर जो हीरो होता है इसका नाम सचिन है जो कि केरल के अंदर रहता है और वो एक लड़की से प्यार भी करता है और वन साइड लव होता है लेकिन वह उससे प्रेम का खुलासा नहीं कर सकता है और फिर बाद में वो जो पढ़ाई के अंतिम दिनों के अंदर उसे बताता है लेकिन वो लड़की उसे मना कर देती है इस बात का उसे काफ़ी दुख होता है क्योंकि उसने ये सोच रखा था कि वो लड़के उसे हाँ बोल देंगे लेकिन ऐसा हुआ नहीं इसका उल्टा विपरीत हो गया फिर कहानी आगे थोड़ी चलती है और फिर जो हीरो होता है वो उच्च शिक्षा के लिए जो है ब्रिटेन जाने की कोशिश करता है लेकिन इसका वीज़ा जो नहीं मिल पाता है और वीज़ा खारिज कर दिया जाता है छः महीने बाद वे जो है उसे एक मौका मिलता है और वे अपने दोस्त अमूल जो है यानी कि संगीत प्रताप है इनके साथ वे जो कुछ महीने उसके साथ बिताता है लेकिन फिर होता यू है कि जब कोचिंग सेंटर में जो है वो अपनी शादी के लिए एक जगह पे जाता है तो वहाँ पर एक लड़के से मिलता है जिसका नाम रीना यानी कि ममिता बेजो होता है और पहली बार में ही जब उसे देखता है तो उसे भी प्यार हो ही जाता है उससे और फिर जो है वो उसके प्यार में गिरता है रहन जी कि हैदराबाद में आई में जॉब कर रही होती है और आदि जो श्याम मोहन है जो कि एक वरिष्ठ है उसे प्यार करता है और हैदराबाद लौटने के बाद सचिन और अमूल ने रेनू को उसके दोस्त को ले जाने में उसकी मदद की होती है दोस्त ने यहाँ पर उसके चेहरे पर कहा है कि जो रेनू है कल के बारे में लक्ष्य इन्हें नहीं होगी और वह यूके जाने की योजना बना रही है और वह उस गेट उस गेट को छोड़कर फूड कोर्ट में काम कर रही है और वह ऐसी लड़की नहीं है और उसने बस अगले तीस सालों की योजना बनाए रखी होती है और वे जो है वो आदि से प्यार करती है जो कि उसके लिए उपयुक्त है तुम्हारे जैसे जो अपरिपक्व व्यक्ति है उनसे नहीं उसके चेहरे पर जो है अब सचिन ने दूसरी बार क्या फ़ैसला लिया होता है ये कहानी का बाकी हिस्सा होता है हालांकि ये कहानी दोस्तों जो है पुराने ज़माने के जैसी ही है लेकिन यहाँ पर जिस तरह से इसे किया गया है वो बिल्कुल नया है मूवी के अंदर आपको थोड़े बहुत उतारा चढ़ाव देखने को मिलेंगे काफ़ी अच्छे गाने भी देखने को मिलेंगे जो कि हिंदी के अंदर डब कराए गए हैं ये मूवी दोस्तों वैसे तो मुझे पर्सनली अच्छी लगी है और उम्मीद है कि आपको भी शायद अच्छी लगेंगी इसका बजट भी दोस्तों कम था और कलेक्शन भी काफ़ी इंटरेस्टिंग हुआ है तो कुल मिलाकर एक अच्छी फिल्म आप इसे मान सकते हैं और रेटिंग भी काफ़ी सही है इस फिल्म की दुनिया में एक काम ये भी मुश्किल है कि हम जिसे पसंद करते हैं उसको बताना कि हम उसे पसंद करते हैं कई बार ये होता है कि हम इस राह में वेट करते हैं कि वो सामने से आकर हमें बताएंगे या फिर हम वेट इस बात का करते हैं कि जो है वो हम कभी न कभी बताएंगे लेकिन वो दिन आता ही नहीं है उसकी शादी हो जाती है और दिन चले जाते हैं और हमारा सपना सपना रह जाता है खैर ऐसा मूवी के अंदर भी होता है लेकिन रियल लाइफ में भी होता ही होगा और आप में से बहुत लोगों के साथ ऐसा हुआ ही होगा मैं भी आपको यहाँ पर आज एक ऐसी मूवी के बारे में बताने जा रहा हूँ जहाँ पर आपको कुछ ऐसा ही जो है वो दिखाया गया है और जो मूवी के डायरेक्टर है इन्होंने एक बहुत ही बड़ी सीख भी दे हुई है खासकर जो मॉडर्न लव है इनके बारे में काफ़ी कुछ यहाँ पर बताया हुआ है तो ये मूवी दोस्तों काफ़ी बेहतरीन है इसे आप एक बार हिंदी के अंदर ज़रूर देखिए हालांकि आगे मैं आपको ये भी बताने वाला हूँ ये फिल्म कहाँ पर आपको हिंदी के अंदर देखने को मिलेंगी तो इस वीडियो को आप थोड़ा बहुत देख लीजिएगा ताकि दोस्तों फिल्म के बारे में आपको सभी जानकारी तो मिल ही जाए लेकिन आप लोग इसे हिंदी के अंदर भी देख सकें और एक बहुत ही बड़ी ब्लॉकबस्टर फिल्म भी रही है क्योंकि मूवी का जितना बजट था उससे लगभग दस गुना ज़्यादा इसका कलेक्शन भी रहा है तो अच्छी बात यह है कि ये मूवी दोस्तों जो है वह आप हिंदी के अंदर देख सकते हैं तो चलिए जानते हैं फिल्म के बारे में तो फिल्म का नाम दोस्तों प्रेमलू है जो कि 2024 की, की मलयालम भाषा की एक कॉमेडी और रोमांस बेस्ड फिल्म है जिसका रन टाइम लगभग दो घंटे और छत्तीस मिनट का है और इसकी रेटिंग भी काफ़ी अच्छी निकल के आई है लगभग दोस्तों अस्सी से नब्बे प्रतिशत लोगों ने इसे लाइक किया हुआ है तो यहाँ पर आप समझ हो गए होंगे कि फिल्म के अंदर दम जरूर है इसके अलावा मूवी के अंदर जो स्टोरी आपको दिखाई गई है वो वैसे तो सिंपल है लेकिन जिस तरह से इसे प्रेजेंट किया गया है वाकई बहुत ही बढ़िया है इसे प्रोड्यूस किया था फहद फासिल और श्याम पुष्करन और दिलेश पोटलान ने तो फिल्म का जो कलेक्शन था वो काफ़ी बढ़िया रहा था और हिंदी के अंदर आप देखना चाहते हैं तो वैसे तो ये मूवी काफ़ी जगह पर आपको मिलेंगी लेकिन ऑफिशियल प्लेटफॉर्म डिजनी प्लस हॉटस्टार है आप लोग डिजनी प्लस हॉटस्टार पर इस मूवी को हिंदी में स्ट्रीम कर सकते हैं इसके अलावा आट एल एक्स स्ट्रीम वहाँ पर भी आपको फिल्म देखने को मिल जाएंगी आप वहाँ से भी चेकआउट कर सकते हैं इस मूवी को फिल्म के लीड कास्ट में आपको नस्लन के कपूर ममिता बैजू संगीत प्रताप अखिल भार्गवन श्याम मोहन माथेव थॉमस समीर खान गोपू केशव अल्ताफ सलीम मीनाक्षी रविंद्रन राहुल पीपी ऐसे बहुत सारे किरदार जो है वो देखने को मिल जाते हैं और आपको सबका काम बहुत ही बेहतरीन है आपको कहीं पर भी निराश नहीं करता है लेकिन ख़ास कर इस फिल्म का जो हीरो है और जो हीरोइन है इन दोनों का काम बहुत ही अच्छा लगा फिल्म के अंदर मतलब यहाँ पर आपको काफ़ी कुछ तो सिखाया ही गया है लेकिन इसका क्लाइमेक्स भी काफ़ी इंटरेस्टिंग है और आप जो इस मूवी को प्रेडिक्ट तो कर ही सकते हैं क्योंकि आपको पता ही होगा कि हर मूवी की एक तरह की हैपी एडिंग हो जाती है यहाँ पर भी शायद आपको कुछ ऐसा ही मूवी के मेकर्स ने दिखाने की कोशिश की हुई है और ये जो मूवी है इसका रन टाइम वैसे काफ़ी थोड़ा ज़्यादा है लेकिन अगर थोड़ा कम भी होता तो भी कोई दिक्कत की बात नहीं होती हर लोगों को दोस्तों अलग अलग तरह की फिल्में देखना पसंद होता है जो लोग दोस्तों रोमांटिक मूवीज़ देखते हैं वही इसे देखे वरना अगर आप एक्शन या फिर मार धड़ वाली मूवीज़ देखते हैं तो हो सकता है कि आपको ये उतनी अच्छी ना लगे फिल्म के अंदर जो हीरो होता है इसका नाम सचिन है जो कि केरल के अंदर रहता है और वो एक लड़की से प्यार भी करता है और वन साइड लव होता है लेकिन वह उससे प्रेम का खुलासा नहीं कर सकता है और फिर बाद में वो जो पढ़ाई के अंतिम दिनों के अंदर उसे बताता है लेकिन वो लड़की उसे मना कर देती है इस बात का उसे काफ़ी दुख होता है क्योंकि उसने ये सोच रखा था कि वो लड़के उसे हाँ बोल देंगे लेकिन ऐसा हुआ नहीं इसका उल्टा विपरीत हो गया फिर कहानी आगे थोड़ी चलती है और फिर जो हीरो होता है वो उच्च शिक्षा के लिए जो है ब्रिटेन जाने की कोशिश करता है लेकिन इसका वीज़ा जो नहीं मिल पाता है और वीज़ा खारिज कर दिया जाता है छः महीने बाद वे जो है उसे एक मौका मिलता है और वे अपने दोस्त अमूल जो है यानी कि संगीत प्रताप है इनके साथ वे जो कुछ महीने उसके साथ बिताता है लेकिन फिर होता यू है कि जब कोचिंग सेंटर में जो है अपनी शादी के लिए एक जगह पे जाता है तो वहाँ पर एक लड़की से मिलता है जिसका नाम रीना यानी कि ममिता बेजो होता है और पहली बार में ही जब उसे देखता है तो उसे भी प्यार हो ही जाता है उससे और फिर जो है वो उसके प्यार में गिरता है रैनु जो कि हैदराबाद में आई में जॉब कर रही होती है और आदि जो श्याम मोहन है जो कि एक वरिष्ठ है उसे प्यार करता है और हैदराबाद लौटने के बाद सचिन और अमूल ने रेनू को उसके दोस्त को ले जाने में उसकी मदद की होती है दोस्त ने यहाँ पर उसके चेहरे पर कहा है कि जो रेनू है कल के बारे में लक्ष्य इन्हें नहीं होगी और वह यूके जाने की योजना बना रही है और वह उस गेट उस गेट को छोड़कर फूड कोर्ट में काम कर रही है और वह ऐसी लड़की नहीं है और उसने बस अगले तीस सालों की योजना बनाए रखी होती है और वे जो है वो आदि से प्यार करती है जो कि उसके लिए उपयुक्त है तुम्हारे जैसे जो अपरिपक्व व्यक्ति है उनसे नहीं तो उसके चेहरे पर जो है अब सचिन ने दूसरी बार क्या फैसला लिया होता है ये कहानी का बाकी हिस्सा होता है हालांकि ये कहानी दोस्तों जो है पुराने ज़माने की जैसी ही है लेकिन यहाँ पर जिस तरह से इसे किया गया है वो बिल्कुल नया है मूवी के अंदर आपको थोड़े बहुत उतार चढ़ाव देखने को मिलेंगे काफ़ी अच्छे गाने भी देखने को मिलेंगे जो कि हिंदी के अंदर डब कराए गए हैं ये मूवी दोस्तों वैसे तो मुझे पर्सनली अच्छी लगी है और उम्मीद है कि आपको भी शायद अच्छी लगेंगी इसका बजट भी दोस्तों कम था और कलेक्शन भी काफ़ी इंटरेस्टिंग हुआ है तो कुल मिलाकर एक अच्छी फिल्म आप इसे मान सकते हैं और रेटिंग भी काफ़ी सही है इस फिल्म की दुनिया में एक काम ये भी मुश्किल है कि हम जिसे पसंद करते हैं उसको बताना कि हम उसे पसंद करते हैं कई बार ये होता है कि हम इस राह में वेट करते हैं कि वो सामने से आकर हमें बताएंगे या फिर हम वेट इस बात का करते हैं कि जो है वो हम कभी न कभी बताएंगे लेकिन वो दिन आता ही नहीं है उसकी शादी हो जाती है और दिन चले जाते हैं और हमारा सपना सपना रह जाता है खैर ऐसा मूवी के अंदर भी होता है लेकिन रियल लाइफ में भी होता ही होगा और आप में से बहुत लोगों के साथ ऐसा हुआ ही होगा मैं भी आपको यहाँ पर आज एक ऐसी मूवी के बारे में बताने जा रहा हूँ जहाँ पर आपको कुछ ऐसा ही जो है वो दिखाया गया है और जो मूवी के डायरेक्टर है इन्होंने एक बहुत ही बड़ी सीख भी दे हुई है ख़ासकर जो मॉडर्न लव है इनके बारे में काफ़ी कुछ यहाँ पर बताया हुआ है तो ये मूवी दोस्तों काफ़ी बेहतरीन है इसे आप एक बार हिंदी के अंदर ज़रूर देखिए हालांकि आगे मैं आपको ये भी बताने वाला हूँ ये फिल्म कहाँ पर आपको हिंदी के अंदर देखने को मिलेंगी तो इस वीडियो को आप थोड़ा बहुत देख लीजिएगा ताकि दोस्तों फिल्म के बारे में आपको सभी जानकारी तो मिल ही जाए लेकिन आप लोग इसे हिंदी के अंदर भी देख सकें और एक बहुत ही बड़ी ब्लॉकबस्टर फिल्म भी रही है क्योंकि मूवी का जितना बजट था उससे लगभग दस गुना ज़्यादा इसका कलेक्शन भी रहा है तो अच्छी बात यह है कि ये मूवी दोस्तों जो है वो आप हिंदी के अंदर देख सकते हैं तो चलिए जानते हैं फिल्म के बारे में तो फिल्म का नाम दोस्तों प्रेमलू है जो कि दो की मलयालम भाषा की एक कॉमेडी और रोमांस बेस्ड फिल्म है जिसका रन टाइम लगभग दो घंटे और छत्तीस मिनट का है और इसकी रेटिंग भी काफ़ी अच्छी निकल के आई है लगभग दोस्तों अस्सी से नब्बे प्रतिशत लोगों ने इसे लाइक किया हुआ है तो यहाँ पर आप समझ हो गए होंगे कि फिल्म के अंदर दम जरूर है इसके अलावा मूवी के अंदर जो स्टोरी आपको दिखाई गई है वो वैसे तो सिंपल है लेकिन जिस तरह से इसे प्रेजेंट किया गया है वाकई बहुत ही बढ़िया है इसे प्रोड्यूस किया था फहद फासिल और श्याम पुष्करन और दिलेश पोटलान ने तो फिल्म का जो कलेक्शन था वो काफ़ी बढ़िया रहा था और हिंदी के अंदर आप देखना चाहते हैं तो वैसे तो ये मूवी काफ़ी जगह पर आपको मिलेंगी लेकिन ऑफिशियल प्लेटफॉर्म डिजनी प्लस हॉटस्टार है आप लोग डिजनी प्लस हॉटस्टार पर इस मूवी को हिंदी में स्ट्रीम कर सकते हैं इसके अलावा आट एल एक्स स्ट्रीम वहाँ पर भी आपको फिल्म देखने को मिल जाएंगी आप वहाँ से भी चेकआउट कर सकते हैं इस मूवी को फिल्म के कास्ट में आपको नस्लन के कपूर ममिता बैजू संगीत प्रताप अखिल भार्गनन श्याम मोहन माथ्यू थॉमस समीर खान गोपू केशव अल्ताफ सलीम मीनाक्षी रविंद्र राहुल टिपी ऐसे बहुत सारे किरदार जो है वो देखने को मिल जाते हैं और आपको सबका काम बहुत ही बेहतरीन है आपको कहीं पर भी निराश नहीं करता है लेकिन खास कर इस फिल्म का जो हीरो है और जो हीरोइन है इन दोनों का काम बहुत ही अच्छा लगा फिल्म के अंदर मतलब यहाँ पर आपको काफ़ी कुछ तो सिखाया ही गया है लेकिन इसका क्लाइमेक्स भी काफ़ी इंटरेस्टिंग है और आप जो इस मूवी को प्रेडिक्ट तो कर ही सकते हैं क्योंकि आपको पता ही होगा कि हर मूवी की एक तरह की हैप्पी एंडिंग एडिंग हो जाती है यहाँ पर भी शायद आपको कुछ ऐसा ही मूवी के मेकर्स ने दिखाने की कोशिश की हुई है और ये जो मूवी है इस कारण वैसे काफ़ी थोड़ा ज़्यादा है लेकिन अगर थोड़ा कम भी होता तो भी कोई दिक्कत की बात नहीं होती हर लोगों को दोस्तों अलग अलग तरह की फिल्में देखना पसंद होता है जो लोग दोस्तों रोमांटिक मूवीज़ देखते हैं वही इसे देखे वरना अगर आप एक्शन या फिर मार धड़ वाली मूवीज़ देखते हैं तो हो सकता है कि आपको ये उतनी अच्छी ना लगे फिल्म के अंदर जो हीरो होता है इसका नाम सचिन है जो कि केरल के अंदर रहता है और वो एक लड़की से प्यार भी करता है और वन साइड लव होता है लेकिन वह उससे प्रेम का खुलासा नहीं कर सकता है और फिर बाद में वो जो पढ़ाई के अंतिम दिनों के अंदर उसे बताता है लेकिन वो लड़की उसे मना कर देती है इस बात का उसे काफ़ी दुख होता है क्योंकि उसने ये सोच रखा था कि वो लड़के उसे हाँ बोल देंगे लेकिन ऐसा हुआ नहीं इसका उल्टा विपरीत हो गया फिर कहानी आगे थोड़ी चलती है और फिर जो हीरो होता है वो उच्च शिक्षा के लिए जो है ब्रिटेन जाने की कोशिश करता है लेकिन इसका वीज़ा जो नहीं मिल पाता है और वीज़ा खारिज कर दिया जाता है छः महीने बाद वे जो है उसे एक मौका मिलता है और वे अपने दोस्त अमूल जो है यानी कि संगीत प्रताप है इनके साथ वे जो कुछ महीने उसके साथ बिताता है लेकिन फिर होता यू है कि जब कोचिंग सेंटर में जो है अपनी शादी के लिए एक जगह पे जाता है तो वहाँ पर एक लड़की से मिलता है जिसका नाम रीना यानी कि ममिता बेजो होता है और पहली बार में ही जब उसे देखता है तो उसे भी प्यार हो ही जाता है उससे और फिर जो है वो उसके प्यार में गिरता है रहन जो कि हैदराबाद में आई में जॉब कर रही होती है और आदि जो श्याम मोहन है जो कि एक वरिष्ठ है उसे प्यार करता है और हैदराबाद लौटने के बाद सचिन और अमूल ने रेनो को उसके दोस्त को ले जाने में उसकी मदद की होती है दोस्त ने यहाँ पर उसके चेहरे पर कहा है कि जो रेनो है कल के बारे में लक्ष्य है नहीं होगी और वह यूके जाने की योजना बना रही है और वह उस गेट उस गेट को छोड़कर फूड कोर्ट में काम कर रही है और वह ऐसी लड़की नहीं है और उसने बस अगले तीस सालों की योजना बनाए रखी होती है और वे जो है वो आदि से प्यार करती है जो कि उसके लिए उपयुक्त है तुम्हारे जैसे जो अपरिपक्व व्यक्ति है उनसे नहीं उसके चेहरे पर जो है अब सचिन ने दूसरी बार क्या फैसला लिया होता है ये कहानी का बाकी हिस्सा होता है हालांकि ये कहानी दोस्तों जो है पुराने जमाने के जैसे ही है लेकिन यहाँ पर जिस तरह से इसे किया गया है वो बिल्कुल नया है मूवी के अंदर आपको थोड़े बहुत उतार चढ़ाव देखने को मिलेंगे काफ़ी अच्छे गाने भी देखने को मिलेंगे जो कि हिंदी के अंदर डब कराए गए हैं ये मूवी दोस्तों वैसे तो मुझे पर्सनली अच्छी लगी है और उम्मीद है कि आपको भी शायद अच्छी लगेंगी इसका बजट भी दोस्तों कम था और कलेक्शन भी काफ़ी इंटरेस्टिंग हुआ है तो कुल मिलाकर एक अच्छी फिल्म आप इसे मान सकते हैं और रेटिंग भी काफ़ी सही है इस फिल्म की दुनिया में एक काम ये भी मुश्किल है कि हम जिसे पसंद करते हैं उसको बताना कि हम उसे पसंद करते हैं कई बार ये होता है कि हम इस राह में वेट करते हैं कि वो सामने से सा आकर हमें बताएंगे या फिर हम वेट इस बात का करते हैं कि जो है वो हम कभी ना कभी बताएंगे लेकिन वो दिन आता ही नहीं है उसकी शादी हो जाती है और दिन चले जाते हैं और हमारा सपना सपना रह जाता है खैर ऐसा मूवी के अंदर भी होता है लेकिन रियल लाइफ में भी होता ही होगा और आप में से बहुत लोगों के साथ ऐसा हुआ ही होगा मैं भी आपको यहाँ पर आज एक ऐसी मूवी के बारे में बताने जा रहा हूँ जहाँ पर आपको कुछ ऐसा ही जो है वो दिखाया गया है और जो मूवी के डायरेक्टर है इन्होंने बहुत ही बड़ी सीख भी दे हुई है ख़ासकर जो मॉडर्न लव है इनके बारे में काफ़ी कुछ यहाँ पर बताया हुआ है तो ये मूवी दोस्तों काफ़ी बेहतरीन है इसे आप एक बार हिंदी के अंदर ज़रूर देखिए हालांकि आगे मैं आपको ये भी बताने वाला हूँ ये फ़िल्म कहाँ पर आपको हिंदी के अंदर देखने को मिलेंगी तो इस वीडियो को आप थोड़ा बहुत देख लीजिएगा ताकि दोस्तों फिल्म के बारे में आपको सभी जानकारी तो मिल ही जाए लेकिन आप लोग इसे हिंदी के अंदर भी देख सकें और एक बहुत ही बड़ी ब्लॉकबस्टर फिल्म भी रही है क्योंकि मूवी का जितना बजट था उससे लगभग दस गुना ज़्यादा इसका कलेक्शन भी रहा है तो अच्छी बात यह है कि ये मूवी दोस्तों जो है वो आप हिंदी के अंदर देख सकते हैं तो चलिए जानते हैं फिल्म के बारे में तो फिल्म का नाम दोस्तों प्रेमलो है जो कि 2024 की मलयालम भाषा की एक कॉमेडी और रोमांस बेस्ड फिल्म है जिसका रन टाइम लगभग दो घंटे और छत्तीस मिनट का है और इसकी रेटिंग भी काफ़ी अच्छी निकल के आई है लगभग दोस्तों अस्सी से नब्बे प्रतिशत लोगों ने इसे लाइक किया हुआ है तो यहाँ पर आप समझ हो गए होंगे कि फिल्म के अंदर दम जरूर है इसके अलावा मूवी के अंदर जो स्टोरी आपको दिखाई गई है वो वैसे तो सिंपल है लेकिन जिस तरह से इसे प्रेजेंट किया गया है वाकई बहुत ही बढ़िया है इसे प्रोड्यूस किया था फहद फासिल और श्याम पुष्करन और दिलेश पोटलान ने तो फिल्म का जो कलेक्शन था वो काफ़ी बढ़िया रहा था और हिंदी के अंदर आप देखना चाहते हैं तो वैसे तो ये मूवी काफ़ी जगह पर आपको मिलेंगी लेकिन ऑफिशियल प्लेटफॉर्म डिजनी प्लस हॉटस्टार है आप लोग डिजनी प्लस हॉटस्टार पर इस मूवी को हिंदी में स्ट्रीम कर सकते हैं इसके अलावा आटेल एक्स स्ट्रीम वहाँ पर भी आपको फिल्म देखने को मिल जाएंगी आप वहाँ से भी चेकआउट कर सकते हैं इस मूवी को फिल्म के कास्ट में आपको नस्लन के कपूर ममिता बैजू संगीत प्रताप अखिल भार्गवन श्याम मोहन माथ्यू थॉमस समीर खान गोपू केशव अल्ताफ सलीम मीनाक्षी रविंद्रन राहुल टिपी ऐसे बहुत सारे किरदार जो है वो देखने को मिल जाते हैं और आपको सबका काम बहुत ही बेहतरीन है आपको कहीं पर भी निराश नहीं करता है लेकिन खासकर इस फिल्म का जो हीरो है और जो हीरोइन है इन दोनों का काम बहुत ही अच्छा लगा फिल्म के अंदर मतलब यहाँ पर आपको काफ़ी कुछ तो सिखाया ही गया है लेकिन इसका क्लाइमेक्स भी काफ़ी इंटरेस्टिंग है और आप जो इस मूवी को प्रेडिक्ट तो कर ही सकते हैं क्योंकि आपको पता ही होगा कि हर मूवी की एक तरह की हैप्पी एंडिंग हो जाती है यहाँ पर भी शायद आपको कुछ ऐसा ही मूवी के मेकर्स ने दिखाने की कोशिश की हुई है और ये जो मूवी है इस कारण टाइम वैसे काफ़ी थोड़ा ज़्यादा है लेकिन अगर थोड़ा कम भी होता तो भी कोई दिक्कत की बात नहीं होती हर लोगों को दोस्तों अलग अलग तरह की फिल्में देखना पसंद होता है जो लोग दोस्तों रोमांटिक मूवीज़ देखते हैं वही इसे देखे वरना अगर आप एक्शन या फिर मार धड़ वाली मूवीज़ देखते हैं तो हो सकता है कि आपको ये उतनी अच्छी ना लगे फिल्म के अंदर जो हीरो होता है इसका नाम सचिन है जो कि केरल के अंदर रहता है और वो एक लड़की से प्यार भी करता है और वन साइड लव होता है लेकिन वह उससे प्रेम का खुलासा नहीं कर सकता है और फिर बाद में वो जो पढ़ाई के अंतिम दिनों के अंदर उसे बताता है लेकिन वो लड़की उसे मना कर देती है इस बात का उसे काफी दुख होता है क्योंकि उसने ये सोच रखा था कि वो लड़के उसे हाँ बोल देंगे लेकिन ऐसा हुआ नहीं इसका उल्टा विपरीत हो गया फिर कहानी आगे थोड़ी चलती है और फिर जो हीरो होता है वो उच्च शिक्षा के लिए जो है ब्रिटेन जाने की कोशिश करता है लेकिन इसका वीजा जो नहीं मिल पाता है और वीजा खारिज कर दिया जाता है छह महीने बाद वे जो है उसे एक मौका मिलता है और वे अपने दोस्त अमूल जो है यानी कि संगीत प्रताप है इनके साथ वे जो कुछ महीने उसके साथ बिताता है लेकिन फिर होता यू है कि जब कोचिंग सेंटर में जो है अपनी शादी के लिए एक जगह पर जाता है तो वहाँ पर एक लड़की से मिलता है जिसका नाम रीना यानी कि ममिता बेजो होता है और पहली बार में ही जब उसे देखता है तो उसे भी प्यार हो ही जाता है उससे और फिर जो है वो उसके प्यार में गिरता है रहन जो कि हैदराबाद में आईटी में जॉब कर रही होती है और आदि जो श्याम मोहन है जो कि एक वरिष्ठ है उसे प्यार करता है और हैदराबाद लौटने के बाद सचिन और अमूल ने रेनू को उसके दोस्त को ले जाने में उसकी मदद की होती है दोस्त ने यहाँ पर उसके चेहरे पर कहा है कि जो रेनू है कल के बारे में लक्ष्य इन्हें नहीं होगी और वह यूके जाने की योजना बना रही है और वह उस गेट उस गेट को छोड़कर फूड कोर्ट में काम कर रही है और वह ऐसी लड़की नहीं है और उसने बस अगले तीस सालों की योजना बनाए रखी होती है और वे जो है वो आदि से प्यार करती है जो कि उसके लिए उपयुक्त है तुम्हारे जैसे जो अपरिपक्व व्यक्ति है उनसे नहीं उसके चेहरे पर जो है अब सचिन ने दूसरी बार क्या फैसला लिया होता है ये कहानी का बाकी हिस्सा होता है हालांकि ये कहानी दोस्तों जो है पुराने जमाने के जैसी ही है लेकिन यहाँ पर जिस तरह से प्रेजेंट किया गया है वो बिल्कुल नया है मूवी के अंदर आपको थोड़े बहुत उतारा चढ़ाव देखने को मिलेंगे काफ़ी अच्छे गाने भी देखने को मिलेंगे जो कि हिंदी के अंदर डब कराए गए हैं ये मूवी दोस्तों वैसे तो मुझे पर्सनली अच्छी लगी है और उम्मीद है कि आपको भी शायद अच्छी लगेंगी इसका बजट भी दोस्तों कम था और कलेक्शन भी काफ़ी इंटरेस्टिंग हुआ है तो कुल मिलाकर एक अच्छी फिल्म आप इसे मान सकते हैं और रेटिंग भी काफ़ी सही है इस फिल्म की दुनिया में एक काम ये भी मुश्किल है कि हम जिसे पसंद करते हैं उसको बताना कि हम उसे पसंद करते हैं कई बार ये होता है कि हम इस राह में वेट करते हैं कि वो सामने से आकर हमें बताएंगे या फिर हम वेट इस बात का करते हैं कि जो है वो हम कभी ना कभी बताएंगे लेकिन वो दिन आता ही नहीं है उसकी शादी हो जाती है और दिन चले जाते हैं और हमारा सपना सपना रह जाता है खैर ऐसा मूवी के अंदर भी होता है लेकिन रियल लाइफ में भी होता ही होगा और आप में से बहुत लोगों के साथ ऐसा हुआ ही होगा मैं भी आपको यहाँ पर आज एक ऐसी मूवी के बारे में बताने जा रहा हूँ जहाँ पर आपको कुछ ऐसा ही जो है वो दिखाया गया है और जो मूवी के डायरेक्टर है इन्होंने बहुत ही बड़ी सीख भी दे हुई है ख़ासकर जो मॉडर्न लव है इनके बारे में काफ़ी कुछ यहाँ पर बताया हुआ है तो ये मूवी दोस्तों काफ़ी बेहतरीन है इसे आप एक बार हिंदी के अंदर ज़रूर देखिए हालांकि आगे मैं आपको ये भी बताने वाला हूँ ये फ़िल्म कहाँ पर आपको हिंदी के अंदर देखने को मिलेंगी तो इस वीडियो को आप थोड़ा बहुत देख लीजिएगा ताकि दोस्तों फिल्म के बारे में आपको सभी जानकारी तो मिल ही जाए लेकिन आप लोग इसे हिंदी के अंदर भी देख सकें और एक बहुत ही बड़ी ब्लॉकबस्टर फिल्म भी रही है क्योंकि मूवी का जितना बजट था उससे लगभग दस गुना ज़्यादा इसका कलेक्शन भी रहा है तो अच्छी बात यह है कि ये मूवी दोस्तों जो है वो आप हिंदी के अंदर देख सकते हैं तो चलिए जानते हैं फिल्म के बारे में तो फिल्म का नाम दोस्तों प्रेमलो है जो कि 2024 की, की मलयालम भाषा की एक कॉमेडी और रोमांस बेस्ड फिल्म है जिसका रन टाइम लगभग दो घंटे और छत्तीस मिनट का है और इसकी रेटिंग भी काफ़ी अच्छी निकल के आई है लगभग दोस्तों अस्सी से नब्बे प्रतिशत लोगों ने इसे लाइक किया हुआ है तो यहाँ पर आप समझ हो गए होंगे कि फ़िल्म के अंदर दम ज़रूर है इसके अलावा मूवी के अंदर जो स्टोरी आपको दिखाई गई है वो वैसे तो सिंपल है लेकिन जिस तरह से इसे प्रेजेंट किया गया है वाकई बहुत ही बढ़िया है इसे प्रोड्यूस किया था फहद फासिल और श्याम पुष्करन और दिलेश पोटलान ने तो फिल्म का जो कलेक्शन था वो काफ़ी बढ़िया रहा था और हिंदी के अंदर आप देखना चाहते हैं तो वैसे तो ये मूवी काफ़ी जगह पर आपको मिलेंगी लेकिन ऑफिशियल प्लेटफॉर्म डिजनी प्लस हॉटस्टार है आप लोग डिजनी प्लस हॉटस्टार पर इस मूवी को हिंदी में स्ट्रीम कर सकते हैं इसके अलावा अहा एट एलेक्स स्ट्रीम वहाँ पर भी आपको फिल्म देखने को मिल जाएंगी आप वहाँ से भी चैकआउट कर सकते हैं इस मूवी को फिल्म के कास्ट में आपको नस्लन के कपूर ममिता बैजू संगीत प्रताप अखिल भार्गवन श्याम मोहन माथ्यू थॉमस समीर खान गोपू केशव अल्ताफ सलीम मीनाक्षी रविंद्र राहुल टिपी ऐसे बहुत सारे किरदार जो है वो देखने को मिल जाते हैं और आपको सबका काम बहुत ही बेहतरीन है आपको कहीं पर भी निराश नहीं करता है लेकिन ख़ास कर इस फिल्म का जो हीरो है और जो हीरोइन है इन दोनों का काम बहुत ही अच्छा लगा फिल्म के अंदर मतलब यहाँ पर आपको काफ़ी कुछ तो सिखाया ही गया है लेकिन इसका क्लाइमेक्स भी काफ़ी इंटरेस्टिंग है और आप जो इस मूवी को प्रेडिक्ट तो कर ही सकते हैं क्योंकि आपको पता ही होगा कि हर मूवी की एक तरह की हैप्पी एंडिंग एडिंग हो जाती है यहाँ पर भी शायद आपको कुछ ऐसा ही मूवी के मेकर्स ने दिखाने की कोशिश की हुई है और ये जो मूवी है इस कारण वैसे काफ़ी थोड़ा ज़्यादा है लेकिन अगर थोड़ा कम भी होता तो भी कोई दिक्कत की बात नहीं होती हर लोगों को दोस्तों अलग अलग तरह की फिल्में देखना पसंद होता है जो लोग दोस्तों रोमांटिक मूवीज़ देखते हैं वही इसे देखे वरना अगर आप एक्शन या फिर मार धड़ वाली मूवीज़ देखते हैं तो हो सकता है कि आपको ये उतनी अच्छी ना लगे फिल्म के अंदर जो हीरो होता है इसका नाम सचिन है जो कि केरल के अंदर रहता है और वो एक लड़की से प्यार भी करता है और वन साइड लव होता है लेकिन वह उससे प्रेम का खुलासा नहीं कर सकता है और फिर बाद में वो जो पढ़ाई के अंतिम दिनों के अंदर उसे बताता है लेकिन वो लड़की उसे मना कर देती है इस बात का उसे काफ़ी दुख होता है क्योंकि उसने ये सोच रखा था कि वो लड़के उसे हाँ बोल देंगे लेकिन ऐसा हुआ नहीं इसका उल्टा विपरीत हो गया फिर कहानी आगे थोड़ी चलती है और फिर जो हीरो होता है वो उच्च शिक्षा के लिए जो है ब्रिटेन जाने की कोशिश करता है लेकिन इसका वीज़ा जो नहीं मिल पाता है और वीज़ा खारिज कर दिया जाता है छः महीने बाद वे जो है उसे एक मौका मिलता है और वे अपने दोस्त अमूल जो है यानी कि संगीत प्रताप है इनके साथ वे जो कुछ महीने उसके साथ बिताता है लेकिन फिर होता यू है कि जब कोचिंग सेंटर में जो है वो अपनी शादी के लिए एक जगह पे जाता है तो वहाँ पर एक लड़के से मिलता है जिसका नाम रीना यानी कि ममिता बेजो होता है और पहली बार में ही जब उसे देखता है तो उसे भी प्यार हो ही जाता है उससे और फिर जो है वो उसके प्यार में गिरता है रैनु जो कि हैदराबाद में आई में जॉब कर रही होती है और आदि जो श्याम मोहन है जो कि एक वरिष्ठ है उसे प्यार करता है और हैदराबाद लौटने के बाद सचिन और अमूल ने रेनू को उसके दोस्त को ले जाने में उसकी मदद की होती है दोस्त ने यहाँ पर उसके चेहरे पर कहा है कि जो रेनू है कल के बारे में लक्ष्य इन्हें नहीं होगी और वह यूके जाने की योजना बना रही है और वह उस गेट उस गेट को छोड़कर फूड कोर्ट में काम कर रही है और वह ऐसी लड़की नहीं है और उसने बस अगले तीस सालों की योजना बनाए रखी होती है और वे जो है वो आदि से प्यार करती है जो कि उसके लिए उपयुक्त है तुम्हारे जैसे जो अपरिपक्व व्यक्ति है उनसे नहीं तो उसके चेहरे पर जो है अब सचिन ने दूसरी बार क्या फ़ैसला लिया होता है ये कहानी का बाकी हिस्सा होता है हालांकि ये कहानी दोस्तों जो है पुराने ज़माने के जैसी ही है लेकिन यहाँ पर जिस तरह से इसे किया गया है वो बिल्कुल नया है मूवी के अंदर आपको थोड़े बहुत उतारा चढ़ाव देखने को मिलेंगे काफ़ी अच्छे गाने भी देखने को मिलेंगे जो कि हिंदी के अंदर डब कराए गए हैं ये मूवी दोस्तों वैसे तो मुझे पर्सनली अच्छी लगी है और उम्मीद है कि आपको भी शायद अच्छी लगेंगी इसका बजट भी दोस्तों कम था और कलेक्शन भी काफ़ी इंटरेस्टिंग हुआ है तो कुल मिलाकर एक अच्छी फिल्म आप इसे मान सकते हैं और रेटिंग भी काफ़ी सही है इस फिल्म की दुनिया में एक काम ये भी मुश्किल है कि हम जिसे पसंद करते हैं उसको बताना कि हम उसे पसंद करते हैं कई बार ये होता है कि हम इस राह में वेट करते हैं कि वो सामने से आकर हमें बताएंगे या फिर हम वेट इस बात का करते हैं कि जो है वो हम कभी न कभी बताएंगे लेकिन वो दिन आता ही नहीं है उसकी शादी हो जाती है और दिन चले जाते हैं और हमारा सपना सपना रह जाता है खैर ऐसा मूवी के अंदर भी होता है लेकिन रियल लाइफ में भी होता ही होगा और आप में से बहुत लोगों के साथ ऐसा हुआ ही होगा मैं भी आपको यहाँ पर आज एक ऐसी मूवी के बारे में बताने जा रहा हूँ जहाँ पर आपको कुछ ऐसा ही जो है वो दिखाया गया है और जो मूवी के डायरेक्टर है इन्होंने एक बहुत ही बड़ी सीख भी दे हुई है खासकर जो मॉडर्न लव है इनके बारे में काफ़ी कुछ यहाँ पर बताया हुआ है तो ये मूवी दोस्तों काफ़ी बेहतरीन है इसे आप एक बार हिंदी के अंदर ज़रूर देखिए हालांकि आगे मैं आपको ये भी बताने वाला हूँ ये फिल्म कहाँ पर आपको हिंदी के अंदर देखने को मिलेंगी तो इस वीडियो को आप थोड़ा बहुत देख लीजिएगा ताकि दोस्तों फिल्म के बारे में आपको सभी जानकारी तो मिल ही जाए लेकिन आप लोग इसे हिंदी के अंदर भी देख सकें और एक बहुत ही बड़ी ब्लॉकबस्टर फिल्म भी रही है क्योंकि मूवी का जितना बजट था उससे लगभग दस गुना ज़्यादा इसका कलेक्शन भी रहा है तो अच्छी बात यह है कि ये मूवी दोस्तों जो है वह आप हिंदी के अंदर देख सकते हैं तो चलिए जानते हैं फिल्म के बारे में तो फिल्म का नाम दोस्तों प्रेमलो है जो कि दो की मलयालम भाषा की एक कॉमेडी और रोमांस बेस्ड फिल्म है जिसका रन टाइम लगभग दो घंटे और छत्तीस मिनट का है और इसकी रेटिंग भी काफ़ी अच्छी निकल के आई है लगभग दोस्तों अस्सी से नब्बे प्रतिशत लोगों ने इसे लाइक किया हुआ है तो यहाँ पर आप समझ हो गए होंगे कि फ़िल्म के अंदर दम ज़रूर है इसके अलावा मूवी के अंदर जो स्टोरी आपको दिखाई गई है वो वैसे तो सिंपल है लेकिन जिस तरह से इसे प्रेजेंट किया गया है वाकई बहुत ही बढ़िया है इसे प्रोड्यूस किया था फहद फासिल और श्याम पुस्करन और दिलेश पोटलान ने तो फिल्म का जो कलेक्शन था वो काफ़ी बढ़िया रहा था और हिंदी के अंदर आप देखना चाहते हैं तो वैसे तो ये मूवी काफ़ी जगह पर आपको मिलेंगी लेकिन ऑफिशियल प्लेटफॉर्म डिजनी प्लस हॉटस्टार है आप लोग डिजनी प्लस हॉटस्टार पर इस मूवी को हिंदी में स्ट्रीम कर सकते हैं इसके अलावा आट एलेक्स स्ट्रीम वहाँ पर भी आपको फिल्म देखने को मिल जाएंगी आप वहाँ से भी चेकआउट कर सकते हैं इस मूवी को फिल्म के कास्ट में आपको नस्लन के कपूर ममिता बैजू संगीत प्रताप अखिल भार्गनन श्याम मोहन माथेव थॉमस समीर खान गोपू केशव अल्ताफ सलीम मीनाक्षी रविंद्रन राहुल पीपी ऐसे बहुत सारे किरदार जो है वो देखने को मिल जाते हैं और आपको सबका काम बहुत ही बेहतरीन है आपको कहीं पर भी निराश नहीं करता है लेकिन खासकर इस फिल्म का जो हीरो है और जो हीरोइन है इन दोनों का काम बहुत ही अच्छा लगा फिल्म के अंदर मतलब यहाँ पर आपको काफ़ी कुछ तो सिखाया ही गया है लेकिन इसका क्लाइमेक्स भी काफ़ी इंटरेस्टिंग है और आप जो इस मूवी को प्रेडिक्ट तो कर ही सकते हैं क्योंकि आपको पता ही होगा कि हर मूवी की एक तरह की हैप्पी एंडिंग एडिंग हो जाती है यहाँ पर भी शायद आपको कुछ ऐसा ही मूवी के मेकर्स ने दिखाने की कोशिश की हुई है और ये जो मूवी है रन टाइम वैसे काफ़ी थोड़ा ज़्यादा है लेकिन अगर थोड़ा कम भी होता तो भी कोई दिक्कत की बात नहीं होती हर लोगों को दोस्तों अलग अलग तरह की फिल्में देखना पसंद होता है जो लोग दोस्तों रोमांटिक मूवीज़ देखते हैं वही इसे देखे वरना अगर आप एक्शन या फिर मार धड़ वाली मूवीज़ देखते हैं तो हो सकता है कि आपको ये उतनी अच्छी ना लगे फिल्म के अंदर जो हीरो होता है इसका नाम सचिन है जो कि केरल के अंदर रहता है और वो एक लड़की से प्यार भी करता है और वन साइड लव होता है लेकिन वह उससे प्रेम का खुलासा नहीं कर सकता है और फिर बाद में वो जो पढ़ाई के अंतिम दिनों के अंदर उसे बताता है लेकिन वो लड़की उसे मना कर देती है इस बात का उसे काफ़ी दुख होता है क्योंकि उसने ये सोच रखा था कि वो लड़के उसे हाँ बोल देंगे लेकिन ऐसा हुआ नहीं इसका उल्टा विपरीत हो गया फिर कहानी आगे थोड़ी चलती है और फिर जो हीरो होता है वो उच्च शिक्षा के लिए जो है ब्रिटेन जाने की कोशिश करता है लेकिन इसका वीज़ा जो नहीं मिल पाता है और वीज़ा खारिज कर दिया जाता है छः महीने बाद वे जो है उसे एक मौका मिलता है और वे अपने दोस्त अमूल जो है यानी कि संगीत प्रताप है इनके साथ वे जो कुछ महीने उसके साथ बिताता है लेकिन फिर होता यू है कि जब कोचिंग सेंटर में जो है अपनी शादी के लिए एक जगह पे जाता है तो वहाँ पर एक लड़की से मिलता है जिसका नाम रीना यानी कि ममिता बेजो होता है और पहली बार में ही जब उसे देखता है तो उसे भी प्यार हो ही जाता है उससे और फिर जो है वो उसके प्यार में गिरता है रैनो जी कि हैदराबाद में आई में जॉब कर रही होती है और आदि जो श्याम मोहन है जो कि एक वरिष्ठ है उसे प्यार करता है और हैदराबाद लौटने के बाद सचिन और अमूल ने रेनो को उसके दोस्त को ले जाने में उसकी मदद की होती है दोस्त ने यहाँ पर उसके चेहरे पर कहा है कि जो रेनो है कल के बारे में लक्ष्य है नहीं होगी और वह यूके जाने की योजना बना रही है और वह उस गेट उस गेट को छोड़कर फूड कोर्ट में काम कर रही है और वह ऐसी लड़की नहीं है और उसने बस अगले तीस सालों की योजना बनाए रखी होती है और वे जो है वो आदि से प्यार करती है जो कि उसके लिए उपयुक्त है तुम्हारे जैसे जो अपरिपक्व व्यक्ति है उनसे नहीं उसके चेहरे पर जो है अब सचिन ने दूसरी बार क्या फैसला लिया होता है ये कहानी का बाकी हिस्सा होता है हालांकि ये कहानी दोस्तों जो है पुराने ज़माने की जैसी ही है लेकिन यहाँ पर जिस तरह से इसे किया गया है वो बिल्कुल नया है मूवी के अंदर आपको थोड़े बहुत उतार चढ़ाव देखने को मिलेंगे काफ़ी अच्छे गाने भी देखने को मिलेंगे जो कि हिंदी के अंदर डब कराए गए हैं ये मूवी दोस्तों वैसे तो मुझे पर्सनली अच्छी लगी है और उम्मीद है कि आपको भी शायद अच्छी लगेंगी इसका बजट भी दोस्तों कम था और कलेक्शन भी काफ़ी इंटरेस्टिंग हुआ है तो कुल मिलाकर एक अच्छी फिल्म आप इसे मान सकते हैं और रेटिंग भी काफ़ी सही है इस फिल्म की दुनिया में एक काम ये भी मुश्किल है कि हम जिसे पसंद करते हैं उसको बताना कि हम उसे पसंद करते हैं कई बार ये होता है कि हम इस राह में वेट करते हैं कि वो सामने से आकर हमें बताएंगे या फिर हम वेट इस बात का करते हैं कि जो है वो हम कभी न कभी बताएंगे लेकिन वो दिन आता ही नहीं है उसकी शादी हो जाती है और दिन चले जाते हैं और हमारा सपना सपना रह जाता है खैर ऐसा मूवी के अंदर भी होता है लेकिन रियल लाइफ में भी होता ही होगा और आप में से बहुत लोगों के साथ ऐसा हुआ ही होगा मैं भी आपको यहाँ पर आज एक ऐसी मूवी के बारे में बताने जा रहा हूँ जहाँ पर आपको कुछ ऐसा ही जो है वो दिखाया गया है और जो मूवी के डायरेक्टर है इन्होंने एक बहुत ही बड़ी सीख भी दे हुई है खासकर जो मॉडर्न लव है इनके बारे में काफ़ी कुछ यहाँ पर बताया हुआ है तो ये मूवी दोस्तों काफ़ी बेहतरीन है इसे आप एक बार हिंदी के अंदर ज़रूर देखिए हालांकि आगे मैं आपको ये भी बताने वाला हूँ ये फ़िल्म कहाँ पर आपको हिंदी के अंदर देखने को मिलेंगी तो इस वीडियो को आप थोड़ा बहुत देख लीजिएगा ताकि दोस्तों फिल्म के बारे में आपको सभी जानकारी तो मिल ही जाए लेकिन आप लोग इसे हिंदी के अंदर भी देख सकें और एक बहुत ही बड़ी ब्लॉकबस्टर फिल्म भी रही है क्योंकि मूवी का जितना बजट था उससे लगभग दस गुना ज़्यादा इसका कलेक्शन भी रहा है तो अच्छी बात यह है कि ये मूवी दोस्तों जो है वो आप हिंदी के अंदर देख सकते हैं तो चलिए जानते हैं फिल्म के बारे में तो फिल्म का नाम दोस्तों प्रेमोलू है जो कि दो की मलयालम भाषा की एक कॉमेडी और रोमांस बेस्ड फिल्म है जिसका रन टाइम लगभग दो घंटे और छत्तीस मिनट का है और इसकी रेटिंग भी काफ़ी अच्छी निकल के आई है लगभग दोस्तों अस्सी से नब्बे प्रतिशत लोगों ने इसे लाइक किया हुआ है तो यहाँ पर आप समझ हो गए हो कि फ़िल्म के अंदर दम जरूर है इसके अलावा मूवी के अंदर जो स्टोरी आपको दिखाई गई है वो वैसे तो सिंपल है लेकिन जिस तरह से इसे प्रेजेंट किया गया है वाकई बहुत ही बढ़िया है इसे प्रोड्यूस किया था फहद फासिल और श्याम पुष्करन और दिलेश पोटलान ने तो फिल्म का जो कलेक्शन था वो काफ़ी बढ़िया रहा था और हिंदी के अंदर आप देखना चाहते हैं तो वैसे तो ये मूवी काफ़ी जगह पर आपको मिलेंगी लेकिन ऑफिशियल प्लेटफॉर्म डिजनी प्लस ऑफ्टार है आप लोग डिजनी प्लस ऑफ्टार पर इस मूवी को हिंदी में स्ट्रीम कर सकते हैं इसके अलावा आटेल एक्स स्ट्रीम वहाँ पर भी आपको फिल्म देखने को मिल जाएंगी आप वहाँ से भी चेकआउट कर सकते हैं इस मूवी को फिल्म के कास्ट में आपको नस्लन के कपूर ममिता बैजू संगीत प्रताप अखिल्प भार्गनन श्याम मोहन माथ्यू थॉमस समीर खान गोपू केशव अल्ताफ सलीम मीनाक्षी रविंद्र राहुल टिपी ऐसे बहुत सारे किरदार जो है वो देखने को मिल जाते हैं और आपको सबका काम बहुत ही बेहतरीन है आपको कहीं पर भी निराश नहीं करता है लेकिन खास कर इस फिल्म का जो हीरो है और जो हीरोइन है इन दोनों का काम बहुत ही अच्छा लगा फिल्म के अंदर मतलब यहाँ पर आपको काफ़ी कुछ तो सिखाया ही गया है लेकिन इसका क्लाइमेक्स भी काफ़ी इंटरेस्टिंग है और आप जो इस मूवी को प्रेडिक्ट तो कर ही सकते हैं क्योंकि आपको पता ही होगा कि हर मूवी की एक तरह की हैप्पी एंडिंग एडिंग हो जाती है यहाँ पर भी शायद आपको कुछ ऐसा ही मूवी के मेकर्स ने दिखाने की कोशिश की हुई है और ये जो मूवी है रन टाइम वैसे काफ़ी थोड़ा ज़्यादा है लेकिन अगर थोड़ा कम भी होता तो भी कोई दिक्कत की बात नहीं होती हर लोगों को दोस्तों अलग अलग तरह की फिल्में देखना पसंद होता है जो लोग दोस्तों रोमांटिक मूवीज़ देखते हैं वही इसे देखे वरना अगर आप एक्शन या फिर मार धड़ वाली मूवीज़ देखते हैं तो हो सकता है कि आपको ये उतनी अच्छी ना लगे फिल्म के अंदर जो हीरो होता है इसका नाम सचिन है जो कि केरल के अंदर रहता है और वो एक लड़की से प्यार भी करता है और वन साइड लव होता है लेकिन वह उससे प्रेम का खुलासा नहीं कर सकता है और फिर बाद में वो जो पढ़ाई के अंतिम दिनों के अंदर उसे बताता है लेकिन वो लड़की उसे मना कर देती है इस बात का उसे काफ़ी दुख होता है क्योंकि उसने ये सोच रखा था कि वो लड़के उसे हाँ बोल देंगे लेकिन ऐसा हुआ नहीं इसका उल्टा विपरीत हो गया फिर कहानी आगे थोड़ी चलती है और फिर जो हीरो होता है वो उच्च शिक्षा के लिए जो है ब्रिटेन जाने की कोशिश करता है लेकिन इसका वीज़ा जो नहीं मिल पाता है और वीज़ा खारिज कर दिया जाता है छः महीने बाद वे जो है उसे एक मौका मिलता है और वे अपने दोस्त अमूल जो है यानी कि संगीत प्रताप है इनके साथ वे जो कुछ महीने उसके साथ बिताता है लेकिन फिर होता यू है कि जब कोचिंग सेंटर में जो है अपनी शादी के लिए एक जगह पे जाता है तो वहाँ पर एक लड़की से मिलता है जिसका नाम रीना यानी कि ममिता बेजो होता है और पहली बार में ही जब उसे देखता है तो उसे भी प्यार हो ही जाता है उससे और फिर जो है वो उसके प्यार में गिरता है रैनु जो कि हैदराबाद में आई में जॉब कर रही होती है और आदि जो श्याम मोहन है जो कि एक वरिष्ठ है उसे प्यार करता है और हैदराबाद लौटने के बाद सचिन और अमूल ने रेनू को उसके दोस्त को ले जाने में उसकी मदद की होती है दोस्त ने यहाँ पर उसके चेहरे पर कहा है कि जो रेनू है कल के बारे में लक्ष्य है नहीं होगी और वह यूके के जाने की योजना बना रही है और वह उस गेट उस गेट को छोड़कर फूड कोर्ट में काम कर रही है और वह ऐसी लड़की नहीं है और उसने बस अगले तीस सालों की योजना बनाए रखी होती है और वे जो है वो आदि से प्यार करती है जो कि उसके लिए उपयुक्त है तुम्हारे जैसे जो अपरिपक्व व्यक्ति है उनसे नहीं उसके चेहरे पर जो है अब सचिन ने दूसरी बार क्या फैसला लिया होता है ये कहानी का बाकी हिस्सा होता है हालांकि ये कहानी दोस्तों जो है पुराने जमाने के जैसी ही है लेकिन यहाँ पर जिस तरह से इसे किया गया है वो बिल्कुल नया है मूवी के अंदर आपको थोड़े बहुत उतारा चढ़ाव देखने को मिलेंगे काफ़ी अच्छे गाने भी देखने को मिलेंगे जो कि हिंदी के अंदर डब कराए गए हैं ये मूवी दोस्तों वैसे तो मुझे पर्सनली अच्छी लगी है और उम्मीद है कि आपको भी शायद अच्छी लगेंगी इसका बजट भी दोस्तों कम था और कलेक्शन भी काफ़ी इंटरेस्टिंग हुआ है तो कुल मिलाकर एक अच्छी फिल्म आप इसे मान सकते हैं और रेटिंग भी काफ़ी सही है इस फिल्म की दुनिया में एक काम ये भी मुश्किल है कि हम जिसे पसंद करते हैं उसको बताना कि हम उसे पसंद करते हैं कई बार ये होता है कि हम इस राह में वेट करते हैं कि वो सामने से आकर हमें बताएंगे या फिर हम वेट इस बात का करते हैं कि जो है वो हम कभी ना कभी बताएंगे लेकिन वो दिन आता ही नहीं है उसकी शादी हो जाती है और दिन चले जाते हैं और हमारा सपना सपना रह जाता है खैर ऐसा मूवी के अंदर भी होता है लेकिन रियल लाइफ में भी होता ही होगा और आप में से बहुत लोगों के साथ ऐसा हुआ ही होगा मैं भी आपको यहाँ पर आज एक ऐसी मूवी के बारे में बताने जा रहा हूँ जहाँ पर आपको कुछ ऐसा ही जो है वो दिखाया गया है और जो मूवी के डायरेक्टर है इन्होंने बहुत ही बड़ी सीख भी दे हुई है ख़ासकर जो मॉडर्न लव है इनके बारे में काफ़ी कुछ यहाँ पर बताया हुआ है तो ये मूवी दोस्तों काफ़ी बेहतरीन है इसे आप एक बार हिंदी के अंदर ज़रूर देखिए हालांकि आगे मैं आपको ये भी बताने वाला हूँ ये फ़िल्म कहाँ पर आपको हिंदी के अंदर देखने को मिलेंगी तो इस वीडियो को आप थोड़ा बहुत देख लीजिएगा ताकि दोस्तों फिल्म के बारे में आपको सभी जानकारी तो मिल ही जाए लेकिन आप लोग इसे हिंदी के अंदर भी देख सकें और एक बहुत ही बड़ी ब्लॉकबस्टर फिल्म भी रही है क्योंकि मूवी का जितना बजट था उससे लगभग दस गुना ज़्यादा इसका कलेक्शन भी रहा है तो अच्छी बात यह है कि ये मूवी दोस्तों जो है वो आप हिंदी के अंदर देख सकते हैं तो चलिए जानते हैं फिल्म के बारे में तो फिल्म का नाम दोस्तों प्रेमलू है जो कि 2024 की, की मलयालम भाषा की एक कॉमेडी और रोमांस बेस्ड फिल्म है जिसका रन टाइम लगभग दो घंटे और छत्तीस मिनट का है और इसकी रेटिंग भी काफ़ी अच्छी निकल के आई है लगभग दोस्तों अस्सी से नब्बे प्रतिशत लोगों ने इसे लाइक किया हुआ है तो यहाँ पर आप समझ हो गए होंगे कि फ़िल्म के अंदर दम ज़रूर है इसके अलावा मूवी के अंदर जो स्टोरी आपको दिखाई गई है वो वैसे तो सिंपल है लेकिन जिस तरह से इसे प्रेजेंट किया गया है वाकई बहुत ही बढ़िया है इसे प्रोड्यूस किया था फहद फासिल और श्याम पुष्करन और दिलेश पोटलान ने तो फिल्म का जो कलेक्शन था वो काफ़ी बढ़िया रहा था और हिंदी के अंदर आप देखना चाहते हैं तो वैसे तो ये मूवी काफ़ी जगह पर आपको मिलेंगी लेकिन ऑफिशियल प्लेटफॉर्म डिजनी प्लस हॉटस्टार है आप लोग डिजनी प्लस हॉटस्टार पर इस मूवी को हिंदी में स्ट्रीम कर सकते हैं इसके अलावा आ एट एल एक्स स्ट्रीम वहाँ पर भी आपको फिल्म देखने को मिल जाएंगी आप वहाँ से भी चेकआउट कर सकते हैं इस मूवी को फिल्म के कास्ट में आपको नस्लन के कपूर ममिता बैजू संगीत प्रताप अखिल भार्गवन श्याम मोहन माथ्यू थॉमस समीर खान गोपू केशव अल्ताफ सलीम मीनाक्षी रविंद्र राहुल टिपी ऐसे बहुत सारे किरदार जो है वो देखने को मिल जाते हैं और आपको सबका काम बहुत ही बेहतरीन है आपको कहीं पर भी निराश नहीं करता है लेकिन खासकर इस फिल्म का जो हीरो है और जो हीरोइन है इन दोनों का काम बहुत ही अच्छा लगा फिल्म के अंदर मतलब यहाँ पर आपको काफ़ी कुछ तो सिखाया ही गया है लेकिन इसका क्लाइमेक्स भी काफ़ी इंटरेस्टिंग है और आप जो इस मूवी को प्रेडिक्ट तो कर ही सकते हैं क्योंकि आपको पता ही होगा कि हर मूवी की एक तरह की हैप्पी एंडिंग एडिंग हो जाती है यहाँ पर भी शायद आपको कुछ ऐसा ही मूवी के मेकर्स ने दिखाने की कोशिश की हुई है और ये जो मूवी है इस कारण वैसे काफ़ी थोड़ा ज़्यादा है लेकिन अगर थोड़ा कम भी होता तो भी कोई दिक्कत की बात नहीं होती हर लोगों को दोस्तों अलग अलग तरह की फिल्में देखना पसंद होता है जो लोग दोस्तों रोमांटिक मूवीज़ देखते हैं वही इसे देखे वरना अगर आप एक्शन या फिर मार धड़ वाली मूवीज़ देखते हैं तो हो सकता है कि आपको ये उतनी अच्छी ना लगे फिल्म के अंदर जो हीरो होता है इसका नाम सचिन है जो कि केरल के अंदर रहता है और वो एक लड़की से प्यार भी करता है और वन साइड लव होता है लेकिन वह उससे प्रेम का खुलासा नहीं कर सकता है और फिर बाद में वो जो पढ़ाई के अंतिम दिनों के अंदर उसे बताता है लेकिन वो लड़की उसे मना कर देती है इस बात का उसे काफी दुख होता है क्योंकि उसने ये सोच रखा था कि वो लड़के उसे हाँ बोल देंगे लेकिन ऐसा हुआ नहीं इसका उल्टा विपरीत हो गया फिर कहानी आगे थोड़ी चलती है और फिर जो हीरो होता है वो उच्च शिक्षा के लिए जो है ब्रिटेन जाने की कोशिश करता है लेकिन इसका वीज़ा जो नहीं मिल पाता है और वीजा खारिज कर दिया जाता है छः महीने बाद वे जो है उसे एक मौका मिलता है और वे अपने दोस्त अमूल जो है यानी कि संगीत प्रताप है इनके साथ वे जो कुछ महीने उसके साथ बिताता है लेकिन फिर होता यू है कि जब कोचिंग सेंटर में जो है अपनी शादी के लिए एक जगह पे जाता है तो वहाँ पर एक लड़की से मिलता है जिसका नाम रीना यानी कि ममिता बेजो होता है और पहली बार में ही जब उसे देखता है तो उसे भी प्यार हो ही जाता है उससे और फिर जो है वो उसके प्यार में गिरता है रहन जो कि हैदराबाद में आई में जॉब कर रही होती है और आदि जो श्याम मोहन है जो कि एक वरिष्ठ है उसे प्यार करता है और हैदराबाद लौटने के बाद सचिन और अमूल ने रेनू को उसके दोस्त को ले जाने में उसकी मदद की होती है दोस्त ने यहाँ पर उसके चेहरे पर कहा है कि जो रेनू है कल के बारे में लक्ष्य इन्हें नहीं होगी और वह यूके जाने की योजना बना रही है और वह उस गेट उस गेट को छोड़कर फूड कोर्ट में काम कर रही है और वह ऐसी लड़की नहीं है और उसने बस अगले तीस सालों की योजना बनाए रखी होती है और वे जो है वो आदि से प्यार करती है जो कि उसके लिए उपयुक्त है तुम्हारे जैसे जो अपरिपक्व व्यक्ति है उनसे नहीं तो उसके चेहरे पर जो है अब सचिन ने दूसरी बार क्या फैसला लिया होता है ये कहानी का बाकी हिस्सा होता है हालांकि ये कहानी दोस्तों जो है पुराने जमाने के जैसी ही है लेकिन यहाँ पर जिस राशि से प्रेजेंट किया गया है वो बिल्कुल नया है मूवी के अंदर आपको थोड़े बहुत उतारा चढ़ाव देखने को मिलेंगे काफ़ी अच्छे गाने भी देखने को मिलेंगे जो कि हिंदी के अंदर डब कराए गए हैं ये मूवी दोस्तों वैसे तो मुझे पर्सनली अच्छी लगी है और उम्मीद है कि आपको भी शायद अच्छी लगेंगी इसका बजट भी दोस्तों कम था और कलेक्शन भी काफ़ी इंटरेस्टिंग हुआ है तो कुल मिलाकर एक अच्छी फिल्म आप इसे मान सकते हैं और रेटिंग भी काफ़ी सही है इस फिल्म की दुनिया में एक काम ये भी मुश्किल है कि हम जिसे पसंद करते हैं उसको बताना कि हम उसे पसंद करते हैं कई बार ये होता है कि हम इस राह में वेट करते हैं कि वो सामने से आकर हमें बताएंगे या फिर हम वेट इस बात का करते हैं कि जो है वो हम कभी ना कभी बताएंगे लेकिन वो दिन आता ही नहीं है उसकी शादी हो जाती है और दिन चले जाते हैं और हमारा सपना सपना रह जाता है खैर ऐसा मूवी के अंदर भी होता है लेकिन रियल लाइफ में भी होता ही होगा और आप में से बहुत लोगों के साथ ऐसा हुआ ही होगा मैं भी आपको यहाँ पर आज एक ऐसी मूवी के बारे में बताने जा रहा हूँ जहाँ पर आपको कुछ ऐसा ही जो है वो दिखाया गया है और जो मूवी के डायरेक्टर है इन्होंने एक बहुत ही बड़ी सीख भी दे हुई है ख़ासकर जो मॉडर्न लव है इनके बारे में काफ़ी कुछ यहाँ पर बताया हुआ है तो ये मूवी दोस्तों काफ़ी बेहतरीन है इसे आप एक बार हिंदी के अंदर ज़रूर देखिए हालांकि आगे मैं आपको ये भी बताने वाला हूँ ये फिल्म कहाँ पर आपको हिंदी के अंदर देखने को मिलेंगी तो इस वीडियो को आप थोड़ा बहुत देख लीजिएगा ताकि दोस्तों फिल्म के बारे में आपको सभी जानकारी तो मिल ही जाए लेकिन आप लोग इसे हिंदी के अंदर भी देख सकें और एक बहुत ही बड़ी ब्लॉकबस्टर फिल्म भी रही है क्योंकि मूवी का जितना बजट था उससे लगभग दस गुना ज़्यादा इसका कलेक्शन भी रहा है तो अच्छी बात यह है कि ये मूवी दोस्तों जो है वह आप हिंदी के अंदर देख सकते हैं तो चलिए जानते हैं फिल्म के बारे में तो फिल्म का नाम दोस्तों प्रेमलो है जो कि 2024 की, की मलयालम भाषा की एक कॉमेडी और रोमांस बेस्ड फिल्म है जिसका रन टाइम लगभग दो घंटे और छत्तीस मिनट का है और इसकी रेटिंग भी काफ़ी अच्छी निकल के आई है लगभग दोस्तों अस्सी से नब्बे प्रतिशत लोगों ने इसे लाइक किया हुआ है तो यहाँ पर आप समझ हो गए होंगे कि फ़िल्म के अंदर दम ज़रूर है इसके अलावा मूवी के अंदर जो स्टोरी आपको दिखाई गई है वो वैसे तो सिंपल है लेकिन जिस तरह से इसे प्रेजेंट किया गया है वाकई बहुत ही बढ़िया है इसे प्रोड्यूस किया था फहद फासिल और श्याम पुष्करन और दिलेश पोटलान ने तो फिल्म का जो कलेक्शन था वो काफ़ी बढ़िया रहा था और हिंदी के अंदर आप देखना चाहते हैं तो वैसे तो ये मूवी काफ़ी जगह पर आपको मिलेंगी लेकिन ऑफिशियल प्लेटफॉर्म डिजनी प्लस ऑफ्टार है आप लोग डिजनी प्लस ऑफ्टार पर इस मूवी को हिंदी में स्ट्रीम कर सकते हैं इसके अलावा आट एलेक्स स्ट्रीम वहाँ पर भी आपको फिल्म देखने को मिल जाएंगी आप वहाँ से भी चैकआउट कर सकते हैं इस मूवी को फिल्म के कास्ट में आपको नस्लन के कपूर ममिता बैजू संगीत प्रताप अखिल भार्गन श्याम मोहन माथेव थॉमस समीर खान गोपू केशव अल्ताफ सलीम मीनाक्षी रविंद्र राहुल पीपी ऐसे बहुत सारे किरदार जो है वो देखने को मिल जाते हैं और आपको सबका काम बहुत ही बेहतरीन है आपको कहीं पर भी निराश नहीं करता है लेकिन ख़ास कर इस फिल्म का जो हीरो है और जो हीरोइन है इन दोनों का काम बहुत ही अच्छा लगा फिल्म के अंदर मतलब यहाँ पर आपको काफ़ी कुछ तो सिखाया ही गया है लेकिन इसका क्लाइमेक्स भी काफ़ी इंटरेस्टिंग है और आप जो इस मूवी को प्रेडिक्ट तो कर ही सकते हैं क्योंकि आपको पता ही होगा कि हर मूवी की एक तरह की हैप्पी एंडिंग एडिंग हो जाती है यहाँ पर भी शायद आपको कुछ ऐसा ही मूवी के मेकर्स ने दिखाने की कोशिश की हुई है और ये जो मूवी है इसका वैसे काफ़ी थोड़ा ज़्यादा है लेकिन अगर थोड़ा कम भी होता तो भी कोई दिक्कत की बात नहीं होती हर लोगों को दोस्तों अलग अलग तरह की फिल्में देखना पसंद होता है जो लोग दोस्तों रोमांटिक मूवीज़ देखते हैं वही इसे देखे वरना अगर आप एक्शन या फिर मार धड़ वाली मूवीज़ देखते हैं तो हो सकता है कि आपको ये उतनी अच्छी ना लगे फिल्म के अंदर जो हीरो होता है इसका नाम सचिन है जो कि केरल के अंदर रहता है और वो एक लड़की से प्यार भी करता है और वन साइड लव होता है लेकिन वह उससे प्रेम का खुलासा नहीं कर सकता है और फिर बाद में वो जो पढ़ाई के अंतिम दिनों के अंदर उसे बताता है लेकिन वो लड़की उसे मना कर देती है इस बात का उसे काफ़ी दुख होता है क्योंकि उसने ये सोच रखा था कि वो लड़के उसे हाँ बोल देंगे लेकिन ऐसा हुआ नहीं इसका उल्टा विपरीत हो गया फिर कहानी आगे थोड़ी चलती है और फिर जो हीरो होता है वो उच्च शिक्षा के लिए जो है ब्रिटेन जाने की कोशिश करता है लेकिन इसका वीज़ा जो नहीं मिल पाता है और वीज़ा खारिज कर दिया जाता है छः महीने बाद वे जो है उसे एक मौका मिलता है और वे अपने दोस्त अमूल जो है यानी कि संगीत प्रताप है इनके साथ वे जो कुछ महीने उसके साथ बिताता है लेकिन फिर होता यू है कि जब कोचिंग सेंटर में जो है वो अपनी शादी के लिए एक जगह पर जाता है तो वहाँ पर एक लड़की से मिलता है जिसका नाम रीना यानी कि ममिता बेजो होता है और पहली बार में ही जब उसे देखता है तो उसे भी प्यार हो ही जाता है उससे और फिर जो है वो उसके प्यार में गिरता है रैनु जो कि हैदराबाद में आईटी में जॉब कर रही होती है और आदि जो श्याम मोहन है जो कि एक वरिष्ठ है उसे प्यार करता है और हैदराबाद लौटने के बाद सचिन और अमूल ने रेनू को उसके दोस्त को ले जाने में उसकी मदद की होती है दोस्त ने यहाँ पर उसके चेहरे पर कहा है कि जो रेनू है कल के बारे में लक्ष्य इन्हें नहीं होगी और वह यूके जाने की योजना बना रही है और वह उस गेट उस गेट को छोड़कर फूड कोर्ट में काम कर रही है और वह ऐसी लड़की नहीं है और उसने बस अगले तीस सालों की योजना बनाए रखी होती है और वे जो है वो आदि से प्यार करती है जो कि उसके लिए उपयुक्त है तुम्हारे जैसे जो अपरिपक्व व्यक्ति है उनसे नहीं उसके चेहरे पर जो है अब सचिन ने दूसरी बार क्या फैसला लिया होता है ये कहानी का बाकी हिस्सा होता है हालांकि ये कहानी दोस्तों जो है पुराने ज़माने की जैसी ही है लेकिन यहाँ पर जिस तरह से इसे किया गया है वो बिल्कुल नया है मूवी के अंदर आपको थोड़े बहुत उतारा चढ़ाव देखने को मिलेंगे काफ़ी अच्छे गाने भी देखने को मिलेंगे जो कि हिंदी के अंदर डब कराए गए हैं ये मूवी दोस्तों वैसे तो मुझे पर्सनली अच्छी लगी है और उम्मीद है कि आपको भी शायद अच्छी लगेंगी इसका बजट भी दोस्तों कम था और कलेक्शन भी काफ़ी इंटरेस्टिंग हुआ है तो कुल मिलाकर एक अच्छी फिल्म आप इसे मान सकते हैं और रेटिंग भी काफ़ी सही है इस फिल्म की दुनिया में एक काम ये भी मुश्किल है कि हम जिसे पसंद करते हैं उसको बताना कि हम उसे पसंद करते हैं कई बार ये होता है कि हम इस राह में वेट करते हैं कि वो सामने से सा आकर हमें बताएंगे या फिर हम वेट इस बात का करते हैं कि जो है वो हम कभी न कभी बताएंगे लेकिन वो दिन आता ही नहीं है उसकी शादी हो जाती है और दिन चले जाते हैं और हमारा सपना सपना रह जाता है खैर ऐसा मूवी के अंदर भी होता है लेकिन रियल लाइफ में भी होता ही होगा और आप में से बहुत लोगों के साथ ऐसा हुआ ही होगा मैं भी आपको यहाँ पर आज एक ऐसी मूवी के बारे में बताने जा रहा हूँ जहाँ पर आपको कुछ ऐसा ही जो है वो दिखाया गया है और जो मूवी के डायरेक्टर है इन्होंने एक बहुत ही बड़ी सीख भी दे हुई है खासकर जो मॉडर्न लव है इनके बारे में काफ़ी कुछ यहाँ पर बताया हुआ है तो ये मूवी दोस्तों काफ़ी बेहतरीन है इसे आप एक बार हिंदी के अंदर ज़रूर देखिए हालांकि आगे मैं आपको ये भी बताने वाला हूँ ये फिल्म कहाँ पर आपको हिंदी के अंदर देखने को मिलेंगी तो इस वीडियो को आप थोड़ा बहुत देख लीजिएगा ताकि दोस्तों फिल्म के बारे में आपको सभी जानकारी तो मिल ही जाए लेकिन आप लोग इसे हिंदी के अंदर भी देख सकें और एक बहुत ही बड़ी ब्लॉकबस्टर फिल्म भी रही है क्योंकि मूवी का जितना बजट था उससे लगभग दस गुना ज़्यादा इसका कलेक्शन भी रहा है तो अच्छी बात यह है कि ये मूवी दोस्तों जो है वह आप हिंदी के अंदर देख सकते हैं तो चलिए जानते हैं फिल्म के बारे में तो फिल्म का नाम दोस्तों प्रेमलो है जो कि दो की मलयालम भाषा की एक कॉमेडी और रोमांस बेस्ड फिल्म है जिसका रन टाइम लगभग दो घंटे और छत्तीस मिनट का है और इसकी रेटिंग भी काफ़ी अच्छी निकल के आई है लगभग दोस्तों अस्सी से नब्बे प्रतिशत लोगों ने इसे लाइक किया हुआ है तो यहाँ पर आप समझ हो गए होंगे कि फिल्म के अंदर दम ज़रूर है इसके अलावा मूवी के अंदर जो स्टोरी आपको दिखाई गई है वो वैसे तो सिंपल है लेकिन जिस तरह से इसे प्रेजेंट किया गया है वाकई बहुत ही बढ़िया है इसे प्रोड्यूस किया था फहद फासिल और श्याम पुस्करन और दिलेश पोटलान ने तो फिल्म का जो कलेक्शन था वो काफ़ी बढ़िया रहा था और हिंदी के अंदर आप देखना चाहते हैं तो वैसे तो ये मूवी काफ़ी जगह पर आपको मिलेंगी लेकिन ऑफिशियल प्लेटफॉर्म डिजनी प्लस हॉटस्टार है आप लोग डिजनी प्लस हॉटस्टार पर इस मूवी को हिंदी में स्ट्रीम कर सकते हैं इसके अलावा अहा एट एल एक्स स्ट्रीम वहाँ पर भी आपको फिल्म देखने को मिल जाएंगी आप वहाँ से भी चेकआउट कर सकते हैं इस मूवी को फिल्म के कास्ट में आपको नस्लन के कपूर ममिता बैजू संगीत प्रताप अखिल भार्गवन श्याम मोहन माथेव थॉमस समीर खान गोपू केशव अल्ताफ सलीम मीनाक्षी रविंद्रन राहुल पीपी ऐसे बहुत सारे किरदार जो है वो देखने को मिल जाते हैं और आपको सबका काम बहुत ही बेहतरीन है आपको कहीं पर भी निराश नहीं करता है लेकिन खासकर इस फिल्म का जो हीरो है और जो हीरोइन है इन दोनों का काम बहुत ही अच्छा लगा फिल्म के अंदर मतलब यहाँ पर आपको काफ़ी कुछ तो सिखाया ही गया है लेकिन इसका क्लाइमेक्स भी काफ़ी इंटरेस्टिंग है और आप जो इस मूवी को प्रेडिक्ट तो कर ही सकते हैं क्योंकि आपको पता ही होगा कि हर मूवी की एक तरह की हैप्पी एंडिंग एडिंग हो जाती है यहाँ पर भी शायद आपको कुछ ऐसा ही मूवी के मेकर्स ने दिखाने की कोशिश की हुई है और ये जो मूवी है रन टाइम वैसे काफ़ी थोड़ा ज़्यादा है लेकिन अगर थोड़ा कम भी होता तो भी कोई दिक्कत की बात नहीं होती हर लोगों को दोस्तों अलग अलग तरह की फिल्में देखना पसंद होता है जो लोग दोस्तों रोमांटिक मूवीज़ देखते हैं वही इसे देखे वरना अगर आप एक्शन या फिर मार धड़ वाली मूवीज़ देखते हैं तो हो सकता है कि आपको ये उतनी अच्छी ना लगे फिल्म के अंदर जो हीरो होता है इसका नाम सचिन है जो कि केरल के अंदर रहता है और वो एक लड़की से प्यार भी करता है और वन साइड लव होता है लेकिन वह उससे प्रेम का खुलासा नहीं कर सकता है और फिर बाद में वो जो पढ़ाई के अंतिम दिनों के अंदर उसे बताता है लेकिन वो लड़की उसे मना कर देती है इस बात का उसे काफ़ी दुख होता है क्योंकि उसने ये सोच रखा था कि वो लड़के उसे हाँ बोल देंगे लेकिन ऐसा हुआ नहीं इसका उल्टा विपरीत हो गया फिर कहानी आगे थोड़ी चलती है और फिर जो हीरो होता है वो उच्च शिक्षा के लिए जो है ब्रिटेन जाने की कोशिश करता है लेकिन इसका वीज़ा जो नहीं मिल पाता है और वीज़ा खारिज कर दिया जाता है छः महीने बाद वे जो है उसे एक मौका मिलता है और वे अपने दोस्त अमूल जो है यानी कि संगीत प्रताप है इनके साथ वे जो कुछ महीने उसके साथ बिताता है लेकिन फिर होता यू है कि जब कोचिंग सेंटर में जो है अपनी शादी के लिए एक जगह पे जाता है तो वहाँ पर एक लड़की से मिलता है जिसका नाम रीना यानी कि ममिता बेजो होता है और पहली बार में जब उसे देखता है तो उसे भी प्यार हो ही जाता है उससे और फिर जो है वो उसके प्यार में गिरता है रैनु जी कि हैदराबाद में आई में जॉब कर रही होती है और आदि जो श्याम मोहन है जो कि एक वरिष्ठ है उसे प्यार करता है और हैदराबाद लौटने के बाद सचिन और अमूल ने रेनो को उसके दोस्त को ले जाने में उसकी मदद की होती है दोस्त ने यहाँ पर उसके चेहरे पर कहा है कि जो रेनो है कल के बारे में लक्ष्य है नहीं होगी और वह यूके जाने की योजना बना रही है और वह उस गेट उस गेट को छोड़कर फूड कोर्ट में काम कर रही है और वह ऐसी लड़की नहीं है और उसने बस अगले तीस सालों की योजना बनाए रखी होती है और वे जो है वो आदि से प्यार करती है जो कि उसके लिए उपयुक्त है तुम्हारे जैसे जो अपरिपक्व व्यक्ति है उनसे नहीं उसके चेहरे पर जो है अब सचिन ने दूसरी बार क्या फैसला लिया होता है ये कहानी का बाकी हिस्सा होता है हालांकि ये कहानी दोस्तों जो है पुराने ज़माने की जैसी ही है लेकिन यहाँ पर जिस तरह से इसे प्रजेंट किया गया है वो बिल्कुल नया है मूवी के अंदर आपको थोड़े बहुत उतार चढ़ाव देखने को मिलेंगे काफ़ी अच्छे गाने भी देखने को मिलेंगे जो कि हिंदी के अंदर डब कराए गए हैं ये मूवी दोस्तों वैसे तो मुझे पर्सनली अच्छी लगी है और उम्मीद है कि आपको भी शायद अच्छी लगेंगी इसका बजट भी दोस्तों कम था और कलेक्शन भी काफ़ी इंटरेस्टिंग हुआ है तो कुल मिलाकर एक अच्छी फिल्म आप इसे मान सकते हैं और रेटिंग भी काफ़ी सही है इस फिल्म की दुनिया में एक काम ये भी मुश्किल है कि हम जिसे पसंद करते हैं उसको बताना कि हम उसे पसंद करते हैं कई बार ये होता है कि हम इस राह में वेट करते हैं कि वो सामने से आकर हमें बताएंगे या फिर हम वेट इस बात का करते हैं कि जो है वो हम कभी ना कभी बताएंगे लेकिन वो दिन आता ही नहीं है उसकी शादी हो जाती है और दिन चले जाते हैं और हमारा सपना सपना रह जाता है खैर ऐसा मूवी के अंदर भी होता है लेकिन रियल लाइफ में भी होता ही होगा और आप में से बहुत लोगों के साथ ऐसा हुआ ही होगा मैं भी आपको यहाँ पर आज एक ऐसी मूवी के बारे में बताने जा रहा हूँ जहाँ पर आपको कुछ ऐसा ही जो है वो दिखाया गया है और जो मूवी के डायरेक्टर है इन्होंने एक बहुत ही बड़ी सीख भी दे हुई है ख़ासकर जो मॉडर्न लव है इनके बारे में काफ़ी कुछ यहाँ पर बताया हुआ है तो ये मूवी दोस्तों काफ़ी बेहतरीन है इसे आप एक बार हिंदी के अंदर ज़रूर देखिए हालांकि आगे मैं आपको ये भी बताने वाला हूँ ये फ़िल्म कहाँ पर आपको हिंदी के अंदर देखने को मिलेंगी तो इस वीडियो को आप थोड़ा बहुत देख लीजिएगा ताकि दोस्तों फिल्म के बारे में आपको सभी जानकारी तो मिल ही जाए लेकिन आप लोग इसे हिंदी के अंदर भी देख सकें और एक बहुत ही बड़ी ब्लॉकबस्टर फिल्म भी रही है क्योंकि मूवी का जितना बजट था उससे लगभग दस गुना ज़्यादा इसका कलेक्शन भी रहा है तो अच्छी बात यह है कि ये मूवी दोस्तों जो है वो आप हिंदी के अंदर देख सकते हैं तो चलिए जानते हैं फिल्म के बारे में तो फिल्म का नाम दोस्तों प्रेमलू है जो कि 2024 की, की मलयालम भाषा की एक कॉमेडी और रोमांस बेस्ड फिल्म है जिसका रन टाइम लगभग दो घंटे और छत्तीस मिनट का है और इसकी रेटिंग भी काफ़ी अच्छी निकल के आई है लगभग दोस्तों अस्सी से नब्बे प्रतिशत लोगों ने इसे लाइक किया हुआ है तो यहाँ पर आप समझ हो गए हो कि फ़िल्म के अंदर दम जरूर है इसके अलावा मूवी के अंदर जो स्टोरी आपको दिखाई गई है वो वैसे तो सिंपल है लेकिन जिस तरह से इसे प्रेजेंट किया गया है वाकई बहुत ही बढ़िया है इसे प्रोड्यूस किया था फहद फासिल और श्याम पुष्करन और दिलेश पोटलान ने तो फिल्म का जो कलेक्शन था वो काफ़ी बढ़िया रहा था और हिंदी के अंदर आप देखना चाहते हैं तो वैसे तो ये मूवी काफ़ी जगह पर आपको मिलेंगी लेकिन ऑफिशियल प्लेटफॉर्म डिजनी प्लस हॉटस्टार है आप लोग डिजनी प्लस हॉटस्टार पर इस मूवी को हिंदी में स्ट्रीम कर सकते हैं इसके अलावा आ एट एल एक्स स्ट्रीम वहाँ पर भी आपको फिल्म देखने को मिल जाएंगी आप वहाँ से भी चेकआउट कर सकते हैं इस मूवी को फिल्म के कास्ट में आपको नस्लन के कपूर ममिता बैजू संगीत प्रताप अखिल भार्गनन श्याम मोहन माथ्यू थॉमस समीर खान गोपू केशव अल्ताफ सलीम मीनाक्षी रविंद्र राहुल पिपी ऐसे बहुत सारे किरदार जो है वो देखने को मिल जाते हैं और आपको सबका काम बहुत ही बेहतरीन है आपको कहीं पर भी निराश नहीं करता है लेकिन खासकर इस फिल्म का जो हीरो है और जो हीरोइन है इन दोनों का काम बहुत ही अच्छा लगा फिल्म के अंदर मतलब यहाँ पर आपको काफ़ी कुछ तो सिखाया ही गया है लेकिन इसका क्लाइमेक्स भी काफ़ी इंटरेस्टिंग है और आप जो इस मूवी को प्रेडिक्ट तो कर ही सकते हैं क्योंकि आपको पता ही होगा कि हर मूवी की एक तरह की हैपी एडिंग हो जाती है यहाँ पर भी शायद आपको कुछ ऐसा ही मूवी के मेकर्स ने दिखाने की कोशिश की हुई है और ये जो मूवी है इस कारण वैसे काफ़ी थोड़ा ज़्यादा है लेकिन अगर थोड़ा कम भी होता तो भी कोई दिक्कत की बात नहीं होती हर लोगों को दोस्तों अलग अलग तरह की फिल्में देखना पसंद होता है जो लोग दोस्तों रोमांटिक मूवीज़ देखते हैं वही इसे देखे वरना अगर आप एक्शन या फिर मार धड़ वाली मूवीज़ देखते हैं तो हो सकता है कि आपको ये उतनी अच्छी ना लगे फिल्म के अंदर जो हीरो होता है इसका नाम सचिन है जो कि केरल के अंदर रहता है और वो एक लड़की से प्यार भी करता है और वन साइड लव होता है लेकिन वह उससे प्रेम का खुलासा नहीं कर सकता है और फिर बाद में वो जो पढ़ाई के अंतिम दिनों के अंदर उसे बताता है लेकिन वो लड़की उसे मना कर देती है इस बात का उसे काफी दुख होता है क्योंकि उसने ये सोच रखा था कि वो लड़के उसे हाँ बोल देंगे लेकिन ऐसा हुआ नहीं इसका उल्टा विपरीत हो गया फिर कहानी आगे थोड़ी चलती है और फिर जो हीरो होता है वो उच्च शिक्षा के लिए जो है ब्रिटेन जाने की कोशिश करता है लेकिन इसका वीजा जो नहीं मिल पाता है और वीजा खारिज कर दिया जाता है छह महीने बाद वे जो है उसे एक मौका मिलता है और वे अपने दोस्त अमूल जो है यानी कि संगीत प्रताप है इनके साथ वे जो कुछ महीने उसके साथ बिताता है लेकिन फिर होता यू है कि जब कोचिंग सेंटर में जो है अपनी शादी के लिए एक जगह पे जाता है तो वहाँ पर एक लड़की से मिलता है जिसका नाम रीना यानी कि ममिता बेजो होता है और पहली बार में जब उसे देखता है तो उसे भी प्यार हो ही जाता है उससे और फिर जो है वो उसके प्यार में गिरता है रैनु जो कि हैदराबाद में आई में जॉब कर रही होती है और आदि जो श्याम मोहन है जो कि एक वरिष्ठ है उसे प्यार करता है और हैदराबाद लौटने के बाद सचिन और अमूल ने रेनू को उसके दोस्त को ले जाने में उसकी मदद की होती है दोस्त ने यहाँ पर उसके चेहरे पर कहा है कि जो रेनू है कल के बारे में लक्ष्य इन्हें नहीं होगी और वह यूके के जाने की योजना बना रही है और वह उस गेट उस गेट को छोड़कर फूड कोर्ट में काम कर रही है और वह ऐसी लड़की नहीं है और उसने बस अगले तीस सालों की योजना बनाए रखी होती है और वे जो है वो आदि से प्यार करती है जो कि उसके लिए उपयुक्त है तुम्हारे जैसे जो अपरिपक्व व्यक्ति है उनसे नहीं तो उसके चेहरे पर जो है अब सचिन ने दूसरी बार क्या फैसला लिया होता है ये कहानी का बाकी हिस्सा होता है हालांकि ये कहानी दोस्तों जो है पुराने ज़माने की जैसी ही है लेकिन यहाँ पर जिस तरह से इसे प्रजेंट किया गया है वो बिल्कुल नया है मूवी के अंदर आपको थोड़े बहुत उतारा चढ़ाव देखने को मिलेंगे काफ़ी अच्छे गाने भी देखने को मिलेंगे जो कि हिंदी के अंदर डब कराए गए हैं ये मूवी दोस्तों वैसे तो मुझे पर्सनली अच्छी लगी है और उम्मीद है कि आपको भी शायद अच्छी लगेंगी इसका बजट भी दोस्तों कम था और कलेक्शन भी काफ़ी इंटरेस्टिंग हुआ है तो कुल मिलाकर एक अच्छी फिल्म आप इसे मान सकते हैं और रेटिंग भी काफ़ी सही है इस फ़िल्म की दुनिया में एक काम ये भी मुश्किल है कि हम जिसे पसंद करते हैं उसको बताना कि हम उसे पसंद करते हैं कई बार ये होता है कि हम इस राह में वेट करते हैं कि वो सामने से आकर हमें बताएंगे या फिर हम वेट इस बात का करते हैं कि जो है वो हम कभी ना कभी बताएंगे लेकिन वो दिन आता ही नहीं है उसकी शादी हो जाती है और दिन चले जाते हैं और हमारा सपना सपना रह जाता है खैर ऐसा मूवी के अंदर भी होता है लेकिन रियल लाइफ में भी होता ही होगा और आप में से बहुत लोगों के साथ ऐसा हुआ ही होगा मैं भी आपको यहाँ पर आज एक ऐसी मूवी के बारे में बताने जा रहा हूँ जहाँ पर आपको कुछ ऐसा ही जो है वो दिखाया गया है और जो मूवी के डायरेक्टर है इन्होंने एक बहुत ही बड़ी सीख भी दे हुई है ख़ासकर जो मॉडर्न लव है इनके बारे में काफ़ी कुछ यहाँ पर बताया हुआ है तो ये मूवी दोस्तों काफ़ी बेहतरीन है इसे आप एक बार हिंदी के अंदर ज़रूर देखिए हालांकि आगे मैं आपको ये भी बताने वाला हूँ ये फ़िल्म कहाँ पर आपको हिंदी के अंदर देखने को मिलेंगी तो इस वीडियो को आप थोड़ा बहुत देख लीजिएगा ताकि दोस्तों फिल्म के बारे में आपको सभी जानकारी तो मिल ही जाए लेकिन आप लोग इसे हिंदी के अंदर भी देख सकें और एक बहुत ही बड़ी ब्लॉकबस्टर फिल्म भी रही है क्योंकि मूवी का जितना बजट था उससे लगभग दस गुना ज़्यादा इसका कलेक्शन भी रहा है तो अच्छी बात यह है कि ये मूवी दोस्तों जो है वो आप हिंदी के अंदर देख सकते हैं तो चलिए जानते हैं फिल्म के बारे में तो फिल्म का नाम दोस्तों प्रेमलू है जो कि दो की मलयालम भाषा की एक कॉमेडी और रोमांस बेस्ड फिल्म है जिसका रन टाइम लगभग दो घंटे और छत्तीस मिनट का है और इसकी रेटिंग भी काफ़ी अच्छी निकल के आई है लगभग दोस्तों अस्सी से नब्बे प्रतिशत लोगों ने इसे लाइक किया हुआ है तो यहाँ पर आप समझ हो गए होंगे कि फिल्म के अंदर दम जरूर है इसके अलावा मूवी के अंदर जो स्टोरी आपको दिखाई गई है वो वैसे तो सिंपल है लेकिन जिस तरह से इसे प्रेजेंट किया गया है वाकई बहुत ही बढ़िया है इसे प्रोड्यूस किया था फहद फासिल और श्याम पुष्करन और दिलेश पोटलान ने तो फिल्म का जो कलेक्शन था वो काफ़ी बढ़िया रहा था और हिंदी के अंदर आप देखना चाहते हैं तो वैसे तो ये मूवी काफ़ी जगह पर आपको मिलेंगी लेकिन ऑफिशियल प्लेटफॉर्म डिजनी प्लस हॉटस्टार है आप लोग डिजनी प्लस हॉटस्टार पर इस मूवी को हिंदी में स्ट्रीम कर सकते हैं इसके अलावा अहा एट एलेक्स स्ट्रीम वहाँ पर भी आपको फिल्म देखने को मिल जाएंगी आप वहाँ से भी चेकआउट कर सकते हैं इस मूवी को फिल्म के लीड कास्ट में आपको नस्लन के कपूर ममिता बैजू संगीत प्रताप अखिल भार्गवन श्याम मोहन माथेव थॉमस समीर खान गोपू केशव अल्ताफ सलीम मीनाक्षी रविंद्र राहुल टिपी ऐसे बहुत सारे किरदार जो है वो देखने को मिल जाते हैं और आपको सबका काम बहुत ही बेहतरीन है आपको कहीं पर भी निराश नहीं करता है लेकिन खास कर इस फिल्म का जो हीरो है और जो हीरोइन है इन दोनों का काम बहुत ही अच्छा लगा फिल्म के अंदर मतलब यहाँ पर आपको काफ़ी कुछ तो सिखाया ही गया है लेकिन इसका क्लाइमेक्स भी काफ़ी इंटरेस्टिंग है और आप जो इस मूवी को प्रेडिक्ट तो कर ही सकते हैं क्योंकि आपको पता ही होगा कि हर मूवी की एक तरह की हैप्पी एंडिंग एडिंग हो जाती है यहाँ पर भी शायद आपको कुछ ऐसा ही मूवी के मेकर्स ने दिखाने की कोशिश की हुई है और ये जो मूवी है इस कारण वैसे काफ़ी थोड़ा ज़्यादा है लेकिन अगर थोड़ा कम भी होता तो भी कोई दिक्कत की बात नहीं होती हर लोगों को दोस्तों अलग अलग तरह की फिल्में देखना पसंद होता है जो लोग दोस्तों रोमांटिक मूवीज़ देखते हैं वही इसे देखे वरना अगर आप एक्शन या फिर मार धड़ वाली मूवीज़ देखते हैं तो हो सकता है कि आपको ये उतनी अच्छी ना लगे फिल्म के अंदर जो हीरो होता है इसका नाम सचिन है जो कि केरल के अंदर रहता है और वो एक लड़की से प्यार भी करता है और वन साइड लव होता है लेकिन वह उससे प्रेम का खुलासा नहीं कर सकता है और फिर बाद में वो जो पढ़ाई के अंतिम दिनों के अंदर उसे बताता है लेकिन वो लड़की उसे मना कर देती है इस बात का उसे काफी दुख होता है क्योंकि उसने ये सोच रखा था कि वो लड़के उसे हाँ बोल देंगे लेकिन ऐसा हुआ नहीं इसका उल्टा विपरीत हो गया फिर कहानी आगे थोड़ी चलती है और फिर जो हीरो होता है वो उच्च शिक्षा के लिए जो है ब्रिटेन जाने की कोशिश करता है लेकिन इसका वीज़ा जो नहीं मिल पाता है और वीजा खारिज कर दिया जाता है छह महीने बाद वे जो है उसे एक मौका मिलता है और वे अपने दोस्त अमूल जो है यानी कि संगीत प्रताप है इनके साथ वे जो कुछ महीने उसके साथ बिताता है लेकिन फिर होता यू है कि जब कोचिंग सेंटर में जो है वो अपनी शादी के लिए एक जगह पे जाता है तो वहाँ पर एक लड़की से मिलता है जिसका नाम रीना यानी कि ममिता बेजो होता है और पहली बार में ही जब उसे देखता है तो उसे भी प्यार हो ही जाता है उससे और फिर जो है वो उसके प्यार में गिरता है रहन जगह हैदराबाद में आई में जॉब कर रही होती है और आदि जो श्याम मोहन है जो कि एक वरिष्ठ है उसे प्यार करता है और हैदराबाद लौटने के बाद सचिन और अमूल ने रेनू को उसके दोस्त को ले जाने में उसकी मदद की होती है दोस्त ने यहाँ पर उसके चेहरे पर कहा है कि जो रेनू है कल के बारे में लक्ष्य इन्हें नहीं होगी और वह यूके जाने की योजना बना रही है और वह उस गेट उस गेट को छोड़कर फूड कोर्ट में काम कर रही है और वह ऐसी लड़की नहीं है और उसने बस अगले तीस सालों की योजना बनाए रखी होती है और वे जो है वो आदि से प्यार करती है जो कि उसके लिए उपयुक्त है तुम्हारे जैसे जो अपरिपक्व व्यक्ति है उनसे नहीं उसके चेहरे पर जो है अब सचिन ने दूसरी बार क्या फैसला लिया होता है ये कहानी का बाकी हिस्सा होता है हालांकि ये कहानी दोस्तों जो है पुराने ज़माने के जैसी ही है लेकिन यहाँ पर जिस तरह से इसे किया गया है वो बिल्कुल नया है मूवी के अंदर आपको थोड़े बहुत उतारा चढ़ाव देखने को मिलेंगे काफ़ी अच्छे गाने भी देखने को मिलेंगे जो कि हिंदी के अंदर डब कराए गए हैं ये मूवी दोस्तों वैसे तो मुझे पर्सनली अच्छी लगी है और उम्मीद है कि आपको भी शायद अच्छी लगेंगी इसका बजट भी दोस्तों कम था और कलेक्शन भी काफ़ी इंटरेस्टिंग हुआ है तो कुल मिलाकर एक अच्छी फिल्म आप इसे मान सकते हैं और रेटिंग भी काफ़ी सही है इस फिल्म की दुनिया में एक काम ये भी मुश्किल है कि हम जिसे पसंद करते हैं उसको बताना कि हम उसे पसंद करते हैं कई बार ये होता है कि हम इस राह में वेट करते हैं कि वो सामने से सा आकर हमें बताएंगे या फिर हम वेट इस बात का करते हैं कि जो है वो हम कभी ना कभी बताएंगे लेकिन वो दिन आता ही नहीं है उसकी शादी हो जाती है और दिन चले जाते हैं और हमारा सपना सपना रह जाता है खैर ऐसा मूवी के अंदर भी होता है लेकिन रियल लाइफ में भी होता ही होगा और आप में से बहुत लोगों के साथ ऐसा हुआ ही होगा मैं भी आपको यहाँ पर आज एक ऐसी मूवी के बारे में बताने जा रहा हूँ जहाँ पर आपको कुछ ऐसा ही जो है वो दिखाया गया है और जो मूवी के डायरेक्टर है इन्होंने एक बहुत ही बड़ी सीख भी दे हुई है खासकर जो मॉडर्न लव है इनके बारे में काफ़ी कुछ यहाँ पर बताया हुआ है तो ये मूवी दोस्तों काफ़ी बेहतरीन है इसे आप एक बार हिंदी के अंदर ज़रूर देखिए हालांकि आगे मैं आपको ये भी बताने वाला हूँ ये फिल्म कहाँ पर आपको हिंदी के अंदर देखने को मिलेंगी तो इस वीडियो को आप थोड़ा बहुत देख लीजिएगा ताकि दोस्तों फिल्म के बारे में आपको सभी जानकारी तो मिल ही जाए लेकिन आप लोग इसे हिंदी के अंदर भी देख सकें और एक बहुत ही बड़ी ब्लॉकबस्टर फिल्म भी रही है क्योंकि मूवी का जितना बजट था उससे लगभग दस गुना ज़्यादा इसका कलेक्शन भी रहा है तो अच्छी बात यह है कि ये मूवी दोस्तों जो है वह आप हिंदी के अंदर देख सकते हैं तो चलिए जानते हैं फिल्म के बारे में तो फिल्म का नाम दोस्तों प्रेमलो है जो कि 2024 की मलयालम भाषा की एक कॉमेडी और रोमांस बेस्ड फिल्म है जिसका रन टाइम लगभग दो घंटे और छत्तीस मिनट का है और इसकी रेटिंग भी काफ़ी अच्छी निकल के आई है लगभग दोस्तों अस्सी से नब्बे प्रतिशत लोगों ने इसे लाइक किया हुआ है तो यहाँ पर आप समझ हो गए होंगे कि फिल्म के अंदर दम ज़रूर है इसके अलावा मूवी के अंदर जो स्टोरी आपको दिखाई गई है वो वैसे तो सिंपल है लेकिन जिस तरह से इसे प्रेजेंट किया गया है वाकई बहुत ही बढ़िया है इसे प्रोड्यूस किया था फहद फासिल और श्याम पुष्करन और दिलेश पोटलान ने तो फिल्म का जो कलेक्शन था वो काफ़ी बढ़िया रहा था और हिंदी के अंदर आप देखना चाहते हैं तो वैसे तो ये मूवी काफ़ी जगह पर आपको मिलेंगी लेकिन ऑफिशियल प्लेटफॉर्म डिजनी प्लस हॉटस्टार है आप लोग डिजनी प्लस हॉटस्टार पर इस मूवी को हिंदी में स्ट्रीम कर सकते हैं इसके अलावा आट एल एक्स स्ट्रीम वहाँ पर भी आपको फिल्म देखने को मिल जाएंगी आप वहाँ से भी चेकआउट कर सकते हैं इस मूवी को फिल्म के लीड कास्ट में आपको नस्लन के कपूर ममिता बैजू संगीत प्रताप अखिल भार्गवन श्याम मोहन माथेव थॉमस समीर खान गोपू केशव अल्ताफ सलीम मीनाक्षी रविंद्र राहुल पीपी ऐसे बहुत सारे किरदार जो है वो देखने को मिल जाते हैं और आपको सबका काम बहुत ही बेहतरीन है आपको कहीं पर भी निराश नहीं करता है लेकिन ख़ास कर इस फिल्म का जो हीरो है और जो हीरोइन है इन दोनों का काम बहुत ही अच्छा लगा फिल्म के अंदर मतलब यहाँ पर आपको काफ़ी कुछ तो सिखाया ही गया है लेकिन इसका क्लाइमेक्स भी काफ़ी इंटरेस्टिंग है और आप जो इस मूवी को प्रेडिक्ट तो कर ही सकते हैं क्योंकि आपको पता ही होगा कि हर मूवी की एक तरह की एडिंग हो जाती है यहाँ पर भी शायद आपको कुछ ऐसा ही मूवी के मेकर्स ने दिखाने की कोशिश की हुई है और ये जो मूवी है रन टाइम वैसे काफ़ी थोड़ा ज़्यादा है लेकिन अगर थोड़ा कम भी होता तो भी कोई दिक्कत की बात नहीं होती हर लोगों को दोस्तों अलग अलग तरह की फिल्में देखना पसंद होता है जो लोग दोस्तों रोमांटिक मूवीज़ देखते हैं वही इसे देखे वरना अगर आप एक्शन या फिर मार धड़ वाली मूवीज़ देखते हैं तो हो सकता है कि आपको ये उतनी अच्छी ना लगे फिल्म के अंदर जो हीरो होता है इसका नाम सचिन है जो कि केरल के अंदर रहता है और वो एक लड़की से प्यार भी करता है और वन साइड लव होता है लेकिन वह उससे प्रेम का खुलासा नहीं कर सकता है और फिर बाद में वो जो पढ़ाई के अंतिम दिनों के अंदर उसे बताता है लेकिन वो लड़की उसे मना कर देती है इस बात का उसे काफ़ी दुख होता है क्योंकि उसने ये सोच रखा था कि वो लड़के उसे हाँ बोल देंगे लेकिन ऐसा हुआ नहीं इसका उल्टा विपरीत हो गया फिर कहानी आगे थोड़ी चलती है और फिर जो हीरो होता है वो उच्च शिक्षा के लिए जो है ब्रिटेन जाने की कोशिश करता है लेकिन इसका वीज़ा जो नहीं मिल पाता है और वीज़ा खारिज कर दिया जाता है छः महीने बाद वे जो है उसे एक मौका मिलता है और वे अपने दोस्त अमूल जो है यानी कि संगीत प्रताप है इनके साथ वे जो कुछ महीने उसके साथ बिताता है लेकिन फिर होता यू है कि जब कोचिंग सेंटर में जो है वो अपनी शादी के लिए एक जगह पर जाता है तो वहाँ पर एक लड़की से मिलता है जिसका नाम रीना यानी कि ममिता बेजो होता है और पहली बार में ही जब उसे देखता है तो उसे भी प्यार हो ही जाता है उससे और फिर जो है वो उसके प्यार में गिरता है रहन जो कि हैदराबाद में आईटी में जॉब कर रही होती है और आदि जो श्याम मोहन है जो कि एक वरिष्ठ है उसे प्यार करता है और हैदराबाद लौटने के बाद सचिन और अमूल ने रेनू को उसके दोस्त को ले जाने में उसकी मदद की होती है दोस्त ने यहाँ पर उसके चेहरे पर कहा है कि जो रेनू है कल के बारे में लक्ष्य इन्हें नहीं होगी और वह यूके जाने की योजना बना रही है और वह उस गेट उस गेट को छोड़कर फूड कोर्ट में काम कर रही है और वह ऐसी लड़की नहीं है और उसने बस अगले तीस सालों की योजना बनाए रखी होती है और वे जो है वो आदि से प्यार करती है जो कि उसके लिए उपयुक्त है तुम्हारे जैसे जो अपरिपक्व व्यक्ति है उनसे नहीं उसके चेहरे पर जो है अब सचिन ने दूसरी बार क्या फैसला लिया होता है ये कहानी का बाकी हिस्सा होता है हालांकि ये कहानी दोस्तों जो है पुराने ज़माने के जैसी ही है लेकिन यहाँ पर जिस तरह से इसे किया गया है वो बिल्कुल नया है मूवी के अंदर आपको थोड़े बहुत उतारा चढ़ाव देखने को मिलेंगे काफ़ी अच्छे गाने भी देखने को मिलेंगे जो कि हिंदी के अंदर डब कराए गए हैं ये मूवी दोस्तों वैसे तो मुझे पर्सनली अच्छी लगी है और उम्मीद है कि आपको भी शायद अच्छी लगेंगी इसका बजट भी दोस्तों कम था और कलेक्शन भी काफ़ी इंटरेस्टिंग हुआ है तो कुल मिलाकर एक अच्छी फिल्म आप इसे मान सकते हैं और रेटिंग भी काफ़ी सही है इस फिल्म की दुनिया में एक काम ये भी मुश्किल है कि हम जिसे पसंद करते हैं उसको बताना कि हम उसे पसंद करते हैं कई बार ये होता है कि हम इस राह में वेट करते हैं कि वो सामने से आकर हमें बताएंगे या फिर हम वेट इस बात का करते हैं कि जो है वो हम कभी न कभी बताएंगे लेकिन वो दिन आता ही नहीं है उसकी शादी हो जाती है और दिन चले जाते हैं और हमारा सपना सपना रह जाता है खैर ऐसा मूवी के अंदर भी होता है लेकिन रियल लाइफ में भी होता ही होगा और आप में से बहुत लोगों के साथ ऐसा हुआ ही होगा मैं भी आपको यहाँ पर आज एक ऐसी मूवी के बारे में बताने जा रहा हूँ जहाँ पर आपको कुछ ऐसा ही जो है वो दिखाया गया है और जो मूवी के डायरेक्टर है इन्होंने एक बहुत ही बड़ी सीख भी दे हुई है खासकर जो मॉडर्न लव है इनके बारे में काफ़ी कुछ यहाँ पर बताया हुआ है तो ये मूवी दोस्तों काफ़ी बेहतरीन है इसे आप एक बार हिंदी के अंदर ज़रूर देखिए हालांकि आगे मैं आपको ये भी बताने वाला हूँ ये फ़िल्म कहाँ पर आपको हिंदी के अंदर देखने को मिलेंगी तो इस वीडियो को आप थोड़ा बहुत देख लीजिएगा ताकि दोस्तों फिल्म के बारे में आपको सभी जानकारी तो मिल ही जाए लेकिन आप लोग इसे हिंदी के अंदर भी देख सकें और एक बहुत ही बड़ी ब्लॉकबस्टर फिल्म भी रही है क्योंकि मूवी का जितना बजट था उससे लगभग दस गुना ज़्यादा इसका कलेक्शन भी रहा है तो अच्छी बात यह है कि ये मूवी दोस्तों जो है वो आप हिंदी के अंदर देख सकते हैं तो चलिए जानते हैं फिल्म के बारे में तो फिल्म का नाम दोस्तों प्रेमलू है जो कि 2024 की, की मलयालम भाषा की एक कॉमेडी और रोमांस बेस्ड फिल्म है जिसका रन टाइम लगभग दो घंटे और छत्तीस मिनट का है और इसकी रेटिंग भी काफ़ी अच्छी निकल के आई है लगभग दोस्तों अस्सी से नब्बे प्रतिशत लोगों ने इसे लाइक किया हुआ है तो यहाँ पर आप समझ हो गए होंगे कि फ़िल्म के अंदर दम ज़रूर है इसके अलावा मूवी के अंदर जो स्टोरी आपको दिखाई गई है वो वैसे तो सिंपल है लेकिन जिस तरह से इसे प्रेजेंट किया गया है वाकई बहुत ही बढ़िया है इसे प्रोड्यूस किया था फहद फासिल और श्याम पुष्करन और दिलेश पोटलान ने तो फिल्म का जो कलेक्शन था वो काफ़ी बढ़िया रहा था और हिंदी के अंदर आप देखना चाहते हैं तो वैसे तो ये मूवी काफ़ी जगह पर आपको मिलेंगी लेकिन ऑफिशियल प्लेटफॉर्म डिजनी प्लस हॉटस्टार है आप लोग डिजनी प्लस हॉटस्टार पर इस मूवी को हिंदी में स्ट्रीम कर सकते हैं इसके अलावा आट एल एक्स स्ट्रीम वहाँ पर भी आपको फिल्म देखने को मिल जाएंगी आप वहाँ से भी चेकआउट कर सकते हैं इस मूवी को फिल्म के लीड कास्ट में आपको नस्लन के कपूर ममिता बैजू संगीत प्रताप अखिल भार्गवन श्याम मोहन माथेव थॉमस समीर खान गोपू केशव अल्ताफ सलीम मीनाक्षी रविंद्र राहुल पीपी ऐसे बहुत सारे किरदार जो है वो देखने को मिल जाते हैं और आपको सबका काम बहुत ही बेहतरीन है आपको कहीं पर भी निराश नहीं करता है लेकिन खासकर इस फिल्म का जो हीरो है और जो हीरोइन है इन दोनों का काम बहुत ही अच्छा लगा फिल्म के अंदर मतलब यहाँ पर आपको काफ़ी कुछ तो सिखाया ही गया है लेकिन इसका क्लाइमेक्स भी काफ़ी इंटरेस्टिंग है और आप जो इस मूवी को प्रेडिक्ट तो कर ही सकते हैं क्योंकि आपको पता ही होगा कि हर मूवी की एक तरह की हैप्पी एडिंग हो जाती है यहाँ पर भी शायद आपको कुछ ऐसा ही मूवी के मेकर्स ने दिखाने की कोशिश की हुई है और ये जो मूवी है इस कारण वैसे काफ़ी थोड़ा ज़्यादा है लेकिन अगर थोड़ा कम भी होता तो भी कोई दिक्कत की बात नहीं होती हर लोगों को दोस्तों अलग अलग तरह की फिल्में देखना पसंद होता है जो लोग दोस्तों रोमांटिक मूवीज़ देखते हैं वही इसे देखे वरना अगर आप एक्शन या फिर मार धड़ वाली मूवीज़ देखते हैं तो हो सकता है कि आपको ये उतनी अच्छी ना लगे फिल्म के अंदर जो हीरो होता है इसका नाम सचिन है जो कि केरल के अंदर रहता है और वो एक लड़की से प्यार भी करता है और वन साइड लव होता है लेकिन वह उससे प्रेम का खुलासा नहीं कर सकता है और फिर बाद में वो जो पढ़ाई के अंतिम दिनों के अंदर उसे बताता है लेकिन वो लड़की उसे मना कर देती है इस बात का उसे काफ़ी दुख होता है क्योंकि उसने ये सोच रखा था कि वो लड़के उसे हाँ बोल देंगे लेकिन ऐसा हुआ नहीं इसका उल्टा विपरीत हो गया फिर कहानी आगे थोड़ी चलती है और फिर जो हीरो होता है वो उच्च शिक्षा के लिए जो है ब्रिटेन जाने की कोशिश करता है लेकिन इसका वीज़ा जो नहीं मिल पाता है और वीज़ा खारिज कर दिया जाता है छः महीने बाद वे जो है उसे एक मौका मिलता है और वे अपने दोस्त अमूल जो है यानी कि संगीत प्रताप है इनके साथ वे जो कुछ महीने उसके साथ बिताता है लेकिन फिर होता यू है कि जब कोचिंग सेंटर में जो है अपनी शादी के लिए एक जगह पे जाता है तो वहाँ पर एक लड़की से मिलता है जिसका नाम रीना यानी कि ममिता बेजो होता है और पहली बार में जब उसे देखता है तो उसे भी प्यार हो ही जाता है उससे और फिर जो है वो उसके प्यार में गिरता है रैनु जो कि हैदराबाद में आई में जॉब कर रही होती है और आदि जो श्याम मोहन है जो कि एक वरिष्ठ है उसे प्यार करता है और हैदराबाद लौटने के बाद सचिन और अमूल ने रेनू को उसके दोस्त को ले जाने में उसकी मदद की होती है दोस्त ने यहाँ पर उसके चेहरे पर कहा है कि जो रेनू है कल के बारे में लक्ष्य है नहीं होगी और वह यूके के जाने की योजना बना रही है और वह उस गेट उस गेट को छोड़कर फूड कोर्ट में काम कर रही है और वह ऐसी लड़की नहीं है और उसने बस अगले तीस सालों की योजना बनाए रखी होती है और वे जो है वो आदि से प्यार करती है जो कि उसके लिए उपयुक्त है तुम्हारे जैसे जो अपरिपक्व व्यक्ति है उनसे नहीं तो उसके चेहरे पर जो है अब सचिन ने दूसरी बार क्या फैसला लिया होता है ये कहानी का बाकी हिस्सा होता है हालांकि ये कहानी दोस्तों जो है पुराने ज़माने की जैसी ही है लेकिन यहाँ पर जिस तरह से इसे प्रजेंट किया गया है वो बिल्कुल नया है मूवी के अंदर आपको थोड़े बहुत उतारा चढ़ाव देखने को मिलेंगे काफ़ी अच्छे गाने भी देखने को मिलेंगे जो कि हिंदी के अंदर डब कराए गए हैं ये मूवी दोस्तों वैसे तो मुझे पर्सनली अच्छी लगी है और उम्मीद है कि आपको भी शायद अच्छी लगेंगी इसका बजट भी दोस्तों कम था और कलेक्शन भी काफ़ी इंटरेस्टिंग हुआ है तो कुल मिलाकर एक अच्छी फिल्म आप इसे मान सकते हैं और रेटिंग भी काफ़ी सही है इस फिल्म की दुनिया में एक काम ये भी मुश्किल है कि हम जिसे पसंद करते हैं उसको बताना कि हम उसे पसंद करते हैं कई बार ये होता है कि हम इस राह में वेट करते हैं कि वो सामने से आकर हमें बताएंगे या फिर हम वेट इस बात का करते हैं कि जो है वो हम कभी न कभी बताएंगे लेकिन वो दिन आता ही नहीं है उसकी शादी हो जाती है और दिन चले जाते हैं और हमारा सपना सपना रह जाता है खैर ऐसा मूवी के अंदर भी होता है लेकिन रियल लाइफ में भी होता ही होगा और आप में से बहुत लोगों के साथ ऐसा हुआ ही होगा मैं भी आपको यहाँ पर आज एक ऐसी मूवी के बारे में बताने जा रहा हूँ जहाँ पर आपको कुछ ऐसा ही जो है वो दिखाया गया है और जो मूवी के डायरेक्टर है इन्होंने एक बहुत ही बड़ी सीख भी दे हुई है ख़ासकर जो मॉडर्न लव है इनके बारे में काफ़ी कुछ यहाँ पर बताया हुआ है तो ये मूवी दोस्तों काफ़ी बेहतरीन है इसे आप एक बार हिंदी के अंदर ज़रूर देखिए हालांकि आगे मैं आपको ये भी बताने वाला हूँ ये फ़िल्म कहाँ पर आपको हिंदी के अंदर देखने को मिलेंगी तो इस वीडियो को आप थोड़ा बहुत देख लीजिएगा ताकि दोस्तों फिल्म के बारे में आपको सभी जानकारी तो मिल ही जाए लेकिन आप लोग इसे हिंदी के अंदर भी देख सकें और एक बहुत ही बड़ी ब्लॉकबस्टर फिल्म भी रही है क्योंकि मूवी का जितना बजट था उससे लगभग दस गुना ज़्यादा इसका कलेक्शन भी रहा है तो अच्छी बात यह है कि ये मूवी दोस्तों जो है वो आप हिंदी के अंदर देख सकते हैं तो चलिए जानते हैं फिल्म के बारे में तो फिल्म का नाम दोस्तों प्रेमलू है जो कि दो की मलयालम भाषा की एक कॉमेडी और रोमांस बेस्ड फिल्म है जिसका रन टाइम लगभग दो घंटे और छत्तीस मिनट का है और इसकी रेटिंग भी काफ़ी अच्छी निकल के आई है लगभग दोस्तों अस्सी से नब्बे प्रतिशत लोगों ने इसे लाइक किया हुआ है तो यहाँ पर आप समझ हो गए हो कि फिल्म के अंदर दम जरूर है इसके अलावा मूवी के अंदर जो स्टोरी आपको दिखाई गई है वो वैसे तो सिंपल है लेकिन जिस तरह से इसे प्रेजेंट किया गया है वाकई बहुत ही बढ़िया है इसे प्रोड्यूस किया था फहद फासिल और श्याम पुस्करन और दिलेश पोटलान ने तो फिल्म का जो कलेक्शन था वो काफ़ी बढ़िया रहा था और हिंदी के अंदर आप देखना चाहते हैं तो वैसे तो ये मूवी काफ़ी जगह पर आपको मिलेंगी लेकिन ऑफिशियल प्लेटफॉर्म डिजनी प्लस हॉटस्टार है आप लोग डिजनी प्लस हॉटस्टार पर इस मूवी को हिंदी में स्ट्रीम कर सकते हैं इसके अलावा अहा एट एलेक्स स्ट्रीम वहाँ पर भी आपको फिल्म देखने को मिल जाएंगी आप वहाँ से भी चेकआउट कर सकते हैं इस मूवी को फिल्म के कास्ट में आपको नस्लन के कपूर ममिता बैजू संगीत प्रताप अखिल भार्गनन श्याम मोहन माथ्यू थॉमस समीर खान गोपू केशव अल्ताफ सलीम मीनाक्षी रविंद्र राहुल टिपी ऐसे बहुत सारे किरदार जो है वो देखने को मिल जाते हैं और आपको सबका काम बहुत ही बेहतरीन है आपको कहीं पर भी निराश नहीं करता है लेकिन खासकर इस फिल्म का जो हीरो है और जो हीरोइन है इन दोनों का काम बहुत ही अच्छा लगा फिल्म के अंदर मतलब यहाँ पर आपको काफ़ी कुछ तो सिखाया ही गया है लेकिन इसका क्लाइमेक्स भी काफ़ी इंटरेस्टिंग है और आप जो इस मूवी को प्रेडिक्ट तो कर ही सकते हैं क्योंकि आपको पता ही होगा कि हर मूवी की एक तरह की हैप्पी एंडिंग एडिंग हो जाती है यहाँ पर भी शायद आपको कुछ ऐसा ही मूवी के मेकर्स ने दिखाने की कोशिश की हुई है और ये जो मूवी है इस कारण वैसे काफ़ी थोड़ा ज़्यादा है लेकिन अगर थोड़ा कम भी होता तो भी कोई दिक्कत की बात नहीं होती हर लोगों को दोस्तों अलग अलग तरह की फिल्में देखना पसंद होता है जो लोग दोस्तों रोमांटिक मूवीज़ देखते हैं वही इसे देखे वरना अगर आप एक्शन या फिर मार धड़ वाली मूवीज़ देखते हैं तो हो सकता है कि आपको ये उतनी अच्छी ना लगे फिल्म के अंदर जो हीरो होता है इसका नाम सचिन है जो कि केरल के अंदर रहता है और वो एक लड़की से प्यार भी करता है और वन साइड लव होता है लेकिन वह उससे प्रेम का खुलासा नहीं कर सकता है और फिर बाद में वो जो पढ़ाई के अंतिम दिनों के अंदर उसे बताता है लेकिन वो लड़की उसे मना कर देती है इस बात का उसे काफी दुख होता है क्योंकि उसने ये सोच रखा था कि वो लड़के उसे हाँ बोल देंगे लेकिन ऐसा हुआ नहीं इसका उल्टा विपरीत हो गया फिर कहानी आगे थोड़ी चलती है और फिर जो हीरो होता है वो उच्च शिक्षा के लिए जो है ब्रिटेन जाने की कोशिश करता है लेकिन इसका वीजा जो नहीं मिल पाता है और वीजा खारिज कर दिया जाता है छह महीने बाद वे जो है उसे एक मौका मिलता है और वे अपने दोस्त अमूल जो है यानी कि संगीत प्रताप है इनके साथ वे जो कुछ महीने उसके साथ बिताता है लेकिन फिर होता यू है कि जब कोचिंग सेंटर में जो है अपनी शादी के लिए एक जगह पर जाता है तो वहाँ पर एक लड़की से मिलता है जिसका नाम रीना यानी कि ममिता बेजो होता है और पहली बार में ही जब उसे देखता है तो उसे भी प्यार हो ही जाता है उससे और फिर जो है वो उसके प्यार में गिरता है रहन जो कि हैदराबाद में आईटी में जॉब कर रही होती है और आदि जो श्याम मोहन है जो कि एक वरिष्ठ है उसे प्यार करता है और हैदराबाद लौटने के बाद सचिन और अमूल ने रेनो को उसके दोस्त को ले जाने में उसकी मदद की होती है दोस्त ने यहाँ पर उसके चेहरे पर कहा है कि जो रेनू है कल के बारे में लक्ष्य इन्हें नहीं होगी और वह यूके जाने की योजना बना रही है और वह उस गेट उस गेट को छोड़कर फूड कोर्ट में काम कर रही है और वह ऐसी लड़की नहीं है और उसने बस अगले तीस सालों की योजना बनाए रखी होती है और वे जो है वो आदि से प्यार करती है जो कि उसके लिए उपयुक्त है तुम्हारे जैसे जो अपरिपक्व व्यक्ति है उनसे नहीं उसके चेहरे पर जो है अब सचिन ने दूसरी बार क्या फैसला लिया होता है ये कहानी का बाकी हिस्सा होता है हालांकि ये कहानी दोस्तों जो है पुराने जमाने के जैसी ही है लेकिन यहाँ पर जिस तरह से प्रेजेंट किया गया है वो बिल्कुल नया है मूवी के अंदर आपको थोड़े बहुत उतारा चढ़ाव देखने को मिलेंगे काफ़ी अच्छे गाने भी देखने को मिलेंगे जो कि हिंदी के अंदर डब कराए गए हैं ये मूवी दोस्तों वैसे तो मुझे पर्सनली अच्छी लगी है और उम्मीद है कि आपको भी शायद अच्छी लगेंगी इसका बजट भी दोस्तों कम था और कलेक्शन भी काफ़ी इंटरेस्टिंग हुआ है तो कुल मिलाकर एक अच्छी फिल्म आप इसे मान सकते हैं और रेटिंग भी काफ़ी सही है इस फिल्म की दुनिया में एक काम ये भी मुश्किल है कि हम जिसे पसंद करते हैं उसको बताना कि हम उसे पसंद करते हैं कई बार ये होता है कि हम इस राह में वेट करते हैं कि वो सामने से आकर हमें बताएंगे या फिर हम वेट इस बात का करते हैं कि जो है वो हम कभी ना कभी बताएंगे लेकिन वो दिन आता ही नहीं है उसकी शादी हो जाती है और दिन चले जाते हैं और हमारा सपना सपना रह जाता है खैर ऐसा मूवी के अंदर भी होता है लेकिन रियल लाइफ में भी होता ही होगा और आप में से बहुत लोगों के साथ ऐसा हुआ ही होगा मैं भी आपको यहाँ पर आज एक ऐसी मूवी के बारे में बताने जा रहा हूँ जहाँ पर आपको कुछ ऐसा ही जो है वो दिखाया गया है और जो मूवी के डायरेक्टर है इन्होंने बहुत ही बड़ी सीख भी दे हुई है ख़ासकर जो मॉडर्न लव है इनके बारे में काफ़ी कुछ यहाँ पर बताया हुआ है तो ये मूवी दोस्तों काफ़ी बेहतरीन है इसे आप एक बार हिंदी के अंदर ज़रूर देखिए हालांकि आगे मैं आपको ये भी बताने वाला हूँ ये फ़िल्म कहाँ पर आपको हिंदी के अंदर देखने को मिलेंगी तो इस वीडियो को आप थोड़ा बहुत देख लीजिएगा ताकि दोस्तों फिल्म के बारे में आपको सभी जानकारी तो मिल ही जाए लेकिन आप लोग इसे हिंदी के अंदर भी देख सकें और एक बहुत ही बड़ी ब्लॉकबस्टर फिल्म भी रही है क्योंकि मूवी का जितना बजट था उससे लगभग दस गुना ज़्यादा इसका कलेक्शन भी रहा है तो अच्छी बात यह है कि ये मूवी दोस्तों जो है वह आप हिंदी के अंदर देख सकते हैं तो चलिए जानते हैं फिल्म के बारे में तो फिल्म का नाम दोस्तों प्रेमलो है जो कि 2024 की मलयालम भाषा की एक कॉमेडी और रोमांस बेस्ड फिल्म है जिसका रन टाइम लगभग दो घंटे और छत्तीस मिनट का है और इसकी रेटिंग भी काफ़ी अच्छी निकल के आई है लगभग दोस्तों अस्सी से नब्बे प्रतिशत लोगों ने इसे लाइक किया हुआ है तो यहाँ पर आप समझ हो गए होंगे कि फिल्म के अंदर दम जरूर है इसके अलावा मूवी के अंदर जो स्टोरी आपको दिखाई गई है वो वैसे तो सिंपल है लेकिन जिस तरह से इसे प्रेजेंट किया गया है वाकई बहुत ही बढ़िया है इसे प्रोड्यूस किया था फहद फासिल और श्याम पुस्करन और दिलेश पोटलान ने तो फिल्म का जो कलेक्शन था वो काफ़ी बढ़िया रहा था और हिंदी के अंदर आप देखना चाहते हैं तो वैसे तो ये मूवी काफ़ी जगह पर आपको मिलेंगी लेकिन ऑफिशियल प्लेटफॉर्म डिजनी प्लस हॉटस्टार है आप लोग डिजनी प्लस हॉटस्टार पर इस मूवी को हिंदी में स्ट्रीम कर सकते हैं इसके अलावा आ एट एलक्स स्ट्रीम वहाँ पर भी आपको फिल्म देखने को मिल जाएंगी आप वहाँ से भी चैकआउट कर सकते हैं इस मूवी को फिल्म के लीड कास्ट में आपको नस्लन के कपूर ममिता बैजू संगीत प्रताप अखिल भार्गवन श्याम मोहन माथेव थॉमस समीर खान गोपू केशव अल्ताफ सलीम मीनाक्षी रविंद्र राहुल पीपी ऐसे बहुत सारे किरदार जो है वो देखने को मिल जाते हैं और आपको सबका काम बहुत ही बेहतरीन है आपको कहीं पर भी निराश नहीं करता है लेकिन खासकर इस फिल्म का जो हीरो है और जो हीरोइन है इन दोनों का काम बहुत ही अच्छा लगा फिल्म के अंदर मतलब यहाँ पर आपको काफ़ी कुछ तो सिखाया ही गया है लेकिन इसका क्लाइमेक्स भी काफ़ी इंटरेस्टिंग है और आप जो है इस मूवी को प्रेडिक्ट तो कर ही सकते हैं क्योंकि आपको पता ही होगा कि हर मूवी की एक तरह की हैप्पी एंडिंग एडिंग हो जाती है यहाँ पर भी शायद आपको कुछ ऐसा ही मूवी के मेकर्स ने दिखाने की कोशिश की हुई है और ये जो मूवी है रन टाइम वैसे काफ़ी थोड़ा ज़्यादा है लेकिन अगर थोड़ा कम भी होता तो भी कोई दिक्कत की बात नहीं होती हर लोगों को दोस्तों अलग अलग तरह की फिल्में देखना पसंद होता है जो लोग दोस्तों रोमांटिक मूवीज़ देखते हैं वही इसे देखे वरना अगर आप एक्शन या फिर मार धड़ वाली मूवीज़ देखते हैं तो हो सकता है कि आपको ये उतनी अच्छी ना लगे फिल्म के अंदर जो हीरो होता है इसका नाम सचिन है जो कि केरल के अंदर रहता है और वो एक लड़की से प्यार भी करता है और वन साइड लव होता है लेकिन वह उससे प्रेम का खुलासा नहीं कर सकता है और फिर बाद में वो जो पढ़ाई के अंतिम दिनों के अंदर उसे बताता है लेकिन वो लड़की उसे मना कर देती है इस बात का उसे काफ़ी दुख होता है क्योंकि उसने ये सोच रखा था कि वो लड़के उसे हाँ बोल देंगे लेकिन ऐसा हुआ नहीं इसका उल्टा विपरीत हो गया फिर कहानी आगे थोड़ी चलती है और फिर जो हीरो होता है वो उच्च शिक्षा के लिए जो है ब्रिटेन जाने की कोशिश करता है लेकिन इसका वीज़ा जो नहीं मिल पाता है और वीज़ा खारिज कर दिया जाता है छः महीने बाद वे जो है उसे एक मौका मिलता है और वे अपने दोस्त अमूल जो है यानी कि संगीत प्रताप है इनके साथ वे जो कुछ महीने उसके साथ बिताता है लेकिन फिर होता यू है कि जब कोचिंग सेंटर में जो है वो अपनी शादी के लिए एक जगह पे जाता है तो वहाँ पर एक लड़के से मिलता है जिसका नाम रीना यानी कि ममिता बेजो होता है और पहली बार में ही जब उसे देखता है तो उसे भी प्यार हो ही जाता है उससे और फिर जो है वो उसके प्यार में गिरता है रहन जी कि हैदराबाद में आई में जॉब कर रही होती है और आदि जो श्याम मोहन है जो कि एक वरिष्ठ है उसे प्यार करता है और हैदराबाद लौटने के बाद सचिन और अमूल ने रेनू को उसके दोस्त को ले जाने में उसकी मदद की होती है दोस्त ने यहाँ पर उसके चेहरे पर कहा है कि जो रेनू है कल के बारे में लक्ष्य इन्हें नहीं होगी और वह यूके जाने की योजना बना रही है और वह उस गेट उस गेट को छोड़कर फूड कोर्ट में काम कर रही है और वह ऐसी लड़की नहीं है और उसने बस अगले तीस सालों की योजना बनाए रखी होती है और वे जो है वो आदि से प्यार करती है जो कि उसके लिए उपयुक्त है तुम्हारे जैसे जो अपरिपक्व व्यक्ति है उनसे नहीं उसके चेहरे पर जो है अब सचिन ने दूसरी बार क्या फ़ैसला लिया होता है ये कहानी का बाकी हिस्सा होता है हालांकि ये कहानी दोस्तों जो है पुराने ज़माने के जैसी ही है लेकिन यहाँ पर जिस तरह से इसे किया गया है वो बिल्कुल नया है मूवी के अंदर आपको थोड़े बहुत उतारा चढ़ाव देखने को मिलेंगे काफ़ी अच्छे गाने भी देखने को मिलेंगे जो कि हिंदी के अंदर डब कराए गए हैं ये मूवी दोस्तों वैसे तो मुझे पर्सनली अच्छी लगी है और उम्मीद है कि आपको भी शायद अच्छी लगेंगी इसका बजट भी दोस्तों कम था और कलेक्शन भी काफ़ी इंटरेस्टिंग हुआ है तो कुल मिलाकर एक अच्छी फिल्म आप इसे मान सकते हैं और रेटिंग भी काफ़ी सही है इस फिल्म की दुनिया में एक काम ये भी मुश्किल है कि हम जिसे पसंद करते हैं उसको बताना कि हम उसे पसंद करते हैं कई बार ये होता है कि हम इस राह में वेट करते हैं कि वो सामने से आकर हमें बताएंगे या फिर हम वेट इस बात का करते हैं कि जो है वो हम कभी न कभी बताएंगे लेकिन वो दिन आता ही नहीं है उसकी शादी हो जाती है और दिन चले जाते हैं और हमारा सपना सपना रह जाता है खैर ऐसा मूवी के अंदर भी होता है लेकिन रियल लाइफ में भी होता ही होगा और आप में से बहुत लोगों के साथ ऐसा हुआ ही होगा मैं भी आपको यहाँ पर आज एक ऐसी मूवी के बारे में बताने जा रहा हूँ जहाँ पर आपको कुछ ऐसा ही जो है वो दिखाया गया है और जो मूवी के डायरेक्टर है इन्होंने एक बहुत ही बड़ी सीख भी दे हुई है खासकर जो मॉडर्न लव है इनके बारे में काफ़ी कुछ यहाँ पर बताया हुआ है तो ये मूवी दोस्तों काफ़ी बेहतरीन है इसे आप एक बार हिंदी के अंदर ज़रूर देखिए हालांकि आगे मैं आपको ये भी बताने वाला हूँ ये फिल्म कहाँ पर आपको हिंदी के अंदर देखने को मिलेंगी तो इस वीडियो को आप थोड़ा बहुत देख लीजिएगा ताकि दोस्तों फिल्म के बारे में आपको सभी जानकारी तो मिल ही जाए लेकिन आप लोग इसे हिंदी के अंदर भी देख सकें और एक बहुत ही बड़ी ब्लॉकबस्टर फिल्म भी रही है क्योंकि मूवी का जितना बजट था उससे लगभग दस गुना ज़्यादा इसका कलेक्शन भी रहा है तो अच्छी बात यह है कि ये मूवी दोस्तों जो है वह आप हिंदी के अंदर देख सकते हैं तो चलिए जानते हैं फिल्म के बारे में तो फिल्म का नाम दोस्तों प्रेमअलू है जो कि 2024 की, की मलयालम भाषा की एक कॉमेडी और रोमांस बेस्ड फिल्म है जिसका रन टाइम लगभग दो घंटे और छत्तीस मिनट का है और इसकी रेटिंग भी काफ़ी अच्छी निकल के आई है लगभग दोस्तों अस्सी से नब्बे प्रतिशत लोगों ने इसे लाइक किया हुआ है तो यहाँ पर आप समझ हो गए होंगे कि फिल्म के अंदर दम ज़रूर है इसके अलावा मूवी के अंदर जो स्टोरी आपको दिखाई गई है वो वैसे तो सिंपल है लेकिन जिस तरह से इसे प्रेजेंट किया गया है वाकई बहुत ही बढ़िया है इसे प्रोड्यूस किया था फहद फासिल और श्याम पुष्करन और दिलेश पोटलान ने तो फिल्म का जो कलेक्शन था वो काफ़ी बढ़िया रहा था और हिंदी के अंदर आप देखना चाहते हैं तो वैसे तो ये मूवी काफ़ी जगह पर आपको मिलेंगी लेकिन ऑफिशियल प्लेटफॉर्म डिजनी प्लस हॉटस्टार है आप लोग डिजनी प्लस हॉटस्टार पर इस मूवी को हिंदी में स्ट्रीम कर सकते हैं इसके अलावा आट एल एक्स स्ट्रीम वहाँ पर भी आपको फिल्म देखने को मिल जाएंगी आप वहाँ से भी चेकआउट कर सकते हैं इस मूवी को फिल्म के लीड कास्ट में आपको नस्लन के कपूर ममिता बैजू संगीत प्रताप अखिल भार्गवन श्याम मोहन माथेव थॉमस समीर खान गोपू केशव अल्ताफ सलीम मीनाक्षी रविंद्रन राहुल पीपी ऐसे बहुत सारे किरदार जो है वो देखने को मिल जाते हैं और आपको सबका काम बहुत ही बेहतरीन है आपको कहीं पर भी निराश नहीं करता है लेकिन ख़ास कर इस फिल्म का जो हीरो है और जो हीरोइन है इन दोनों का काम बहुत ही अच्छा लगा फिल्म के अंदर मतलब यहाँ पर आपको काफ़ी कुछ तो सिखाया ही गया है लेकिन इसका क्लाइमेक्स भी काफ़ी इंटरेस्टिंग है और आप जो इस मूवी को प्रेडिक्ट तो कर ही सकते हैं क्योंकि आपको पता ही होगा कि हर मूवी की एक तरह की हैपी एडिंग हो जाती है यहाँ पर भी शायद आपको कुछ ऐसा ही मूवी के मेकर्स ने दिखाने की कोशिश की हुई है और ये जो मूवी है रन टाइम वैसे काफ़ी थोड़ा ज़्यादा है लेकिन अगर थोड़ा कम भी होता तो भी कोई दिक्कत की बात नहीं होती हर लोगों को दोस्तों अलग अलग तरह की फिल्में देखना पसंद होता है जो लोग दोस्तों रोमांटिक मूवीज़ देखते हैं वही इसे देखे वरना अगर आप एक्शन या फिर मार धड़ वाली मूवीज़ देखते हैं तो हो सकता है कि आपको ये उतनी अच्छी ना लगे फिल्म के अंदर जो हीरो होता है इसका नाम सचिन है जो कि केरल के अंदर रहता है और वो एक लड़की से प्यार भी करता है और वन साइड लव होता है लेकिन वह उससे प्रेम का खुलासा नहीं कर सकता है और फिर बाद में वो जो पढ़ाई के अंतिम दिनों के अंदर उसे बताता है लेकिन वो लड़की उसे मना कर देती है इस बात का उसे काफ़ी दुख होता है क्योंकि उसने ये सोच रखा था कि वो लड़के उसे हाँ बोल देंगे लेकिन ऐसा हुआ नहीं इसका उल्टा विपरीत हो गया फिर कहानी आगे थोड़ी चलती है और फिर जो हीरो होता है वो उच्च शिक्षा के लिए जो है ब्रिटेन जाने की कोशिश करता है लेकिन इसका वीज़ा जो नहीं मिल पाता है और वीज़ा खारिज कर दिया जाता है छः महीने बाद वे जो है उसे एक मौका मिलता है और वे अपने दोस्त अमूल जो है यानी कि संगीत प्रताप है इनके साथ वे जो कुछ महीने उसके साथ बिताता है लेकिन फिर होता यू है कि जब कोचिंग सेंटर में जो है वो अपनी शादी के लिए एक जगह पे जाता है तो वहाँ पर एक लड़की से मिलता है जिसका नाम रीना यानी कि ममिता बेजो होता है और पहली बार में ही जब उसे देखता है तो उसे भी प्यार हो ही जाता है उससे और फिर जो है वो उसके प्यार में गिरता है रैनु जो कि हैदराबाद में आई में जॉब कर रही होती है और आदि जो श्याम मोहन है जो कि एक वरिष्ठ है उसे प्यार करता है और हैदराबाद लौटने के बाद सचिन और अमूल ने रेनू को उसके दोस्त को ले जाने में उसकी मदद की होती है दोस्त ने यहाँ पर उसके चेहरे पर कहा है कि जो रेनू है कल के बारे में लक्ष्य इन्हें नहीं होगी और वह यूके जाने की योजना बना रही है और वह उस गेट उस गेट को छोड़कर फूड कोर्ट में काम कर रही है और वह ऐसी लड़की नहीं है और उसने बस अगले तीस सालों की योजना बनाए रखी होती है और वे जो है वो आदि से प्यार करती है जो कि उसके लिए उपयुक्त है तुम्हारे जैसे जो अपरिपक्व व्यक्ति है उनसे नहीं तो उसके चेहरे पर जो है अब सचिन ने दूसरी बार क्या फैसला लिया होता है ये कहानी का बाकी हिस्सा होता है हालांकि ये कहानी दोस्तों जो है पुराने ज़माने की जैसी ही है लेकिन यहाँ पर जिस तरह से इसे किया गया है वो बिल्कुल नया है मूवी के अंदर आपको थोड़े बहुत उतार चढ़ाव देखने को मिलेंगे काफ़ी अच्छे गाने भी देखने को मिलेंगे जो कि हिंदी के अंदर डब कराए गए हैं ये मूवी दोस्तों वैसे तो मुझे पर्सनली अच्छी लगी है और उम्मीद है कि आपको भी शायद अच्छी लगेंगी इसका बजट भी दोस्तों कम था और कलेक्शन भी काफ़ी इंटरेस्टिंग हुआ है तो कुल मिलाकर एक अच्छी फिल्म आप इसे मान सकते हैं और रेटिंग भी काफ़ी सही है इस फिल्म की दुनिया में एक काम ये भी मुश्किल है कि हम जिसे पसंद करते हैं उसको बताना कि हम उसे पसंद करते हैं कई बार ये होता है कि हम इस राह में वेट करते हैं कि वो सामने से सा आकर हमें बताएंगे या फिर हम वेट इस बात का करते हैं कि जो है वो हम कभी न कभी बताएंगे लेकिन वो दिन आता ही नहीं है उसकी शादी हो जाती है और दिन चले जाते हैं और हमारा सपना सपना रह जाता है खैर ऐसा मूवी के अंदर भी होता है लेकिन रियल लाइफ में भी होता ही होगा और आप में से बहुत लोगों के साथ ऐसा हुआ ही होगा मैं भी आपको यहाँ पर आज एक ऐसी मूवी के बारे में बताने जा रहा हूँ जहाँ पर आपको कुछ ऐसा ही जो है वो दिखाया गया है और जो मूवी के डायरेक्टर है इन्होंने एक बहुत ही बड़ी सीख भी दे हुई है खासकर जो मॉडर्न लव है इनके बारे में काफ़ी कुछ यहाँ पर बताया हुआ है तो ये मूवी दोस्तों काफ़ी बेहतरीन है इसे आप एक बार हिंदी के अंदर ज़रूर देखिए हालांकि आगे मैं आपको ये भी बताने वाला हूँ ये फ़िल्म कहाँ पर आपको हिंदी के अंदर देखने को मिलेंगी तो इस वीडियो को आप थोड़ा बहुत देख लीजिएगा ताकि दोस्तों फिल्म के बारे में आपको सभी जानकारी तो मिल ही जाए लेकिन आप लोग इसे हिंदी के अंदर भी देख सकें और एक बहुत ही बड़ी ब्लॉकबस्टर फिल्म भी रही है क्योंकि मूवी का जितना बजट था उससे लगभग दस गुना ज़्यादा इसका कलेक्शन भी रहा है तो अच्छी बात यह है कि ये मूवी दोस्तों जो है वो आप हिंदी के अंदर देख सकते हैं तो चलिए जानते हैं फिल्म के बारे में तो फिल्म का नाम दोस्तों प्रेमलू है जो कि दो की मलयालम भाषा की एक कॉमेडी और रोमांस बेस्ड फिल्म है जिसका रन टाइम लगभग दो घंटे और छत्तीस मिनट का है और इसकी रेटिंग भी काफ़ी अच्छी निकल के आई है लगभग दोस्तों अस्सी से नब्बे प्रतिशत लोगों ने इसे लाइक किया हुआ है तो यहाँ पर आप समझ हो गए होंगे कि फिल्म के अंदर दम जरूर है इसके अलावा मूवी के अंदर जो स्टोरी आपको दिखाई गई है वो वैसे तो सिंपल है लेकिन जिस तरह से इसे प्रेजेंट किया गया है वाकई बहुत ही बढ़िया है इसे प्रोड्यूस किया था फहद फासिल और श्याम पुष्करन और दिलेश पोटला ने तो फिल्म का जो कलेक्शन था वो काफ़ी बढ़िया रहा था और हिंदी के अंदर आप देखना चाहते हैं तो वैसे तो ये मूवी काफ़ी जगह पर आपको मिलेंगी लेकिन ऑफिशियल प्लेटफॉर्म डिजनी प्लस हॉटस्टार है आप लोग डिजनी प्लस हॉटस्टार पर इस मूवी को हिंदी में स्ट्रीम कर सकते हैं इसके अलावा आट एल एक्स स्ट्रीम वहाँ पर भी आपको फिल्म देखने को मिल जाएंगी आप वहाँ से भी चेकआउट कर सकते हैं इस मूवी को फिल्म के लीड कास्ट में आपको नस्लन के कपूर ममिता बैजू संगीत प्रताप अखिल भार्गनन श्याम मोहन माथ्यू थॉमस समीर खान गोपू केशव अल्ताफ सलीम मीनाक्षी रविंद्र राहुल टिपी ऐसे बहुत सारे किरदार जो है वो देखने को मिल जाते हैं और आपको सबका काम बहुत ही बेहतरीन है आपको कहीं पर भी निराश नहीं करता है लेकिन खास कर इस फिल्म का जो हीरो है और जो हीरोइन है इन दोनों का काम बहुत ही अच्छा लगा फिल्म के अंदर मतलब यहाँ पर आपको काफ़ी कुछ तो सिखाया ही गया है लेकिन इसका क्लाइमेक्स भी काफ़ी इंटरेस्टिंग है और आप जो इस मूवी को प्रेडिक्ट तो कर ही सकते हैं क्योंकि आपको पता ही होगा कि हर मूवी की एक तरह की हैप्पी एंडिंग एडिंग हो जाती है यहाँ पर भी शायद आपको कुछ ऐसा ही मूवी के मेकर्स ने दिखाने की कोशिश की हुई है और ये जो मूवी है इस कारण वैसे काफ़ी थोड़ा ज़्यादा है लेकिन अगर थोड़ा कम भी होता तो भी कोई दिक्कत की बात नहीं होती हर लोगों को दोस्तों अलग अलग तरह की फिल्में देखना पसंद होता है जो लोग दोस्तों रोमांटिक मूवीज़ देखते हैं वही इसे देखे वरना अगर आप एक्शन या फिर मार धड़ वाली मूवीज़ देखते हैं तो हो सकता है कि आपको ये उतनी अच्छी ना लगे फिल्म के अंदर जो हीरो होता है इसका नाम सचिन है जो कि केरल के अंदर रहता है और वो एक लड़की से प्यार भी करता है और वन साइड लव होता है लेकिन वह उससे प्रेम का खुलासा नहीं कर सकता है और फिर बाद में वो जो पढ़ाई के अंतिम दिनों के अंदर उसे बताता है लेकिन वो लड़की उसे मना कर देती है इस बात का उसे काफ़ी दुख होता है क्योंकि उसने ये सोच रखा था कि वो लड़के उसे हाँ बोल देंगे लेकिन ऐसा हुआ नहीं इसका उल्टा विपरीत हो गया फिर कहानी आगे थोड़ी चलती है और फिर जो हीरो होता है वो उच्च शिक्षा के लिए जो है ब्रिटेन जाने की कोशिश करता है लेकिन इसका वीज़ा जो नहीं मिल पाता है और वीज़ा खारिज कर दिया जाता है छः महीने बाद वे जो है उसे एक मौका मिलता है और वे अपने दोस्त अमूल जो है यानी कि संगीत प्रताप है इनके साथ वे जो कुछ महीने उसके साथ बिताता है लेकिन फिर होता यू है कि जब कोचिंग सेंटर में जो है अपनी शादी के लिए एक जगह पे जाता है तो वहाँ पर एक लड़की से मिलता है जिसका नाम रीना यानी कि ममिता बेजो होता है और पहली बार में ही जब उसे देखता है तो उसे भी प्यार हो ही जाता है उससे और फिर जो है वो उसके प्यार में गिरता है रहन जी की हैदराबाद में आई में जॉब कर रही होती है और आदि जो श्याम मोहन है जो कि एक वरिष्ठ है उसे प्यार करता है और हैदराबाद लौटने के बाद सचिन और अमूल ने रेनो को उसके दोस्त को ले जाने में उसकी मदद की होती है दोस्त ने यहाँ पर उसके चेहरे पर कहा है कि जो रेनो है कल के बारे में लक्ष्य है नहीं होगी और वह यूके जाने की योजना बना रही है और वह उस गेट उस गेट को छोड़कर फूड कोर्ट में काम कर रही है और वह ऐसी लड़की नहीं है और उसने बस अगले तीस सालों की योजना बनाए रखी होती है और वे जो है वो आदि से प्यार करती है जो कि उसके लिए उपयुक्त है तुम्हारे जैसे जो अपरिपक्व व्यक्ति है उनसे नहीं तो उसके चेहरे पर जो है अब सचिन ने दूसरी बार क्या फैसला लिया होता है ये कहानी का बाकी हिस्सा होता है हालांकि ये कहानी दोस्तों जो है पुराने ज़माने की जैसी ही है लेकिन यहाँ पर जिस तरह से इसे किया गया है वो बिल्कुल नया है मूवी के अंदर आपको थोड़े बहुत उतार चढ़ाव देखने को मिलेंगे काफ़ी अच्छे गाने भी देखने को मिलेंगे जो कि हिंदी के अंदर डब कराए गए हैं ये मूवी दोस्तों वैसे तो मुझे पर्सनली अच्छी लगी है और उम्मीद है कि आपको भी शायद अच्छी लगेंगी इसका बजट भी दोस्तों कम था और कलेक्शन भी काफ़ी इंटरेस्टिंग हुआ है तो कुल मिलाकर एक अच्छी फिल्म आप इसे मान सकते हैं और रेटिंग भी काफ़ी सही है इस फिल्म की